या दैट इज़ स्केरी, मतलब टीचर्स बोलते हैं यहाँ पे खड़े होना स्केरी है काफ़ी, बट दिस इज़ रियली स्केरी. सो आई थिंक गुड आफ्टरनून एवरी वन, माई नेम इज़ ऐश्वर्य वर्मा एंड आई एम नॉट अ गर्ल. सो आई नो आई माइट हैव डिसअपॉइंटेड मैनी पीपल. कुछ के तो मेरे पास थ्रेट्स भी आ गए कि तुम लड़की क्यों नहीं हो, लड़की बन जाओ. तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. But on a lighter note, thank you all for coming. So I am here to share my strategy. I am All India ranked 4th this year. So teachers ne mere se bola ki aap bataiye samne wale ko kya padhaya jaye. But I think your teachers are more entitled to it. What I can do is I can share my strategy. Aur agar us point par aapko lage ki usme se kuch acha aap nikal sake, to please do utilize those things. और उसको अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए. मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल श्योर शॉट तरीका है. मुझे भी 4 अटेम्प्ट लग गए यहाँ तक पहुँचने में, तो मुझे भी नहीं पता कि ये श्योर शॉट तरीका है कि नहीं है. लग गया वो अलग बात है, बट हर स्टूडेंट यूनिक होता है और उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है दैट इज़ वो खुद डिवाइस करता है. तो ऐसे केस में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस करनी है. व्हाट आई कैन डू हियर इज़ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ, एंड अगर आपको उससे कुछ इनसाइट्स मिले तो दैट कैन बी वेल एंड गुड. तो आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, होप आई कैन डिलीवर इट वेल. तो पहले मैं अपना शेयर कर देता हूँ, फिर बीच बीच में आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे इंटरेक्ट करना होगा अगर आपको, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड दैट कैन हेल्प मी एनरिच माई नॉलेज एज आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस इन अ बेटर वे. तो लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ. सो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. I have done my BTech from GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. I was born in Madhya Pradesh in Ujjain district, and I had my earlier schooling from Ujjain only. After that, since my father has a transferable job, I have had the opportunity to visit some new places. So I went to Chhattisgarh, then Uttarakhand, and now I'm living in UP, Bareilly. तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट सम न्यू प्लेसेस और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ से गेन कर सका मैं. तो दिस इज़ माई शॉर्ट जर्नी. आई हैव डन माई 10th एंड 12th फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, फ्रॉम होली चाइल्ड स्कूल. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्नैपशॉट ऑफ माई जर्नी. दिस इज़ माई 4th अटैम्प्ट एंड माई ऑप्शनल इज़ ज्योग्राफी. तो स्टार्ट करते हैं. आई वॉज नेवर अ वेरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट. कई बार बोलते हैं कि UPSC के स्टूडेंट्स को हमेशा टॉपर होना चाहिए. सो एज फार एज आई एम कंसर्न मैं कभी एक्सेप्शनल स्टूडेंट रहा ही नहीं. स्टार्टिंग के टॉप 3-4 में आ जाता था, बट आई वॉज नेवर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट जिसको टीचर्स कह सकें कि ये तो कुछ करेगा. तो मेरे बगल में मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठता था, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकला, वो उत्तराखंड टॉपर निकला, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर नाउ, और मैं पिछले 4 साल से उसको देख ही रहा था. तो आई थिंक हार्डवर्क आई हैव वर्कड हार्ड. तो आई एम हैप्पी दैट माई एफर्ट्स हैव फाइनली पैंड आउट. तो वो जो मिथ है कि UPSC एस्पिरेंट्स बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, ये मिथ आई थिंक इट इज़ अ टोटल मिथ. क्योंकि यस्टरडे ऑल्सो, डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो आई मेट द टॉप 20 एट DOPT फेलिसिटेशन सेरेमनी. वहाँ पर भी सब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि यार जितना बाहर मिथ्स फैले हुए हैं कि 16 घंटे पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ बहुत एक्सेप्शनल कर दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें मिथ हैं. आई विल डिस्कस दैट वन बाय वन. तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना एलेबोरेट, जितना ट्रुथफुल हो सके ये प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रैटेजी वो आपके साथ शेयर कर सकूँ. तो धीरे धीरे शुरू करते हैं. तो मैं सबसे पहले प्रिलिम्स से स्टार्ट करता हूँ कि अभी प्रिलिम्स निकला. कितने प्रिलिम्स दिया इस बार? तो अच्छा, प्रिलिम्स का पेपर तो देखा होगा, तो कैसा लगा? मतलब लगा कि फोड़ दोगे? अच्छा, तो मेरा रिजल्ट आया अराउंड 30th को एंड मेरा इंटरव्यू था 23rd मई को. तो जो सबसे ज़्यादा स्केयर्ड था मैं, वो इस चीज़ को था कि रिज़ल्ट नहीं होगा वो तो बात की बात है, अगली बार प्रिलिम्स देना पड़ जाएगा. और ये मेरा ही अकेले का डर नहीं था, ये जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सबका डर रहता है कि यार प्रिलिम्स दोबारा ना देना पड़ता है. बिकॉज नाउ प्रिलिम्स इज़ बिकमिंग सो डाइसी कि किसी का भी अटक सकता है प्रिलिम्स. क्योंकि थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक होता है, बट अब कॉमन सेंस इतनी ज़्यादा लगने लगी है. कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड गिव दिस ईयर, वो पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन स्किप कर दी थी उसने, बट अचानक से देने चला गया एंड ही इज़ क्लियरिंग विथ वेरी गुड रिजल्ट. क्योंकि वो अपना कॉमन सेंस एंड लॉजिक
अप्लाई कर सका वहाँ पे. बट एट द सेम टाइम आई एम वेल अवेयर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी बट स्टिल उनका प्रीलिम्स उतने अच्छे से नहीं हो रहा. तो मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपसे क्यों शेयर करूँ. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ था एंड आई लॉस्ट बाय अ वेरी गुड मार्जिन. अगर मैं मार्जिन बताऊँगा तो आप लोग हंस दोगे यहाँ पे. आई गॉट आफ्टर स्टडिंग फॉर अबाउट वन ईयर आई गॉट 54 मार्क्स. और ये तब था जब 2018 में पेपर इस बार के कंपैरेटिवली थोड़ा ईजियर माना जाता था. तो दैट वाज अ सिचुएशन वेयर आई कम्प्लीटली कोलैप्स्ड. और उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने अपने प्रीलिम्स दिए आई ऑलवेज स्कोर्ड 110 प्लस. और उस जितनी मेहनत मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी उसकी आधी भी मैंने सेकंड थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं करी थी. स्पेशली फोर्थ अटेम्प्ट में इसमें तो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था मैंने. तो आई थिंक आई माइट हैव डन समथिंग गुड इन प्रीलिम्स. तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं प्रीलिम्स में. तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो गलती कर कर के सीखा है. माई फादर ऑलवेज यूज टू से कि बेटा दो प्रकार के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो खुद गलती कर कर के सीखते हैं, दूसरे वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो सीखते ही नहीं हैं. तो आई वॉज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो खुद गलती कर करके सीखा. मगर UPSC जर्नी इतनी बड़ी है कि अगर सारी गलतियाँ खुद करोगे तो अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे. तो थोड़ा इनसाइट दूसरों से ले लो कि उन्होंने क्या गलती करी ताकि आप वो सारी गलतियाँ ना कर सको और कोशिश करो कि फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाओ, क्योंकि उसका तो अलग ही एक्सपीरियंस है. आई एम स्टिल अवेयर ऑफ सम कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद वेरी गुड रैंक्स. द कॉन्फिडेंस ऑन देयर फेस एंड द प्राइड दे गेट फ्रॉम दैट इज़ ऑल्सो अनपैरेलल्ड. तो मैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि हाउ फ्रॉम गेटिंग अ 54 मार्क्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर आई वर्कड वेरी हार्ड आई गॉट 110 प्लस इन ईच ऑफ द अदर प्रीलिम्स, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और प्रीलिम्स में बेटर परफॉर्म कर सकें. तो आई थिंक वी शुड लेट बिगिन. सॉरी तो प्रीलिम्स के तीन जो कंपोनेंट मुझे लगते हैं वो पहला है टेस्ट ऑफ नॉलेज, जिसमें आपको हर आपके UPSC में एक वेल डिफाइंड सिलेबस है. आपको हिस्ट्री में कुछ पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ना पड़ता है. तो जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो आपको हर सब्जेक्ट में तैयार रखना पड़ता है. इसके सोर्सेस हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं अभी. इसके सोर्सेस अभी हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज टेस्ट ऑफ स्किल्स. तो ये कैसे आएंगे आपके पास, ये आता है थ्रू प्रैक्टिस. और तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट इज अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन. आपको लगता है कि आपने ये चीजें देखी हैं, बहुत सामने दिख रहा होगा कि ये कॉमन सेंस से हो जाएगा, बट स्टिल प्रेशर में बच्चे कॉमन सेंस घर छोड़ के आ जाते हैं एंड दे आर वेरी रिजिड देयर. कई बार लगता है कि 50-50 एलिमिनेट कर दिया वहाँ पे. कॉमन सेंस कहती है कि ये प्रोबेबिलिटी पे हमें मार देना चाहिए, बट वो इतने डर जाते हैं वहाँ पे कि नहीं मार पाते. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से. द फर्स्ट ब्लंडर दैट आई कमिटेड इन माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज आई अंडर एस्टिमेटेड प्रीलिम्स. आई अंडर एस्टिमेटेड प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. आई वॉज गुड ऑन दिस फ्रंट, बट दिस फ्रंट द टेस्ट ऑफ स्किल्स, दिस वॉज वेरी मच लैकिंग इन माई फर्स्ट प्रिपरेशन. तो
ऐसा अब इसका रीज़न क्या था कि मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाया, तो ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगा. इट वॉज ऑप्शनल. जनरली इट इज़ सजेस्टेड कि आप ऑप्शनल आते साथ अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल चूज़ करके आएँ कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है. मेरे केस में मैंने ये डिसीजन काफ़ी डिले कर दिया था, क्योंकि एक बहुत अच्छे आदमी ने मुझे एक सजेस्ट किया था कि बेटा यूपीएससी प्रिपरेशन में जाओ और वहाँ पर जिस सब्जेक्ट में तुम्हें मज़ा आएगा वो सब्जेक्ट ले लेना. और ट्रस्ट में मुझे 3 महीने तक किसी सब्जेक्ट में मज़ा ही नहीं आया. तो जब मैंने देखा कि अच्छा अब ऑप्शनल आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, तो मैंने फाइनली जो ऑप्शनल मेरे को सामने मिला, जो सोचा था कि अच्छा ये इंजीनियर्स ले लेते हैं, वहीं मैंने ज्योग्राफी उठा लिया. तो फर्स्ट ब्लंडर जो मैंने कमिट किया वो था डिसाइडिंग माई ऑप्शनल लेट, विच इन टर्न इम्पैक्टेड माई प्रिलिम्स प्रिपरेशन. प्रिलिम्स प्रिपरेशन मैंने बहुत कम टाइम दिया, अराउंड 15 डेज. आई थिंक उस समय जून में हुआ करता था प्रिलिम्स, और 15 मई तक मैं ऑप्शनल में ही लगा हुआ था. आई थॉट कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, JEE में भी करके आए हैं, तो एक नैक होगा हम में जो हम कर लेंगे, बट UPSC इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर दिस वॉट यू कैन डू इज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टेस्ट. सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैंने चेंजेस लाए उसमें आई प्रैक्टिस अराउंड 70 मॉक्स, और अपनी प्रिपरेशन मैंने फरवरी से शुरू कर दी थी एंड इट वेंट ऑन टिल मई. अब मॉक्स करके मुझे क्या फ़ायदा मिला? तो मॉक्स करके मुझे सबसे पहले जो फ़ायदा मिला, आई गॉट द ऑप्टिमम नंबर. नाउ व्हाट इज दिस ऑप्टिमम नंबर? ऑप्टिमम नंबर वो है जहां पर आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम आ सकता है. अगर मैं इसको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करूं, ये आपका स्कोर हो गया, ये आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए. तो हर यूनिक पर्सनालिटी के लिए एक ऐसा पॉइंट आता है कि इस क्वेश्चन इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उसका जो स्कोर है वो मैक्सिमम हो सकता है, तो इसको मैं ऑप्टिमम नंबर कहता हूँ. ये हर बंदे का अलग अलग हो सकता है. आई हैव सीन पीपल विथ 77 अटेम्प्ट्स क्लियर, आई हैव सीन पीपल विथ 85. मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा ये नंबर 85 से 87 के बीच में रहता है, विथ ऑल द एक्यूरेसीज कंसिडर्ड मेरा इसमें रहता है. पर ये मैं कहाँ से आया, ये जब मैंने बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करे तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, क्योंकि उसमें फिर मैं 75 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखे, मैंने 95 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखे. तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा था कि एक अटेम्प्ट से ज़्यादा अगर मैं लेता हूँ तो मेरा स्कोर नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है. तो जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं तो फाइनल UPSC के लिए आपका एक टेम्पलेट तैयार हो जाता है कि दिस इज़ वॉट माई ऑप्टिमम नंबर कैन बी. इससे दूसरी चीज क्या पता चलती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. यहां पे हिस्ट्री कितनों को पसंद है? बस एक को, दो, तीन. इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक वाले होंगे थोड़े. ज्योग्राफी, बाकियों को कुछ नहीं पसंद. तो ऐसा ही होता है. तो जैसे मेरे कैसे मुझे समझ में आ गया था कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, दीज आर माई स्ट्रॉन्ग एरिनाज. मगर हिस्ट्री मेरा इतना वीक था कि 20 क्वेश्चन अगर मैंने कर दिए उसमें, देर आते हुए भी देर वॉज अ चांस कि मेरे 15 गलत हो जाते थे. तो जो मेरा ऑप्टिमम नंबर था 85, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ 2020 प्रिलिम्स. इसमें मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जिसमें से मैंने 10 सिर्फ हिस्ट्री से छोड़ दिए थे, 20 out of 20 क्वेश्चंस, और जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस थे वो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे वहाँ से मैंने छोड़े थे. अब सवाल उठता है कि मैंने हिस्ट्री से ही क्यों छोड़े थे? ये आपको मॉक्स से पता चलता है कि जब आप मॉक्स लगाते हैं तो कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ है और कौन सा एरिया आपका वीक है. अगर आपका कोई एरिया स्ट्रांग है तो वहाँ पर आपके जो लॉजिकल गैसेस हैं और एलिमिनेशन है वो बहुत अच्छे काम करते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स में जनरली जो कंसेप्ट्स होते हैं, अगर एक बार किसी को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बेसिक लेवल पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते. बट आई फाउंड फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए हिस्ट्री क्वेश्चंस पैन आउट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैं हिस्ट्री छोड़ देता था और बाकी बचा हुआ पूरा पेपर कर लेता था. ऐसा भी नहीं कि हिस्ट्री पूरा छोड़ देता था, स्पेक्ट्रम तो बनता है सबका. तो ये था कि स्पेक्ट्रम से जो पूछ लेगा उतना तो मैं करके जाऊँगा ही जाऊँगा,
उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी मेरे से कुछ पूछ लेगा उस वो फिर भगवान भरोसे जो होता ही है। तो प्रिलिम्स के लिए पहली चीज़, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉक्स। व्हाई? बिकॉज वो आपका ऑप्टिमम नंबर बताएगा, वो आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बताएगा। तो पहला वो आपको ऑप्टिमम नंबर बताएगा, सेकंड इट कैन गिव यू स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये आपको कैसे पता चलेंगे? व्हेनेवर यू अटेम्प्ट अ प्रीलिम्स मॉक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एनालाइज इट। आप देखिए कि आपने श्योर शॉट क्वेश्चंस कितने थे, आपके 50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कितने थे, आपके 1/3 प्रोबेबिलिटी वाले कितने थे और आपके ब्लाइंड गेस कितने थे। आई थिंक प्रीलिम्स टेस्ट देने से ज़्यादा ये वाली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बैठती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो श्योर शॉट जनरली 30 के आसपास होते हैं जो 100 क्वेश्चंस हैं, तो इतने में तो आधी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। करीब 30 से 40 के आसपास ज़्यादातर कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन के हिसाब से ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 50% पे नहीं खेला तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। आई एम वेरी ब्लंट अबाउट दिस, क्योंकि 50% ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आपने भी अगर कई बार अटेम्प्ट किए होंगे तो देखते हैं कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और दो बच जाते हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी से भी देखिए, अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं करे, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स, एंड आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट। जब 1/3 की बात आ जाती है, ये आपके इस वाले नंबर पर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को मिला के आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऑप्टिमम नंबर के क्लोज आ गए हैं, इस पे आप थोड़ा लेस चांस ले सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑप्टिमम नंबर के पास नहीं हैं, तो ये वाले अटेम्प्ट करके ये वाले इस पे आपको चांस लेना पड़ेगा। और इसके लिए तो मैं एडवाइस करूँगा, नेवर डू दिस। अब आप समझ रहे होंगे कि वेल रेड पर्सन फर्स्ट अटेम्प्ट में 54 कैसे लाया, थोड़े तो मतलब बनता है यार, 88 तो हम भी ले आते हैं, करीब 80 से 85 के बीच में। तो अगर एक किसी ने एक साल तैयारी करी है तो 54 कैसे लाया? उस समय मैंने करीब 65 क्वेश्चंस अच्छे से करे थे, बट मुझे लग गया था कि यहाँ पर बात नहीं बनने वाली, तो मैंने करीब नेक्स्ट 30 पे ब्लाइंड गैस मार दिया ताकि मैं ऑप्टिमम नंबर पहुँचूँ। ये फेक ऑप्टिमम नंबर पहुँच गया मैं, 65 और बचे हुए 30 पे मैंने मार दिया 95, अब तो मेरा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वेल प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। आपका ऑप्टिमम नंबर, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे। तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि प्रीलिम्स के लिए आप जब भी स्टैटिक पढ़ेंगे और टेस्ट लगाएंगे, यू विल प्रैक्टिस इनफ मॉक। देर इज अ सेइंग कि द मोर आई प्रैक्टिस द लकियर आई गेट, कि जितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं उतना मैं लकी होते जा रहा हूँ। तो ये मैंने बकायदा इस एग्ज़ाम में देखा है कि प्रैक्टिस करते जाओ, जो आपके 50% वाले ना कहते हैं कि 50% है, अगर मैं 30 अटेम्प्ट कर दिए 15 हो जाते हैं, ये 25 भी हो जाते हैं। अगर मैंने 30 में 50% प्रोबेबिलिटी मारी है और मैं बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने इसको 25 तक करेक्ट होते देखे हैं। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उसके बाद आप करंट अफेयर से सप्लीमेंट करिए उसको, और लास्ट में प्रैक्टिस पे लग जाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस कर सकते हैं, आपका ऑप्टिमम नंबर क्या है, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। एक बार आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई तो अगर किसी उसमें आपको 1/3 में भी गेस मारना हुआ, यू विल थिंक कि नहीं यार, मेरे जनरली इस एरिया के क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं, तो वो सही हो सकते हैं। लेकिन अगर कई बार 50% वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जैसे मेरे केस में हिस्ट्री, तो कई बार मैं हिस्ट्री में भी 50% वाले छोड़ देता था। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको कहाँ से पता चलेंगी? मॉक्स प्रैक्टिस करके। तो ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। इस पॉइंट तक अगर किसी को कुछ पूछना है प्रीलिम्स के लिए तो वो पूछ सकता है। एनीवन? नो। चलो प्रीलिम्स के सोर्सेस की बात कर लेते हैं।
तो पॉलिटी के लिए मैंने स्ट्रिक्टली लक्ष्मीकांत को फॉलो करा था कवर बाय कवर, और उसको पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर डाला। मेरे पास 2014 का जो फोर्थ एडिशन आता था वो था, अपग्रेड होते होते वो फिफ्थ, आजकल क्या चल रहा है, सिक्स्थ या सेवन्थ एडिशन चल रहा है। अच्छा, सेवन्थ आ गया है। तो वो वैसे ही मेरा उसी में एनरिचमेंट होता था, जो पुरानी लक्ष्मीकांत थी उसी में मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ भी एनरिच कर डाला था। तो वो आपकी पर्सनलाइज बुक है, दिस इज़ द ग्रंथ, पॉलिटी लक्ष्मीकांत डन। हिस्ट्री में मैं बहुत सेफ खेल रहा था, स्पेक्ट्रम पढ़ी मैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ा, और स्पेक्ट्रम में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि सिंस इट्स माई वीक एरिया, स्पेक्ट्रम से जो पूछा जाएगा वो मेरा गलत नहीं होगा। तो फॉर पॉलिटी आई डिड लक्ष्मीकांत, फॉर हिस्ट्री आई डिड स्पेक्ट्रम, फॉर एंशियंट एंड मेडिवल, बोलते हैं कि इसको पढ़ के नहीं जाना था होता, कि ये वर्थ इट नहीं होते, कि जितना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है ये उसमें नहीं मिलता, तो यू कैन स्किप इट। बट आई सजेस्ट कि अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है तो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एंड यू कैन प्रॉमिस योर सेल्फ वन थिंग कि एनसीईआरटी से आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ओल्ड या न्यू, आपकी जो मर्जी पढ़ी है। मैं तो सजेस्ट करूँगा छोटी छोटी बुक्स हैं दोनों पढ़ डालिए, क्योंकि कई बार ओल्ड से भी पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार न्यू से भी पूछा गया है। फोकस ऑन न्यू एनसीईआरटी मोर, बिकॉज फॉर द पास्ट 2 to 3 years व्हाट आई हैव बीन विटनेसिंग, न्यू एनसीईआरटी से काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री के एंशंट और मेडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटीज करी थी, इकोनॉमी के लिए मैंने जो श्रीराम आईएएस की बुक आती है वो करी थी, और उसके बाद अपने जो करंट अफेयर्स है उससे सप्लीमेंट करा था अपने प्रिपरेशन को। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पहले थोड़ा स्टैटिक से आता था, अब जो देखने में ट्रेंड मिल रहा है वो कंटेम्प्रेरी से पूछा जाता है, पूरा करंट अफेयर बेस पूछा जाता है कि कौन सी तितली कहाँ उड़ती है, कौन सा वो कहाँ पे मिलता है, तो इस तरीके की चीज़ें पूछा जा रही है। बट इसमें भी एक सैनिटी है, अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर आपने स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ रखा है, आपको थोड़ा सा बहुत अंदाज़ा है, जैसे आई थिंक इस बार अगर आपने पेपर देखा हो तो एक वेटलैंड पे क्वेश्चन था कि वेटलैंड आर नोन फॉर इट किडनीज, अब कोई भी बुक इस तरीके से नहीं लिखेगा कि वेटलैंड, वाई वेटलैंड इज नोन फॉर द किडनीज, बट अगर आपको वेटलैंड के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंस इट एब्जॉर्ब्स द हैवी मेटल और सिंस इट्स प्यूरिफाई द वाटर दे कैन, किडनी का भी काम वही होता है। तो जो आपने स्टैटिक में पढ़ा उसको अगर आप कंटेम्प्रेरी अपनी कॉमन सेंस, जो मैंने थर्ड कंपोनेंट बोला था कि कॉमन सेंस से लगाए, तो आप उस क्वेश्चन को बेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैटिक मैंने शंकर आईएएस की जो बुक आती है वहां से करा था, और बाकी कॉन्स्टेंटली जो इसका करंट अफेयर का पार्ट है वो विजन की PT 365 से करा था। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सिंस आई वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो साइंस एंड टेक की जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैंने ज़्यादा नहीं करा था, सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी से पढ़ लिया था थोड़ा सा, वो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स, आई थिंक 12th के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो सफिशिएंट नॉलेज दे जाते हैं आपको। इसके बाद आईआर मैंने पूरा करंट अफेयर्स से पढ़ा था, जो कि PT 365, जनरली मेरा सोर्स एक ही रहता था। करंट अफेयर्स के लिए क्या करते हैं, कई बार लोग मल्टीपल मैगजीन्स इस्तेमाल करते हैं कि मैंने एक ये मैगजीन कर ली, एक ये मैगजीन कर ली, अब तो मेरी विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई, बट दैट वॉन्ट वर्क क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन का नाम नहीं ले रहा, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सी मैगजीन अच्छी लगती है, बट डू मेक श्योर कि आप उसका मल्टीपल रिविजन करें, रिविजन इज द की। अभी मेंस में इसी पॉइंट पे बात करेंगे, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना प्रिलिम्स में वहां पर अगर रिवाइज करके नहीं जाओगे तो बस एक ही चीज वहां पर समझ में आएगा कि ये चीज देखी है मैंने, आती नहीं है, ये सिर्फ देखा है। अगर तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल अनप्रिपेयर्ड भी हो, प्रीलिम्स का पेपर देख लेना, तुम्हें हर बार लगेगा कि यार ये देखा है मैंने, ये देखा है मैंने, मुझे चार्टर एक्ट आता था, मुझे ये दूसरी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि देखा है मैंने, बट अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। आई आर, पॉलिटी,
पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, IR. करंट अफेयर्स के लिए वही मैंने बताया कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन करनी है, और जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑप्टिमम नंबर, जब ये पहुँच जाएगा तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. तो प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल थी, डू द बेसिक सोर्सेस, प्रैक्टिस इनफ टेस्ट कि आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएं. आपकी स्किल्स इतने अच्छे से डेवलप हो जानी चाहिए कि कई बार आप बिल्कुल अननोन पेपर भी अच्छे से दे पाए. जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा था कि माय फ्रेंड जस्ट अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, बट उसकी एलिमिनेशन टैक्टिक्स और उसकी लॉजिकल थिंकिंग इतनी अच्छी थी कि कॉमन सेंस के बेसिस पे उसने ये वाला पेपर बहुत अच्छे से निकाला. तो बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन नहीं चाहिए, एक डिसिप्लिनड वे में 3-4 महीने के प्रिपरेशन विद बेसिक स्टैटिक सोर्सेस एंड सप्लीमेंटिंग इट विद करंट अफेयर्स एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड आई थिंक प्रीलिम्स इज थ्रू. लास्ट में क्यू एंड ए सेशन कर लेंगे, बट अभी प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर किसी को कुछ और पूछना है तो वो पूछ, बताइए. प्लीज बी सीटेड. सर एक्चुअली यू सेड दैट रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कॉम्पोनेंट ऑफ प्रीलिम्स, एंड यू सेड दैट यू हैव प्रैक्टिस 70 मोर मॉक टेस्ट फॉर रिवीजन एंड ऑल. सो हाउ कुड वी जस्ट रिवाइज ऑल द 70 मॉक टेस्ट जस्ट टू इनहेंस आर लाइक GKs and bigger, all the things to just to clear my prelims and. तो वो she's asking कि जो 70 mocks हैं उसको revise करने जाऊँगा तो prelims का time तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. तो what I used to do is एक test का जो gist होता था, कई बार एक test में majority चीज़ें आपको आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रही होती हैं, मगर हर test से कुछ learning होती है. तो मैं सिर्फ target रहता था कि सिर्फ एक A4 में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता था, आगे और पीछे दोनों. उस टेस्ट का जो भी जिस्ट होता था, ऐसा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था या फिर ऐसा पार्ट जो मेरे स्टैटिक नोट्स में नहीं था. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने अगर आपसे सिंपल पूछ लिया कि राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है, और आर्टिकल आपने लिख दिया वहाँ पर 22, तो ये गलत हो गया. बट ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपने नोट्स में लिखो, ये लैक ऑफ रिविजन फ्रॉम लक्ष्मीकांत था जिसकी वजह से आपने ये गलत कर दिया. तो इस पेज पे आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, वो वाली इन्फॉर्मेशन जो बहुत रेलेवेंट है, जो आपके ऑलरेडी स्टैटिक नोट्स में नहीं है, और वैल्यू एडिशन आपको करना पड़े. तो ऐसे आप अगर 70 टेस्ट करेंगे तो आप 70 पेपर्स हो जाएंगे, और क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा. तो ट्राई टू रिड्यूस योर एफर्ट्स, जो चीज़ें नहीं आती उसका वैल्यू एडिशन करिए, जो करंट अफेयर्स नहीं आते उसका वैल्यू एडिशन करिए. तो दैट इज़ द की, दैट इज़ द की फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Sir, one more question. Sir, this year they are, as you said, that elimination techniques and smart work works in prelims. But this year there is just a new trend of MCQs arrangement has come. That like previously there was options ka combinations hote the. But this year UPSC ne diya just like option 1, only 2, only 3 and 4. So yahan hame elimination techniques use karni chahiye ya fir we have to just skip this types of questions. Haan, maine bhi ek joke padha tha ki itni achhi elimination technique lagayi maine ki main khud hi eliminate ho gaya wahan pe. To yes, that is true ki आपके क्वेश्चंस थोड़े से चेंज आए, बट कितने थे पैटर्न, लाइक पहले ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन. आई नो, आई हैव अटेम्प्टेड द प्रीलिम्स पेपर दिस ईयर आल्सो. तो इस बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ. एक बात बताइए, सिर्फ आपके पेपर में आए थे? नो, लाइक सबके में थे ना. वो कैसे उसको टैकल करते हैं वो? देखो, डेफिनेटली जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आए उसमें देयर इज अ परसेप्शन कि एलिमिनेशन टैक्टिक्स वोंट वर्क, बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि एक ना एक ऑप्शन तो आपको गलत मिल गया ना वहाँ पे. अगर 4 स्टेटमेंट वहाँ पे दिए थे कि ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट एंड ओनली 4 पेयर इज करेक्ट, तो अगर वहाँ पे जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस देखे जिसमें एक ऑप्शन को गलत करना और दूसरे ऑप्शन को सही करना से एटलीस्ट एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पहला और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, कौन सी कैटेगरी में आ गए फिर? 1/3 वाली. अगर 1/3 वाली में आ गए तो किस पे डिसीजन लिया जाएगा कि मैंने 50% वाले कितने हैं? ऐसे आई थिंक आई काउंटेड इट वाज अराउंड 8 क्वेश्चंस जिसमें ये था. व्हाट अबाउट द रेस्ट 92 क्वेश्चंस? ओके, कट ऑफ को एनालाइज करते हैं. ठीक है,
कितनी थी 2017 में? एनीवन? पास्ट ईयर कट ऑफ एनालाइज नहीं करता कोई? चलो 105.67 थी आई थिंक. 2018 98, 2019 98, 2020 सॉरी ये शायद 92 था, एक में 92 था और 2021 तो अभी आई नहीं आई थिंक, ये 87 था और इसके पहले 92 था. सॉरी, तो 105 से 87 आ गई कट ऑफ. ठीक है, तो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी से कट ऑफ भी तो नीचे जा रही हैं. तो आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरीके से डिवाइस करते कि अगर 8 to the 16 सीधा देख लो 107 से 105 से नीचे आ गई कट ऑफ, व्हाट अबाउट द रेस्ट 92 क्वेश्चंस? कई बार ये होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया और उसके पीछे भागने लगते हैं. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 92 क्वेश्चंस? हैव यू सीन कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कितने ईजी थे? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ईजी थे. कुछ हर सब्जेक्ट से कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, टारगेट देम. इसमें भी कुछ क्वेश्चंस में दो ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान था, बट ये एक आपकी साइकी के साथ खेला गया था कि क्या आप इस हैंगओवर से बाहर आ पा रहे हैं कि वो जो 8 क्वेश्चंस हो गए इसमें तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा. अरे तो बाकी 92 में कर लो. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन और एग्जाम रिलेटिव है, ये तो आपको सबको पता है ना. तो अगर जैसे स्मृति मैम का एक बार मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा था कि शी सेड कि उनकी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, उनकी जो फ्रेंड थी वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था और मैम का शायद सोशो ऑप्शनल था. तो मैम कह रही थी कि पहला ऑप्शन आया कि व्हाट इज़ रेपो रेट, तो मैम ने बोला कि ये उसने तो बहुत अच्छा लिख दिया होगा और मुझसे होगा नहीं तो मैं उससे पीछे हो जाऊँगी. फिर बाद में बाहर आके वो बताती हैं कि मुझे भी रेपो रेट नहीं आता, जब मुझे इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होकर रेपो रेट नहीं आ रहा तो किसी को क्या आ रहा होता. तो वन वॉज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड समथिंग एंड वन वॉज अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड समथिंग. तो अगर मेरा आपने फोकस इस पर किया, दैट वॉज अ नेगेटिव एटीट्यूड, इस पर फोकस कर लेते तो पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कंट्रोल योर नर्व्स. मैं जब फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 65 अटैम्प्ट कर लिए थे, यहाँ तक तो मेरा बहुत अच्छा गया था, बट आई कुड नॉट होल्ड माई नर्व्स और बाद में मैंने ब्लाइंड गैस मार दिए. लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट से मैंने बिल्कुल जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करके गया था, आई हैड बिलीफ इन माई सेल्फ कि मैं जितने अटैम्प्ट करूँगा वो सॉलिड होंगे, मेरे ऑप्टिमम नंबर पहुँच गया, इस पर मुझे पता है मेरे 110 क्रॉस होते हैं और होंगे. तो वहाँ पर अपने आप से ये बोलो कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट. कई बच्चे सिर्फ इस बात से, फर्स्ट अटेम्प्टर्स खासकर, एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते. 1.5 आवर्स हो गया, OMR भी भरनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, दैट शोज लॉट ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. एक बार आप प्रैक्टिस करो, 70 मैंने बहुत ज़्यादा करे थे आई पर्सनली बिलीव, अगले वाले में मैंने 30 फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे, दैट ऑल्सो वर्क फॉर मी. तो आई थिंक आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है, कौन से आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हैं. अगर मैं बोल दूं कि आप हिस्ट्री मत करना, किसी का हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो वो भी बोलेगा अगर मैं हिस्ट्री नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है. एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर प्रिलिम्स प्रिपरेशन. इसके बाद हम मेंस प्रिपरेशन पे आ जाते हैं. एनीवन एल्स कुछ? हाँ बताइए. अच्छा, ज्योग्राफी के रिसोर्सेज, सॉरी एक्चुअली मेरा ऑप्शनल था तो मैंने ज़्यादा कुछ रिफ़र किया नहीं, बट आई पर्सनली फील कि जो NCERTs हैं 11th की, एक शायद इंडियन ज्योग्राफी की है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, वो कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छी है. बाकी कई बार एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक्सटेंसिव रीडिंग मानते हैं, वो आपकी न्यूज़पेपर से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी है जो एग्रीकल्चर कवर करता है, वहाँ से आप करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं. बट ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागना हमें कि यार ये एवोकाडो कहाँ पे उगता है, उसके लिए कितने रेन होते हैं, इंडिया में उगता है नहीं उगता, ऐसे किसी चीज़ के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागना है. एक जो बेसिक स्ट्रैटेजी है आप उस पर हमेशा स्टिक करिए. कई बार बाउंसर्स आएंगे, अलग अलग एरिना से आएंगे, उसके पीछे नहीं भागना है हमें. स्टिक टू द बेसिक सोर्सेज, स्टिक टू द करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड द प्रिलिम्स इज डन. ठीक है, एनीवन वहाँ से कुछ था? कॉन्ग्रेचुलेशन सर,
Thank you. In economic section, we have seen that most of the questions are from current affairs. Mm. So what should one do for economics if we have a very weak base, or should we rely more on newspaper than other basic books like Sri Ram IAS books and some other economics books, or we should rely completely on current affairs magazines and newspaper? Achha, you have said that if someone has a weak base. So exactly. First of all, I would like to congratulate you कि you know where your weaknesses are. तुम्हें पता है ना तुम्हारी weakness कहाँ पर है? Yes sir. तो तुम्हें भी पता है कहाँ पर improve करना है? मुझे पहले base तैयार करना है अपना. अब base कैसे तैयार कर सकते हैं? You can go for standard books. उसके बाद जैसे मेरे को उसके बाद भी समझ में नहीं आता economics में कहाँ से करूँ. तो I did a very very simple thing. जो 11th और 12th के आपके local area के जो teachers होते हैं, मैं एक दिन उनको पकड़ लिया, सर चार दिन में मेरे को economics करा दो, जरा समझाओ तो सही है जीडीपी वगैरह होता क्या है. तो ऐसे आई थिंक कई सारे टीचर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं. कई बार लोग बोलेंगे कि गो फॉर ऑथेंटिक टीचर्स, गो फॉर दिस सोर्सेस, गो फॉर दैट सोर्सेस. आपको जहाँ पे, मैंने जिससे पढ़ा था वो एक हिंदी मीडियम के टीचर थे, लेकिन उन्होंने समझा बहुत अच्छे से दिया था और ऐसा समझाया था कि आज तक समझ दिक्कत नहीं होती. तो आप बेसिक बुक्स पढ़िए, अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है दैट इज़ वेरी गुड. That means you have a very good understanding. पर अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आता, take help of some person who is well versed with economics, especially economics, क्योंकि 11th और 12th के teachers बहुत base से पढ़ाते हैं. तो वो आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा सकते हैं कि मतलब जैसे मुझे तो बिल्कुल भी समझ में आया तो मुझे सब समझा दिया, तो आपको तो इतना समझ में आ रहा है कि आपकी weakness कहाँ पर है, तो you will definitely grasp it. तो I think economics से पहले आप अपना base तैयार करिए. एक बार बेस तैयार हो जाए, बेस इकोनॉमिक्स के साथ दिक्कत क्या है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो एक बड़ा क्रेज़ होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है. तो मैं लेकर आ गया हिंदू पहले दिन और मैं बैठ गया पहले दिन, और उसी दिन जीडीपी पे के कुछ ट्रेंड पर बड़ा अच्छा आर्टिकल था. तो करीब 20 मिनट लगा के किसी तरह मैंने रीडिंग मार ली, उसमें आधे वर्ड समझ में नहीं आए और आर्टिकल में क्या लिखा था वो तो कुछ भी समझ में नहीं आया. तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग. मुझे 5 घंटे लगे न्यूज़पेपर पढ़ने में और उसके बाद मैं सो गया कि बहुत अच्छा हुआ कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया पर मज़ा आ गया. तो ऐसा नहीं करना आपको. आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे न्यूज़पेपर से, उतनी जल्दी चीज़ें समझ पाएंगे. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कई सारी न्यूज़ आती रहती हैं, कई सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. तो आपको पता चल गया कि आपका बेस वीक है, ऐसे ही हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता करनी है कि उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट पैन आउट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है. उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, मुझे यहाँ के क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, एंड दैट इज़ द वे यू कैन ऑप्टिमाइज योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ठीक है सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन, कैन वी रिलाई पर्टिकुलरली ऑन अ स्पेसिफिक मैगजीन और कंप्लीटली, और न्यूज़पेपर रीडिंग इज कंपलसरी एज इट टेक मोर मच मोर टाइम? देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. दैट इज़ वन थिंग आई कैन, इस प्रिपरेशन में बहुत कम चीज़ें हैं जिसको श्योर शॉट बोला जा सकता है कि ये काम करती हैं, एंड आई थिंक वन थिंग कैन बी न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट. कई बार क्या करते हैं हम लोग, एक दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा कल पढ़ लूँगा, दो दिन का नहीं पढ़ा तीन दिन का नहीं पढ़ा, संडे को 7 न्यूज़पेपर लेके पढ़ लूँगा. कुछ लोग पढ़ भी लेंगे, एक एक घंटे में 7 न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बट अंडरस्टैंडिंग स्लोली डेवलप होती है. यूपीएससी इतनी लॉन्ग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लोली डेवलप होती है. आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है, और फिर बाद में वो चीज़ें इंटरलिंक होती हैं. ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट आपको भी लग रहा होगा कि ऊपर जाके ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब कहीं ना कहीं सिमिलर जगह पर कन्वर्ज करते हैं. तो ये इसलिए होता है कि क्यों कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है. तो अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे तो एक वो डिसिप्लिन बन जाएगा, आज ये आया आज मैंने एनालाइज करा, अगले दिन मैं कुछ और आएगा उसी का कंटिन्यूएशन है, अच्छा मैंने कल पढ़ा था ये वहीं से कंटिन्यू हो रहा है अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पढ़ने को मिलेंगे. तो न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. हाउएवर फॉर प्रिलिम्स प्रिपरेशन न्यूज़पेपर से कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए. उसके लिए आपको एक करंट अफेयर मैगजीन करनी ही करनी है. तो ये मैं बाद में डिस्कस करने वाला था पर आपने अभी कर दिया तो मैं इसको बता देता हूँ. करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो मस्ट है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, हिंदू कितने पढ़ते हैं? अच्छा, अभी भी हिंदू पे भरोसा है सबको, चलिए ठीक है, अच्छी बात है. तो इंडियन एक्सप्रेस,
गुड, तो कोई एक न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल फिक्स रखना है, क्योंकि उसमें आपका फ्लो बन जाता है. जैसे अर्लियर आई यूज टू रीड द हिंदू, इंटरव्यू के लिए मैंने द हिंदू के साथ इंडियन एक्सप्रेस भी सप्लीमेंट करा था, द मिंट को भी थोड़ा थोड़ा देख लेता था. बट एक न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल स्टिक रखना है, क्योंकि उसी ये भी नहीं करना है कि आज हिंदू पढ़ लिया, कल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, परसों मिंट पढ़ रहे हैं, फिर बाद में पंजाब केसरी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. न्यूज़पेपर के केस में आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली करने हैं. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं मेन्स स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर लेता हूँ. आपको चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स मैगजीन है, अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट आप करंट अफेयर मैगजीन जो चाहे वो पकड़िए और उसको, क्योंकि आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं. अब एक बात होती है, साल भर के न्यूज़पेपर इतने हो जाते हैं, उसको रिवाइज किया जा सकता है? डेफिनेटली नॉट. तो वो चीज़ है करंट अफेयर्स मैगजीन पर, क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन क्या करते हैं, आप मंथ के एंड में पढ़ते हैं, दो तीन दिन में आप ख़त्म कर देंगे उसको, 10-15 दिन बाद उठाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, दूसरी बार रिवाइज कर लीजिए, ख़त्म. एग्जाम के टाइम पे ये चीज़ें रिवाइज करना बहुत आसान हो जाती हैं. दैट्स वाई इन दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में. और मैंने जो 2-3 साल में देखा है, यूपीएससी दो ही प्रकार के करंट अफेयर पूछ रहा है, एक जो सबको आते हैं और एक जो किसी को नहीं आते. तो जो सबको आते हैं, अगर उसमें आपने गलती कर दी तो यू आर आउट ऑफ द रेस. ठीक है, तो करंट अफेयर मैगजीन से उस चीज़ को सप्लीमेंट, जो कोई भी करंट अफेयर मैगजीन है वो इतनी एग्जॉस्टिव होती है कि अगर जो क्वेश्चन सबको आता है वो आपको भी आना चाहिए, वहाँ गलती नहीं करोगे. जैसे मैंने स्पेक्ट्रम के लिए क्या बोला था कि स्पेक्ट्रम, उससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मेरे को, मुझे पता है मेरा वो वीक एरिया है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आ जाएगा वो गलत नहीं होगा. ऐसे ही उस करंट अफेयर मैगजीन से अगर वो क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि अब जो चीज़ बिल्कुल न्यूज़ में थी वो एज इट इज़ की एज इट इज़ छाप दी. जैसे अभी मैं वेटलैंड का एग्जांपल ले रहा था, अपना कॉमन सेंस हमेशा ऑन रखिए. हो सकता है उस इवेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ कॉमन सेंस के थ्रू कोई और टाइप का क्वेश्चन बन जाए, तो आपको एलिमिनेशन टैक्टिक्स हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी है. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, तो एक मिनट का ब्रेक ले लें. प्रीलिम से किसी को और कुछ पूछना है? हाँ जी, पहले आप बताइए. कंग्रेचुलेशन सर. थैंक यू सर. व्हाट्स योर स्ट्रेटजी फॉर सी सेट पेपर सर? अच्छा हाँ, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई एम नॉट फिट टू कमेंट ऑन सी सेट बिकॉज बींग एन इंजीनियर ग्रेजुएट एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर कैट ऑल्सो, तो मेरा हमेशा 130 प्लस ही रहा है. बट उसकी वजह से जो इंसाइट्स मिले हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. कई बार क्या है, सी सेट में दो कंपोनेंट जो मुझे फील होते हैं, एक होता है मैथ्स और रीजनिंग, और दूसरा होता है इंग्लिश जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं. अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, यहां से 50 क्वेश्चन आते थे, यहां से 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं. इसको करने के बाद करीब 1.5 आवर्स में मैं सो जाता था उसके बाद कि हो गया मेरा. बट दैट इज इज स्ट्रैटेजी वॉन्ट वर्क फॉर एवरीवन. ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक बात बताइए. जब आप पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना. अब आपको लग रहा है कि सी सैट भी क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है. इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो अगर आपने अपने प्लान्स में सी सैट को इंकॉर्पोरेट नहीं कर रखा, जब आपने इकोनॉमिक्स के लिए बोला कि मैं 1 महीना दूंगा, हिस्ट्री के लिए बोला 1 महीना दूंगा, और अगर आपको लग रहा है कि सी सैट मेरा क्लियर नहीं होगा, तो आपको वहां पर भी 1.5 महीना देना बनता है. तो आई थिंक इधर प्रैक्टिस इज द की फॉर दिस. यू कैन डू कि आप, आई थिंक इस बार कह रहे हैं कि 2022 वाला सी सैट है ये सबसे टफ आया था, ऐसा कुछ परसेप्शन मार्केट ने बनाया क्या कि सी सेट इस बार का सबसे टफ आया था? तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी को अटेम्प्ट कर लीजिए एग्जामिनेशन मोड में. ठीक है, अगर ये सबसे टफ था और इसमें आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है आपको इसके बाद, है ना. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें कहीं अटक रहा हूँ, तो यू हैव टू प्रैक्टिस. मेरे हिसाब से अगर आप 10 मॉक्स प्रैक्टिस कर लेंगे इसके, तो आप एक ऑप्टिमम नंबर पर इस पर भी पहुँच जाएंगे.
वहां से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से एरिया पे वर्क करना है। कई बार क्या होता है, कई लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर होती है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है तो आपको कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। किस एक्सटेंट तक, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था जो बोला मेरे को कि मुझे सी सेट में आ रहे हैं 30 नंबर, तो मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ। तो मैंने बोला 30 नंबर आ रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स देखिए कि आपने बेसिक मैथ्स में कहीं दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। एक क्या आ रहे थे, शायद 12 नंबर आ रहे थे। तो मैंने बोला इतने कम कैसे, तो उसने बोला मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर गया, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं थी तो मैथ्स किए ही नहीं मैंने। इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ अनसर्टेनिटी क्या होती है कि वहाँ पर जो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसकी गारंटी नहीं होती कि वो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस बहुत क्लोज आ जाते हैं। एट द सेम टाइम मैथमेटिक्स में भी इस बार जब प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाले क्वेश्चंस भी हो सकता है अच्छे से नहीं होंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज थ्रू प्रैक्टिस आपको अपना नंबर डिसाइड करना है, और मैथ्स और इंग्लिश से जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर कोई कभी बैंकिंग के एग्जाम में बैठा है, जैसे RBI ग्रेड बी SBI, तो आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे स्पीड मैटर करती है, लेकिन बच्चों की स्पीड हैम्पर करने के लिए वहाँ पर कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं जिसके बारे में कहा ही यही जाता है कि इसको देख के तुम्हें स्किप करना है ताकि बचा हुआ टाइम आप अच्छी जगह पर लगा सकें। आई थिंक सेम इज़ द स्ट्रैटेजी यहाँ पर, स्काउटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 66 इज द कट ऑफ, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 30 ऑन द सेफ साइड, ठीक है, और आते कितने हैं 80। तो अगर आप 80 से 30 क्वेश्चंस भी इजीली निकाल सकते हैं जो आप कर सकें, नहीं निकाल सकते तो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस और वहां तक आप पहुंच जाओगे। बट आई थिंक स्काउटिंग इज द की। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, सी सेट में अच्छा कर रहा था, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं 50 क्वेश्चंस मैथ से कर लेता था और बाद में सब कुछ छोड़ दिया, मैंने इंग्लिश छोड़ दिया, बट वहां पर भी बीच में मैथ्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था और मैंने उसको ईगो पे ले लिया कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। बाद में पता चला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, बट पॉइंट इज कि मैंने उसको ईगो पे ले लिया। आपको वो चीज़ ईगो पे नहीं लेनी है। स्काउट द इजीएस्ट वन। जैसे ही आप इजीएस्ट वन करेंगे 5-6 क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे आपके, और एक बार आपके सॉल्व हो गए आपका फ्लो बन गया। बैंकिंग का एग्जाम अगर किसी ने दिया हो तो उसको पता है कि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छे से फ्लो एक बार बन गया, यू विल रीच वेरी गुड रिजल्ट्स। आई थिंक प्रैक्टिस एंड स्काउटिंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस इज द की। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में इजी क्वेश्चंस होंगे, वहां से आप इजी क्वेश्चंस उठाइए, इस चीज को अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक ऑप्टिमम नंबर पे पहुंच के 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, सी सेट रख दीजिए, यू आर डन विद द सी सेट। ऐसा नहीं होने वाला कि अब 2022 के बाद इतना टफ हो जाए कि वो सॉल्व ही नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर कट ऑफ भी बहुत नीचे चली जाएगी। बट अपनी मेहनत की थोड़ी रिस्पेक्ट करिए कि अगर मैंने GS में इतनी मेहनत करी है तो CSAT की वजह से वो ख़राब ना हो जाए। तो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस इनफ ऑफ CSAT कि एटलीस्ट आपका GS तो हैम्पर ना हो। और जैसे आपको लग रहा है कि अगर आपका CSAT वीक है तो गिव अ सेपरेट टाइम स्लॉट, किसी की हेल्प लीजिए वहाँ पर करने के लिए। तो आई थिंक स्काउटिंग द इजिएस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग देम, प्रैक्टिसिंग द मॉक इज इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू दोज आर सिटिंग हियर, अगर आप 10 मॉक्स प्रैक्टिस कर लेंगे सब लोग इजी एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे CSAT आपके लिए कोई इशू नहीं होने वाला। थैंक यू फॉर दैट, CSAT में मिस करने वाला था। आप क्या बोल रहे थे? सर जस्ट बिफोर द प्री, हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट टू प्रीलिम्स स्पेसिफिकली जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स? आई थिंक फ्रॉम, अगर जून में प्रीलिम्स है तो मार्च से आपको स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पे लग जाना चाहिए। बट आपके बात से मुझे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट याद आया, एक बार क्या हुआ, मैं किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज कर रहा था तो उनके जो टेस्ट सेटर्स थे वो ऐसे बनाते थे कि ऑल ऑफ द अबो वाले जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर सही हो जाते थे, कि जहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबो है वो सही हो जाएंगे। तो जहाँ पर एक जब 5-6 टेस्ट उसके मैंने कर लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यार डी ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, तो अगर मैं जब गैस भी मारता था तो डी पे मार देता था। बट आप मुझे यहाँ ये बताइए, क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी सही थी? क्यों सही नहीं थी? क्या मैं, क्योंकि मैं ना मैं नॉलेज से काम कर रहा था, ना मैं एलिमिनेशन या किसी लॉजिक पे काम कर रहा था, मैं सिर्फ उस पे काम कर रहा था कि जो टेस्ट सेटर है उसकी साइकी क्या है। जस्ट इमेजिन आप अगर ये काम UPSC के साथ कर सकें, तो अगर UPSC की साइकी आप समझ सकें
कि यूपीएससी कैसे सेट कर रही है पेपर और कहाँ फंसा रही है. तो डोंट यू थिंक यू कैन डू वंडर, अगर आप गेस भी मारे 50-50 वाले, तो डोंट यू थिंक वो इम्प्रूव हो सकते हैं. इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा जस्ट 5 to 6 days बिफोर प्रिलिम्स आप PYQs वैसे ही करेंगे. मगर आपने अगर PYQs बिल्कुल क्वेश्चन बेसिस पे सॉल्व करने शुरू कर दिए, 3-4 दिन के अंदर जिसको मैं कहता हूँ UPSC मोड ऑन हो जाता है. आपने बोला कि 3 to 4 months मैंने बोला कि प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए, 5 to 6 days जस्ट बिफोर प्रिलिम्स आप PYQs सॉल्व करिए, UPSC मोड ऑन हो जाएगा आपका. जहां आप इंस्टीट्यूट की सीरीज को पकड़ रहे थे कि यहां पर ये तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं तो मैं यहां पे इस तरीके से कर लूँगा, अगर आप UPSC के क्वेश्चंस वैसे पकड़ लें, गारंटी दे रहा हूं मेरे उस समय जैसे 2019 की बात कर रहा हूं तो उस समय 95 से 100 के बीच में टेस्ट सीरीज में आते थे. आखिरी 5 दिन की प्रैक्टिस करी थी, आई गॉट 120+ इन द एक्चुअल एग्जाम जस्ट बिकॉज कि ये एलिमिनेशन टेक्ट. उस समय टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप खुला था जो पॉल मोड पे शायद ये PYQ सॉल्व करवा रहा था, तो 4-5 दिन तक बस मोबाइल पकड़ के मैं वो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था, तो इसने मुझे बहुत हेल्प करी थी. तो आई थिंक 3 to 4 months ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर प्रिलिम्स इज ओके, बिकॉज बाय देन यू कैन रिवाइज योर स्टैटिक पोर्शन, यू कैन रिवाइज योर करंट अफेयर पोर्शन. आई थिंक अगर आप अल्टरनेट डेज भी मॉक करें तब भी आप 50 मॉक्स ईजिली कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट 4 days पे यू कैन सॉल्व द PYQs. आई थिंक वी आर डन विद द प्रिलिम्स. फिर अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ मैं. कई लोग पूछ रहे थे कि सर कोचिंग कहाँ से करी है आपने, तो एक बच्चा मेरे पास आया, होम टाउन का ही था मेरा, कि भैया आपने तो पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ से कोचिंग कर दी, सबने छाप रखे हैं आपके कि ये वो. तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल कि एक्चुअल रियलिटी क्या होती है. तो पहला क्वेश्चन कि इस कोचिंग नेसेसरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. अच्छा तुम तो बोलोगे कि यहीं बैठे हो तो हमारे तो ज़रूरी था. ठीक है, लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ. जब मैं 2017 में इंजीनियरिंग करके निकला, हाँ इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, एक बच्चा मैं 12th में था वो पूछने आया कि UPSC की तैयारी करनी है मुझे तो मुझे क्या करना चाहिए. यहाँ पर है कोई स्कूल कॉलेज वाला, कौन से ईयर में हो? अरे बेटा खेलो जाके मतलब ऑनेस्टली दिल में मत लेना, बट हैं अच्छा कल ही रिजल्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट आई थिंक यू शुड एन्जॉय. जितने कॉलेज ग्रेजुएट्स जो कॉलेज में हैं, आई वुड सजेस्ट आप एन्जॉय करिए, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लीजिए, फाइनल ईयर से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं. बट आई थिंक जो 12th में है उसको तो मैं यही एडवाइस करूँगा, गो एंड एन्जॉय. अभी तो बस कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है आपकी, फर्स्ट ईयर विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, काफ़ी सारे मिथ्स ब्रेक होने वाले हैं. तो आई थिंक यू शुड गो एंड एन्जॉय. 2017 में जब मैं अपनी इंजीनियरिंग करके निकला और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे UPSC करना है, तो मेरे पास गाइडेंस कुछ नहीं था, मैं ना कोई ऑलरेडी ऐसा बंदा था जो UPSC की तैयारी कर रहा हो, तो मैं गाइडेंस लेने के लिए दिल्ली आ गया. बिल्कुल जो ब्लाइंड विश्वास होता है उस पर आया. तो पहले दिन मेरे को बोला गया कि रिवाइज UPSC सिलेबस बिल्कुल याद करके आ जाना. मैंने बोला गुड, मैं करके आऊँगा. नेक्स्ट डे पहुँचा, मैंने कर लिया द करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट. मैंने बोला 5-6 लाइन का सिलेबस है, कर लिया. मेरे बगल में जो बैठा था वो बोला कर लिया सिलेबस? मैंने बोला बिल्कुल कर लिया. बोला ठीक है सुनाओ. मैंने उसको सुना दिया, वो हंसने लगा. मैंने बोला क्यों हंस रहा है ये? फिर हम ऐसे ही उस समय दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर करते करते मार्केट में पहुँचा, वहाँ पर एक बुकलेट मिल रही थी UPSC सिलेबस डिटेल्ड. मैंने उसको खोला, पहले मैंने देखा इसमें कितने पेज हैं, 8 पेज, GS1, GS2, GS3, GS4. अच्छा ऑप्शनल भी है इसके बाद, ऑप्शनल का ये. और मैं उसके बाद लगा कि वापस जाने का स्कोप है कि नहीं है. मतलब ये सोचो मेरी वो स्टेज थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रिलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग अलग होता है. तो ये एक बहुत हेस्टी डिसीजन था कि मैं बिल्कुल आँख बंद करके यहाँ पर आ गया था. अब मैं अगर पापा से बोलता कि पापा वो फीस तो जाने दो, मैं वापस आ रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या होता आप लोग भी जान सकते हैं. बट द पॉइंट इज टू से
क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था इसलिए मैं दिल्ली आया। अगर आपको लगता है कि आपको सफिशिएंट गाइड कोई गाइड कर सकता है, ये वो जर्नी नहीं है जहाँ पर कोचिंग बिल्कुल आपको डोर स्टेप तक छोड़ के आती है। जैसे जब मैं एक क्लास में था तो सर ने बोला था, बेटा ये मत समझना कि बाहर एक बस खड़ी होगी जो लबासना छोड़ के आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यूपीएससी जर्नी एक बहुत मैच्योर जर्नी है क्योंकि ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट लेवल और इस पॉइंट तक आप में सफिशिएंट मैच्योरिटी आ रखी है और जब आप सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ लेंगे तो और भी मैच्योरिटी आ जाएगी। तो सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करनी है। कोचिंग आपको क्या कर सकती है, एक इनिशियल वे में गाइड कर सकती है कि किस डायरेक्शन में आप वर्क करें। अगर आप उस डायरेक्शन में खुद सेल्फ स्टडी कर से तो हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बट सेम गाइडेंस, जैसे अभी मैं एक कैंडिडेट से मिला, उनका भाई ऑलरेडी सर्विसेज में है तो उन्होंने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं करी, इवन ऑप्शनल की भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनके भाई ने उनको गाइड कर दिया। तो आज की डेट में क्योंकि आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, कई सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, उसको देख के अगर आप एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी अपने लिए बना सके तो आई डोंट थिंक कोचिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बताऊँ कि मैंने कहाँ कहाँ से कोर्सेस किए थे ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन गाइडेंस हर जगह चल रहा है वो थोड़ा सा ब्रेक हो सके। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने फाउंडेशन कोर्स वाजीराम से किया था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता था, इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया, एडिटोरियल कुछ समझ आ नहीं रहा था, सोशल इश्यूज़ पता भी नहीं थे क्या होते हैं मेरे को। तो मतलब उस समय किसी ने मेरे से पूछा पावर्टी कितनी है, मुझे वो भी नहीं पता था क्या क्या चीज़ है ये। मतलब ऐसा नहीं कि गरीबी नहीं पता था, बट जो थोड़ा बहुत बेसिक चलते हैं वो सब नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई डिड फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम वाजीराम। और करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन की मैगजीन फॉलो करता था, जो मैंने आपसे बोला ना कि एक एक मैगजीन आप हमेशा फॉलो करिए, आप कोई भी कर सकते हैं। मेरे लिए वो विजन थी क्योंकि बाद में PT365 जो कंपाइलेशन आता था वहाँ से मेरे लिए रिवाइज करना आसान हो जाता था। टेस्ट सीरीज पहले अटेम्प्ट में मैंने विजन की करी थी और जो मेरा सेकंड मेंस जो था उसमें मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं करी थी और उसका खामियाजा मुझे बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा था GS में। 21 में मैंने दोबारा से विजन की टेस्ट सीरीज करी थी। इस बीच मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में जाकर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, जैसे एम्पावर, वाजीराम, GS स्कोर एंड SOMP। एक एक महीने के जो प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पर जाके मैंने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। आई एम टेकिंग ऑल द नेम्स बिकॉज कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरा नाम यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अल्योर कर रहे हैं, तो आई थिंक सारे इंस्टीट्यूट का नाम लेना मेरे लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ज्योग्राफी के लिए मैंने शब्बीर सर से फाउंडेशन कोर्स किया था और 500+ हिमांशु सर का किया था और सचिन सर से मास्टर स्ट्रोक किया था। ये 3 अटैम्प्ट हो गए थे, 4th अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी करी थी मैंने और वही क्लियर हुआ मेरा। इंटरव्यू जैसे कई सारे आपने देखे होंगे कई पेजेस पे आ रखे हैं, तो वो ज़्यादातर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के होते हैं क्योंकि हमें इंटरव्यू अलग अलग जगह जाके हम मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट IAS में मैंने दिया था, वाजीराम में दिया था, संकल्प, चहल अकेडमी, वाजीराव अन अकेडमी और चाणक्य मंडल, यहाँ पर मैंने मॉक्स प्रैक्टिस करे थे। थोड़ा सा मैंने शून्य IAS के जो वह भी मैं मेंस में शेयर करूँगा एग्जाम्पल्स केस स्टडी इसमें करे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसके अलावा कहीं से कुछ रेफर नहीं किया था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप 5 years दिल्ली में रुक जाते हो तो आप अलग अलग जगह पे कई बार फ्री टेस्ट लेने चले जाते हो, कभी कोई मटेरियल रेफर कर लेते हो, तो ऐसे केस में कोचिंग्स आपको अल्योर कर सकती हैं। बट आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दीज आर द कोचिंग जहाँ मैंने ठीक से कोई कोर्स करे थे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्लेम करता है तो आई थिंक दैट इज़ टोटली अनएथिकल। आई एम ट्राइंग टू गेट माई नेम रिमूव्ड फ्रॉम दैट, बट सिंस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई एम ट्राइंग टू एलेबोरेट अपॉन दिस इशू। ठीक है, तो इस ये चीज़ थी जैसे इंटरव्यू में बताया कि एवरीबडी वॉज ऑफरिंग फ्री इंटरव्यू, तो हम भी प्रैक्टिस कर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने जाते ही हैं इंटरव्यू के लिए। तो अब मेरे साथ तो क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर बैठ घुसा मुझे इंटरव्यू पैनल से ज़्यादा पीछे कैमरा इंटिमिडेट कर रहा था कि यार ये क्या मतलब यहीं पर फिल्म बना लेंगे। तो अब वो जिस दिन रिजल्ट आया वही चीज़ यूट्यूब पर डल गई। अब वो चीज़ थी कि दैट वॉज ऑन 1st of April और मुझे इंटरव्यू देना था 23rd of May। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं कल आपका प्रिलिम्स है और आपसे 2-3 महीने पहले की प्रिपरेशन के बारे में पूछूं तो वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो दैट इज़ द केस, बट सिंस ऑल एंडेड वेल दैट वर्क फॉर मी। तो ये तो मेरी कोचिंग की डिटेल्स थी, बट जो पार्ट मैंने बोला कि क्या कोचिंग नेसेसरी है, तो आई थिंक कि अगर आपके पास गाइडेंस है तो कोचिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है।
अब अगर कोचिंग नेसेसरी नहीं है तो सबसे अच्छा गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? तो मैं यहीं से अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी शुरू करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर कोचिंग या आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, लेट सपोज आप अंडमान में बैठे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी कुछ नहीं है और कोई गाइडेंस नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट सोर्स टू नो फॉर द यूपीएससी? पार्डन, कोई बोलते एग्जैक्टली सिलेबस। तो जैसे मैंने बोला कि मैं आया तो मुझे सिलेबस का अंदाज़ा ही नहीं था कि अच्छा प्रीलिम्स का मेंस का सिलेबस सेम अलग अलग होता है। यूपीएससी सिलेबस इज़ द बेस्ट ब्लूप्रिंट दैट यू कैन गेट फॉर दिस प्रिपरेशन। आज जाके मैं बोल रहा हूँ, कितनों को बिल्कुल बाय हार्ट याद है सिलेबस? ट्रस्ट मी, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन दिस एग्जाम, यूपीएससी सिलेबस बाय हार्ट होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पॉइंट पे हम अपनी जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। प्रीलिम्स इज डन फॉर एवरीवन। लास्ट में अगर क्यू एंड ए सेशन कर लेंगे वहां से थोड़े सा और एलेबोरेट कर लेंगे, बट प्रीलिम्स इज डन फॉर एवरीवन। फाइन, थैंक यू। चलिए, तो मेंस में पेपर कितने हैं? पहला पेपर कौन सा है? बहुत बढ़िया, GS1 ना? एग्जैक्टली। इस बार कैसे देगा किसने? इस बार का एस का पेपर देखा, कैसा लगा? बस जैसा तुम्हें अभी लगा वैसा मुझे एग्जाम में लगा। प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसकी भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि एसे कैसे किया मैंने। तो एसे का बाकी पेपर तो लाया नहीं हूँ, सिर्फ एसे का पेपर लेकर आया मैं। तो पहला था द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन और टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। ऐसा लग रहा था प्रवचन सुनाओ, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज अ कैमरा। तो बस फिलोसफी वॉन्टलेसनेस समझ में आया, बाकी वर्ड समझ ही नहीं आया मेरे को इसमें। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, ये भी ऐसा ही निकला बिल्कुल। तो जैसा आपका रिएक्शन था बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन मेरा एग्जाम में था कि ये क्या है। बट एट द सेम टाइम उस बात की भी खुशी थी कि जब मुझे समझ में नहीं आया तो बाकियों को भी क्या समझ में आया होगा। 5 साल से एडिटोरियल पढ़ के इतने वर्ड्स तो लिख ही लिए हैं कि कम से कम चीज़ें समझ में तो आने लगी हैं। तो ऐसे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। GS1 तीन मेजर कंपोनेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज। GS2 में कौन बताएगा? पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ छूटा इसमें? सोशल जस्टिस, कई बार इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर लिस्ट करते हैं, पूरी लंबी लिस्ट आएगी। GS3 क्या क्या है इसमें? एग्रीकल्चर भी अलग कर लेते हैं, चलो। एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और फोर्थ है एथिक्स। ओ माय गॉड, अच्छा इंटीग्रिटी भी है, चलो कोई नहीं। तो सबसे टफ कौन सा लगता है इसमें देखने में? 3 सब क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स की वजह से टफ लगता है। अच्छा, तो मतलब एटलीस्ट सबको बताए कि उनके स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं और वीकनेस कहाँ हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो ये तो मेंस के आपके पेपर्स हो गए। तो मैं अपने सोर्सेज बताऊँगा, अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा और कहाँ पर मेंस मैंने इम्प्रूव किया। अच्छा, स्कोर कार्ड, इस बार का स्कोर कार्ड तो देखा होगा थोड़ा बहुत अंदाजा। पिछली बार का स्कोर कार्ड मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दिस ईयर आई गॉट 860, दैट वाज अराउंड 105 अबव द कट ऑफ ना।
तो अगर इसी बार का ट्रेंड देखूं मैं, तो तुम्हें क्या लगता है 2019 में और 20 में क्या स्कोर रहा होगा मेरा? एक एस्टिमेट लगता है ना कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया होगा, जीएस वन में 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे कर लिया होगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो 2019 में मेरा था 630 और उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई करी तो मेरा आया 670। मैं सोच रहा था कि जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मैं सोच रहा था चलो 5-10 नंबर से नहीं हुआ होगा, अपना स्कोर कार्ड देखूंगा, 5 नंबर जीएस वन में बढ़ा लूँगा, 5 जीएस टू में बढ़ा लूँगा, 30 ऊपर आ जाएंगे, हो जाएगा। जब मैंने पहली बार अपनी मेंस मार्कशीट देखी, लोग रोते हैं, मुझे हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नज़र नहीं आ रहा था उसमें। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेशर्स निकले थे उनका भी स्कोर बेटर था, मिसिंग द कट ऑफ बाय 130 मार्क्स, आई थिंक 120 मार्क्स से मैंने कट ऑफ मिस करी थी। इधर पे भी शायद 64 मार्क्स के आसपास से मैंने मेंस कट ऑफ मिस करी थी और इस बार मैंने 105 अबव द कट ऑफ मारे, तो दैट इज़ अ इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 240 मार्क्स। इतने का तो एक जीएस पेपर होता है। तो यहाँ पर जो मैंने चेंजेस किए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ आप सबसे पहले लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि मेंस आपका, जैसे मैंने 2 मेंस में गलती कर करके सीखा, आप मेरी गलतियों से सीख के सेकंड कैटेगरी वाले बंदे बन सकते हैं कि जो दूसरे की गलतियाँ सीखते हैं। ऐसे की स्ट्रैटेजी में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं जीएस वन पे आ जाता हूं। तो जीएस वन में सबसे पहले हिस्ट्री, कितनों को पसंद था हिस्ट्री? 1-2 थे यहां पे, मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद है ना हिस्ट्री। तो कई लोग कहते थे कि प्लासी टू पार्टीशन पढ़ लो, या फिर दे आर वेरी गुड बुक, जो शेखर बंदोपाध्याय की बुक थी, या फिर बिपिन चंद्रा की इतनी मोटी बुक थी। मैं वो सिर्फ सोने के लिए, कई बार एक बार तकिया नहीं थी उसी पर चद्दर डाल के सो गया था, बस उसके काम आई थी वो मेरे। तो व्हाट आई डिड वॉज आई कंटिन्यूड विथ स्पेक्ट्रम। दिस इज समथिंग दैट नोबडी विल सजेस्ट यू, बट ये मेरे लिए स्ट्रैटेजी थी। क्यों? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम मेरे लिए एक ऐसी बुक थी कि जब मैंने उसको प्रिलिम्स के लिए ऐसा पढ़ लिया कि स्पेक्ट्रम से कुछ भी क्वेश्चन आएगा मेरा गलत नहीं होगा, तो डोंट यू थिंक वो मेरे दिमाग में बिल्कुल छप चुकी होगी। अगर ऐसा कुछ सोर्स आपके दिमाग में है, अगर एनसीईआरटीज भी हैं, वो हैं, मैंने क्या किया था, स्पेक्ट्रम से ही चीज़ें उठाता था। और जो पीवाईक्यूज हैं फ्रॉम 2013 से लेकर 2021 तक, इन सब के पीवाईक्यूज मैंने बना लिए थे स्पेक्ट्रम के ही कंटेंट से। मैंने ये पीवाईक्यूज बना लिए थे और मैंने बोला कि बस ये हो गया मेरा, इतना ही पढ़ के जाऊंगा एग्जाम में, उसके अलावा जो आया देखा जाएगा। आई थिंक 7 ईयर्स में इतने क्वेश्चंस कवर हो गए थे कि जो भी नया क्वेश्चन आया वो मैंने अच्छे से कर लिया। बट सिंस ये मेरी एक रिवर्स स्ट्रैटेजी थी, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। इस बार मैंने पीवाईक्यू जरूर बना लिया था, वहीं से रिवाइज कर रहा था, बट दिस इज समथिंग दैट माइट नॉट वर्क फॉर यू। आपको अगर कोई बुक अच्छी लगे, जैसे प्लासी टू पार्टीशन इज बाय शेखर बंदोपाध्याय इज अ वेरी गुड बुक, बट मेरे तो सोने के काम आई, आपके काम आ सकती है, ठीक है? इट इज जस्ट कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं आपसे, आपके लिए कुछ और काम कर सकता था। अब बात है एंशियंट और मेडिवल, हम जब पढ़ते हैं इसका मेंस में उतना रोल नहीं रह जाता। मेंस में, प्रीलिम्स में वो कुछ भी पूछ सकता है कि ये लाल पत्थर से बना था या सफ़ेद पत्थर से बना था, बना भी था या नहीं बना था, किसने क्या बनवाया था, कुछ भी पूछ सकता है। मेंस के केस में उन्होंने सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है कि दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया तो बाकी चीज़ें क्यों पढ़ना? तो जो आपने स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स में रखी थी उसका सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है, और जो मेजर थीम्स हैं, मैंने क्या किया था, जैसे आपकी पेंटिंग्स हो गई, आपके डांस फॉर्म्स हो गए, इस पे एक एक पेज बना लिया था कि अगर गलती से भी इसने पूछ लिया इस पे, ये पेज लिख के आ जाऊंगा मैं। और उस पे अगर जो करंट अफेयर्स में कुछ है, जैसे धौलावीरा उस समय न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड ही थोड़ा आसपास का क्वेश्चन आ गया था, थोड़ी आईवीसी साइट्स हैं, आईवीसी साइट्स आप कर लीजिए,
आंसर राइटिंग में मैंने काफ़ी फोकस किया था. तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम का एक्सटेंशन किया था. एंशंट और मेडिवल्स के लिए जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला था, वहाँ पर मैंने थीम बेस्ड तैयारी करी थी. कुछ लोग कहते हैं कि कवर बाय कवर, वर्ड बाय वर्ड आप नितिन सिंघानिया पढ़िए, माइट वर्क फॉर प्रीलिम्स. लेकिन मेंस के लिए मैंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया पेंटिंग्स हो गई, म्यूजिक हो गया, डांस फॉर्म्स हो गए, इनके एक एक पेज बना लीजिए. थोड़ी सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी अगर वहां पर डाल दिया आपने, ट्रस्ट में 90% लोग एंशियंट और मेडिवल के आंसर्स बहुत एवरेज लिख, एवरेज बिलो एवरेज लिख के आते हैं. सिंगल आंसर आपको देख के लग रहा होगा कि आप अच्छा लिख सकते थे, इससे तो अच्छा है मैं लिख ही लूँ. बट जब वहाँ पर 20 क्वेश्चंस आते हैं और अगले दोपहर में भी पेपर होता है, अगले दिन भी दो पेपर होते हैं, तो बच्चा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पर उतना वक्त नहीं देता. चार पाँच पेज बना लो इसके लिए, कुछ PYQs प्रैक्टिस कर लो. आई थिंक दैट वॉज द की फॉर मी, क्योंकि मुझे पता था हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है. ठीक है, सोशल इश्यूज के लिए मैंने स्मृति शाह मैम के लेक्चर्स करे थे, तो वहां से मैंने स्मृति मैम के करे थे, और यहां से मैंने करंट अफेयर्स, जो अपनी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, वहां से इंप्लीमेंट करे थे, और न्यूज़पेपर से जो भी करंट अफेयर्स आते हैं. न्यूज़पेपर अभी मैं अलग से डिस्कस करूंगा. तो इसको मैंने, सोशल इश्यूज को मैंने मैम के लेक्चर्स करे थे, करंट अफेयर्स करा था, और यहीं से मैंने सोशल जस्टिस भी, क्योंकि मैम कंबाइंड वे में, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी. सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज और पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने यहीं से करे थे. क्लियर कर दूं? अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे. तो ज्योग्राफी के लिए मेरा तो क्या ऑप्शनल था, बट आई थिंक समथिंग कैन वर्क फॉर यू. इसमें यहां पर एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं, एक आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज, जो 12th की NCERT है उससे आप थीम उठा सकते हैं. जैसे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें क्या है, पॉपुलेशन आ जाता है, सेटलमेंट्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाती है. तो यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी की जो 12th की NCERT है, वहाँ से आप टॉपिक उठा सकते हैं, उस पर एक थीम बेस्ड राइटअप तैयार कर सकते हैं, और उसको करंट अफेयर से सप्लीमेंट कर सकते हैं. करंट अफेयर से सप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताऊँगा मैं. फिजिकल ज्योग्राफी में बस 2-3 थीम होती हैं, एक होती है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, एक क्लाइमेटोलॉजी और एक ओशनोग्राफी, बाकी तो माइनर टॉपिक्स हैं. इन तीनों को आपको स्टैटिक वे में करना है, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है. जैसे इसको भी आप करंट अफेयर से लिंक करना है. जैसे वॉल्केनिज्म इज़ अ वेरी स्टैटिक टॉपिक, मगर इस बार क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा था कि बता दो 2021-20 में सारे वॉल्केनो कहाँ कहाँ फटे थे, तो ये तो किसी को भी नहीं पता ना. बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वोल्केनिज्म वहीं हो रहा होगा. तो मैंने कुछ नहीं किया, एक वर्ल्ड मैप बनाया और वहीं पर जो जगह मेरे को याद थी कि अच्छा हवाई में तो होता है, इटली में होता है, यहाँ पर तो हमेशा फटता है, बस उसको बना के आ गया. तो यू हैव टू बी स्मार्ट. मैं अब सारे वोल्केनो रटने थोड़े ना बैठूंगा, सारे ये सारे इवेंट्स रटने थोड़े ना बैठूंगा. यू हैव टू बी स्मार्ट. जो स्टैटिक आपने पढ़ा है उसको आंसर राइटिंग के थ्रू अप्लाई करना शुरू करिए. अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए, मतलब मैप देख के लगना चाहिए कि मैप ही बनाया है. ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ पे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी में. और जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कवर करने हैं. तो ज्योग्राफी के लिए फिजिकल अलग से तैयार करिए, क्योंकि फिजिकल स्टैटिक है. आई वुड सजेस्ट इसको आप जल्दी ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने ये पढ़ लिया ये आपके दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है. ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा आपके करंट अफेयर्स के साथ चेंज होती रहेंगी. वहाँ से आपको डेटा उठाना है, इसके लिए आपको सेंसस इस पर भी आएंगे, डेटा और जो एग्जाम्पल्स हैं ये उठाने पड़ेंगे.
आई थिंक ये हर उसके लिए होगा, आगे वाले में की केस में मैं बता दूंगा। तो ये तो थी GS1 के मेरे सोर्सेस कि मैंने कैसे किया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था। ऑप्शनल में भी हमारी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि फिजिकल को ऐसे करेंगे, ह्यूमन को ऐसे करेंगे, कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऐसे आएंगे। तो ये GS1 की स्ट्रेटेजी थी। हिस्ट्री पसंद नहीं था, सोशल इश्यूज स्मृति मैम ने पढ़ा दिया और ज्योग्राफी खुद कर लिया। ठीक है, सोर्सेज मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं ये। एनीवन जिसको GS1 में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, चलिए इसको अभी इस पॉइंट पर मैं आ जाता हूँ GS2 पे, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आने वाला है जिसको कह रहे हैं न्यूज़पेपर। अब कईयों को नींद आ रही है तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव करने की कोशिश करते हैं इसको। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता है कोई? कोई अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेगा न्यूज़पेपर के केस में? अच्छा, कितने देर में पढ़ते हो न्यूज़पेपर ऑन एन एवरेज? 3 आवर्स कौन था? अच्छा, 3 आवर्स लगते हैं। अभी शुरू किया है? अच्छा, और कोई है 45 मिनट वाला? कोई नहीं। अच्छा, 45 मिनट में कौन सा द हिंदू 45 मिनट में ख़त्म? उसके पहले YouTube पे जो है मैं उसका एनालिसिस देख लेता हूँ। अच्छा, और मैं पिछले एक साल से हिंदू पढ़ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके हिंदू एनालिसिस लेने के लिए। वही वाला ना? नहीं नहीं, हाँ अच्छा, अच्छा वही वाला। नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, दैट इज ऑल्सो गुड। अच्छा, पहले आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हैं फिर करते हैं। तो वो तो 45 मिनट का हुआ, जब आधा घंटा आपने एनालिसिस रीडिंग रीडिंग का बताया। अच्छा, रीडिंग रीडिंग जो है मेरी 45 मिनट से एक घंटे के ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है करंट में या क्या स्टैटिक्स से रिलेटेड। अच्छा, और 3 घंटे को लगते हैं आपको? अच्छा अच्छा, रीडिंग स्लो भी है। कितने कितने हाँ, ये भी था। ऐसे GDP वाला था वो, अभी भी मेरे को याद है। पहला स्टेटमेंट था द स्टेट ऑफ द इंडियन इकॉनमी इज एन अबिस्मल कंडीशन। तो मैं बोला अच्छा, समझ रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको। तो मैं दोबारा डिक्शनरी पे गया, अबिस्मल अबिस्मल अबिस्मल, अच्छा नॉट इन गुड स्टेट। तो मैंने बोला वो लिखना, ये क्या। जितनी देर में मैं अबिस्मल ढूंढ के आया वापस, समझने की कोशिश करी कि स्टेटमेंट में कैसे आते हैं, उतनी देर में मैं ये भूल गया कि लिखा क्या था वहाँ पे। तो ऐसा होता होगा, बिल्कुल होगा। और ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी, आप जब 10-15 दिन तक न्यूज़पेपर की हैबिट बनाएंगे तो होंगी। न्यूज़पेपर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है GS2 के लिए भी, तो मैं इसको अभी डिस्कस करूँगा। तो 3 आवर्स में तो क्या क्या पढ़ते हो उसमें न्यूज़पेपर में? अच्छा, कोई बताएगा? मतलब न्यूज़पेपर तो रोज ही पढ़ रहे हो, कोई एक खड़ा होकर बता दे मेरे को, या बैठे बैठे बता दे कि न्यूज़पेपर मतलब कैसे पढ़ते हो? अच्छा, पहले एडिटोरियल पर कूद जाते हो? अच्छा, पहले फ्रंट पेज, फिर 8वें पेज पर जाके जो बची हुई न्यूज़ वो? अच्छा, इस पे आएंगे अभी। पहले फ्रंट का पेज, फिर अच्छा, जो इम्पोर्टेंट न्यूज होते हैं स्टेट्स में, मतलब अंदर के पेजेस में। अच्छा, फिर एडिटोरियल के पेज। हाँ। और फिर जो आगे पेजेस होते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज वगैरह से, वो सब चीज़। कोई है जिसको 5 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में? ऐसा कोई है? कोई नहीं था कभी, मतलब मैं ही यूनिक था। पहले दिन तो, पहले दूसरे तीसरे दिन मेरे को 5-5 घंटे लगे थे न्यूज़पेपर पढ़ने में। फिर बाद में पता चला कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी पढ़ रहा हूँ मैं, किसने किसका कत्ल कहाँ कर दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने बोला कहीं ये तो ना पूछ ले। कुछ दिन बाद मेरे, जब मैं थोड़ा रैशनलाइज हुआ, तो मेरे रूम में मेरा फ्रेंड आया। देखो, पता है वोडाफोन की, वो एप्पल की कंपनी में बगावत हो गई थी और वहाँ से कई लोग कई सारे आईफोन उड़ा के ले गए। तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो नहीं सुना। बोला क्या क्या IAS बनेगा यार, तो तेरे को ये न्यूज़पेपर में आया था ये नहीं पता। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ कि ये मैंने क्यों बोला। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हो। सब कुछ पढ़ते रह जाओगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, न्यूज़पेपर ख़त्म नहीं होगा और सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। 2-3 एडिटोरियल में तो जो नए नए अभी पढ़ रहे होंगे एडिटोरियल, उनको पता होगा 2-3 एडिटोरियल के बाद तो एनर्जी ख़त्म, और उसके बाद एक के नोट्स बनाने पड़ गए तो सब कुछ खत्म। ठीक है, इन दैट सिनेरियो 2 things वर्क वेरी मच इन टैंडम विथ ईच अदर, दैट इज न्यूज़पेपर गोज विथ सिलेबस। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि कल जाकर हर कोई न्यूज़ सिलेबस याद कर लेगा।
तो कुछ बोलेंगे कि मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी न्यू सिलेबस याद करने से जितना टाइम आपको लगेगा उससे कई ज़्यादा टाइम रोज़ न्यूज़पेपर आपका बचा देगा। आइडियल टाइम न्यूज़पेपर का जो मेरे हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया है अलॉन्ग विद नोट्स, दैट इज़ 45 मिनट्स एंड दैट इंक्लूड्स नोट मेकिंग एज वेल। जैसे एक बच्चे ने मेरे को एक दिन कॉपी दिखाई कि एडिटोरियल बेस्ड, कई बार इंस्टीट्यूट देते हैं ना कि एडिटोरियल पे ये क्वेश्चन दे दिया, तो उसने वो एडिटोरियल पढ़ा होगा और मुझे एक आंसर ला कर दिखा दिया। तो उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था, विथ रेफरेंस टू दिस आर्टिकल डेटेड ऑन दिस डेट, मतलब कुछ पहला आर्टिकल आया होगा, उसने पूरा एडिटोरियल छाप दिया। उसका कहना तो ये बिल्कुल माइंडलेस गेम खेला उसने, पूरा एडिटोरियल एज इट इज़ का एज इट इज़ छाप दिया। उसने ये नहीं देखा क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या लिखना था, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, पर पूरा उसने एज इट इज़ का एज इट इज़ छाप दिया। नॉट गोइंग टू वर्क। न्यूज़पेपर जब आप सिलेबस रिवाइज कर ले, पूरा मेमोराइज कर लेते हो, आपको ये पता चल जाता है कि न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है। फ्रंट पेज खोलिए, जब फ्रंट पेज दिखेंगे आपको दिखेगी पॉलिटिकल न्यूज़ कहीं नहीं आएगी, इकोनॉमी न्यूज़, आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो वहाँ पे, क्यों, क्योंकि चेंजेस वहाँ से डेटा भी मिलेगा, वहाँ पे कंसेप्ट भी मिलेगा। स्टेट बेस्ड न्यूज़ जो आप पढ़ते हो, नॉट इम्पॉर्टेंट, कब तक, जब तक स्टेट स्पेसिफिक कोई स्कीम नहीं आ जाती, ऐसी स्कीम दैट कैन बी अ गेम चेंजर, कहाँ यूज़ कर सकते हो उसकी, स्टेट बेस्ड की एक केस स्टडी बना लीजिए कि नाउ राजस्थान हैज़ लॉन्च दिस दिस स्कीम that can help in ameliorating the conditions of poor in this way। ये आपने क्या किया, ये newspaper से आपने एक case study बना ली। तो जो कई बार पूछते हैं ना कि examples कहाँ से आते हैं, तो examples newspaper से आते हैं, और वो ढूंढे कहाँ से जाते हैं, वो syllabus से ढूंढे जाते हैं। अगली बार जब भी newspaper लेके बैठना, दिमाग में बिल्कुल pinpoint कर लेना कि क्या मेरा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये फ़न के लिए पढ़ रहे हो, नो डाउट, कोई जैसे कई बार स्पोर्ट्स में हम, कई लोगों को मज़ा आता है, कई लोगों को जो बीच में फिल्मी न्यूज़ आती हैं उसमें भी मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर न्यूज़पेपर को एज अ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो देन सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप और ये GS2 और GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, पार्लियामेंट में कई बार पूछा कि उन्होंने एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा, स्टार्ट क्वेश्चंस में मिनिस्टर ने कैसे ओरल रिप्लाई किया, रिटर्न रिप्लाई किया, नाउ दीज आर थिंग्स विच आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर प्रिपरेशन। तुम्हारी जो लक्ष्मीकांत है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, और जब ये करंट अफेयर्स में आ रही हैं तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, वो न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। मगर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे पूरा पेपर ही इलेक्शन की न्यूज़ से भर जाता है, वो आप ये देख लो कि इलेक्शन मशीनरी कहाँ पर थी, ये नहीं कि बीजेपी ने किधर कहाँ कितनी सीट्स जीती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मशीनरी कैसे करवाई, एज एन एस्पिरेंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जीएस। जैसे आप बोल रहे थे इकोनॉमिक्स में स्टैटिक चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे मेंस में, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, GS3 में एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, अब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि 77% ऑफ द वेल्थ इज बीइंग हेल्ड विथ 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये न्यूज़ आएगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि GS3 में एक एक्सप्लिसिट सिलेबस है जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ये डेटा आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते ये दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी इनइक्वालिटी है। इंक्लूसिव ग्रोथ में आप उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि पूरा अगर सिलेबस आपको अच्छे से याद है तो कोई सेंसलेस न्यूज़ भी कई बार अगर आती है उसको भी आप बहुत प्रैग्मेटिक वे में इम्प्लीमेंट करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से GS पेपर के लिए, GS 2 3, चलो वोटिंग ले लेते हैं, 1 के लिए किसको लगता है एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, 2 लगता है, 3 4, बेटा 4 में एग्जाम्पल ढूंढते रह जाओगे मिलेगा नहीं, मैम वुड ऑल्सो एग्री विथ मी, GS एथिक्स के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते,
लास्ट में लोग डॉक्यूमेंट्स के पीछे भागते रह जाते हैं कि एक एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल मिल जाए एटीट्यूड पे, एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल मिल जाए किसी ना किसी वैल्यू पर जो अभी हम डिस्कस करेंगे. न्यूज़पेपर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है. GS 1, 2, 3 के तो एक्सप्लिसिट चीज़ें याद थी मुझे, बट कई बार कुछ अच्छा काम हुआ है. डोंट यू थिंक यू कैन यूज़ इट एज एन एग्जाम्पल फॉर एन वर्च्यू, जो कई सारी आपके ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ गिवन हैं उस वैल्यूज़ के एग्जाम्पल्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं. Don't you think when an administrator has done something good, उसको आप as an emotional intelligence के part पे use कर सकते हैं. इस चीज़ को भी हम GS 4 में discuss करेंगे, अभी हम newspaper पे थे. तो I think newspaper को अगर आप syllabus के साथ combine करके पढ़ेंगे तो 45 minutes और जब notes आपके बन जाएंगे तो वो एक complete newspaper preparation हो जाएगी. इसके बाद आप अपने दिन को कैसे भी continue कर सकते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बंदा आज शुरू कर रहा है वो कर ही लेगा इस चीज़ को. 2-3 महीने लगेंगे, बट एक बार एक बात आप गांठ बांध लो, न्यूज़पेपर शुड नॉट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट. इस प्रिपरेशन में मैंने जहाँ जहाँ न्यूज़पेपर को स्किप किया है आई हैव सफर्ड वेरी बैडली. कई बार लगेगा कि प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. न्यूज़पेपर्स आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है. पेपर ऐसा आ रहा है कि कहीं पॉइंट से नहीं पूछा, वो आपके पर्सपेक्टिव, वो आपका एटीट्यूड जानना चाह रहा है. तो जब न्यूज़पेपर वो आपका एटीट्यूड बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो कंसिस्टेंटली बनता है. दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर, तुम पहले अटेम्प्ट में हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो, तीसरे या चौथे या लास्ट अटेम्प्ट में हो, न्यूज़पेपर शुड नॉट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट. एंड दैट इज़ माई प्राइमरी मंत्र फॉर दिस एग्जाम. कुछ लोगों को लगेगा कि करंट अफेयर मैगजीन पढ़ के कर लेंगे, कर लेते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट कैंडिडेट्स, पर वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता. न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं 10 बार और बोलूँगा अभी, ठीक है. तो इसी पॉइंट पे हम GS 2 शुरू करते हैं. अच्छा एक मिनट, न्यूज़पेपर पे नोट्स कैसे बनाएंगे? तो इसके 2 तरीके होते हैं. जैसे अभी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज जहां जहां आपने स्टैटिक नोट्स बना रखे हैं अपने, जहां जहां आपने अपने स्टैटिक नोट्स बना रखे हैं, बस उस पॉइंट पर आकर उसको ऐड कर लीजिए. A4 शीट्स पे ऐड कर लीजिए, डिजिटल वर्जन पे ऐड कर लीजिए. जैसे मैंने अभी इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जांपल बताया आपको, कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे जहाँ पर आप, अब इंक्लूसिव ग्रोथ एक बिल्कुल एक्सप्लिसिट टॉपिक है जो GS 3 में दिख रहा है, उस पे आपका राइटअप तैयार होना चाहिए, नोट्स तैयार होने चाहिए. जब भी करंट अफेयर की कोई न्यूज़ आए तुरंत वहाँ जाके सप्लीमेंट कर लीजिए उस नॉलेज को. ये पहला तरीका हो गया. और दूसरा तरीका थोड़ा आलसियों के लिए, जैसे मैंने क्या किया था, एक कॉपी ली, 2 पार्ट में हर पेज को डिवाइड किया, न्यूज़पेपर की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी मैं इसमें लिख लेता था और उसके अलावा इस कॉपी में कुछ नहीं लिखा होगा. एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन माय टेलीग्राम चैनल मैं न्यूज़पेपर के नोट्स 3 महीने के जो इस बार से प्रीलिम्स से मेंस के बीच में थे वो शेयर कर दूंगा. बट ये देख लो, पहले आई थी कि एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक जुडिशरी से रिलेटेड रिपोर्ट थी कि देर इज़ डिले इन जस्टिस टाइप की, ठीक है. मैंने क्या किया, इस रिपोर्ट से निकली हुई फाइंडिंग्स को यहाँ लिख लिया. ऐसे ही सपोज कर लो एक IPCC की रिपोर्ट आई, उस समय बड़ा चला था ना कि COP 26 हो रहा था, पंचामृत आया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो कमिटमेंट्स दिए थे नेट कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070. मैं क्या करता था, ऐसी फाइंडिंग्स को कॉपी में लिख लेता था और लाल पेन से इसके बगल में लिख लेता था कि इसको कहाँ यूज़ करूँगा. इसको मैं GS 2 में यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं GS 4 में यूज़ कर सकता हूँ. आई एम एग्जैक्टली नॉट रिमेंबरिंग, पर इस बार एक केस स्टडी मैंने ऐसी बनाई थी जिसको मैं 6 पेपर में यूज़ करके आया था. तो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लेजी वर्क, बट अगर आप स्मार्ट हैं, जो कि आई बिलीव यू ऑल आर, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एक था कि आप अपने स्टैटिक पे उसको जाके कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कर सकते हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे. मेरे क्योंकि स्टैटिक नोट्स पुराने हो गए थे, मेरा मन नहीं कर रहा था उसको पढ़ने का, उसमें अब क्या मैं कहाँ A4 घुसाते फिरें, पुराना वाला पीला हो गया, वाइट वाला अलग से दिखेगा, अच्छा थोड़ा ना लगेगा. तो इस केस में मैं क्या करता था, एक सेपरेट बुक ली, कॉपी ली मैंने, उस पर न्यूज़ आइटम्स मैं लिख लेता था और वहाँ पर लाल पेन से ये लिख लेता था कि इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगा. और इस केस में क्या है, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे कि क्या मैं इसको GS 1 में भी यूज़ कर सकता था,
GS2 में यूज हो सकता था, GS3, 4। तो कई बार जैसे टॉपर्स कॉपी आ गई हैं, शायद आपने अगर देखा होगा इसी बार का अभ्यास की मेरी जो कॉपीज हैं वो आप देख लेना, कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने 1, 2, 3, 4 में सब में सेम लिख रखे हैं अलग अलग तरीके से। किसी ने वो देखिए चांदनी चौक टू चाइना, मतलब काफ़ी पता नहीं कैसी मूवी है, बट कुछ चीज़ें उसमें ऐसी मूवीज से भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो उसमें एक डायलॉग था ना कि मुझे उस एक मूव 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करे हैं, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करे हैं। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर कलेक्ट करते रहोगे तो वो 10,000 मूव्स हो जाएंगे लेकिन तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। एक न्यूज़ पकड़ो, 3-4 तरीके से ट्वीक करो, बार बार रिवाइज करो, ट्रस्ट मी एक न्यूज़ को अक्रॉस द पेपर्स बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो दीज आर गोइंग टू बी द वेपन्स। आई वॉज टॉकिंग टू आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 44 दिस ईयर अंजलि, वो भी ज्योग्राफी की है, शी सेड कि मैंने 10 से 15 केस स्टडी में पूरा पेपर निपटा दिया। मतलब उसने अपनी प्रिपरेशन में कुछ बहुत डाइवर्स केस स्टडीज इस तरीके से ट्वीक करी कि 10 to 15 केस स्टडीज में अक्रॉस द पेपर उसके एग्जाम्पल्स काम कर गए। और ये यही नहीं, पहले भी कुछ टॉपर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। तो क्योंकि मैं कुछ बहुत आलसी किस्म का आदमी था, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, सिलेबस से देखा कि तो सारे काम मैं आलसीपने में ही कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी पूरा नहीं पढ़ना इसलिए सिलेबस पकड़ रहा हूँ, नोट्स भी पूरे नहीं बनाने इसलिए एक ही जगह पर सब लिख दे रहा हूँ। बट वॉट इज़ दिस डूइंग? दिस इज़ रिड्यूसिंग योर टाइम, दिस इज़ रिड्यूसिंग योर एफर्ट्स विच यू कैन पुट इन सम अदर डायरेक्शन। कुछ नहीं तो सो जाओगे तो ही बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कई बार बोलते हैं ना सोने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है न्यूज़पेपर को थोड़ा जल्दी निपटा लेंगे, थोड़ा यहाँ से कम कर लेंगे टाइम, थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा सो लेंगे। तो डू वॉट सूट्स यू द मोस्ट, ये मैंने बता दिया कि एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका था। स्टैटिक, क्योंकि मेरे स्टैटिक नोट्स मोर और लेस इन प्लेस थे, अभी स्टैटिक नोट्स पर भी आएंगे कि स्टैटिक नोट्स कैसे करने हैं, बट न्यूज़पेपर क्योंकि यहाँ पर डिस्कस किया था मैंने, एक कॉपी बना लो उसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स नहीं चिपकाना, खुद अपने वर्ड्स में लिख लेना। पता चला एक बंदा बहुत अच्छा था, वो 4 हाइलाइटर लेके बैठता था और सारी पूरी हाइलाइट कर देता था, तो मुझे लगता था कि चारों उंगलियों में ऐसे हाइलाइटर दबाता होगा वो और ऐसे ऐसे चला देता होगा न्यूज़पेपर में। तो ऐसा भी नहीं करना अपने को, बी वेरी स्मार्ट, बहुत राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी अपने वर्ड्स पे। कई बार आपको पता नहीं होता पर अगर अपनी कॉपीज देखोगे कई सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, रिसीव की छोटी छोटी स्पेलिंग, रिसीव की स्पेलिंग गलत हो जाती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने भी करी थी, मैंने एक कॉपी बनाई थी कि मैं कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा था एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैंने इतनी जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रखी थी, छोटी छोटी स्पेलिंग कई बार गलत कर रहे थे। तो ये चीज़ भी आपको इम्प्रूव करनी है। दो तरीके होते हैं, या तो अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ा लो या अपनी वीकनेस कम कर लो। तो यहाँ पर आपको एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें करनी है, अपनी वीकनेस भी कम करनी है। तो करंट अब समझ में आ गया न्यूज़पेपर कैसे करना है। न्यूज़पेपर आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है। कैसे डिसाइड होगा? आपके जीएस के सिलेबस जो है आप उससे डिसाइड होगा, वहाँ से एग्जांपल्स मिलेंगे। कई बार बोलते हैं कि एनिकडोट्स नहीं मिल रहे मुझे, न्यूज़पेपर से मिलेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो, थोड़ा सा कॉन्शियस वे में पढ़ो। कई बार ये होता है ना कि 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत बोर हो गए यार, अगला जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कई बार आर्टिकल पढ़ने के बाद ही नहीं पता होता था उसमें क्या लिखा था, तो अगले दिन तक क्या याद रहेगा। लेकिन अगर 45 मिनट्स आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यू कैन स्टडी इट विथ फुल कंसंट्रेशन, और ऐसे केस में आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, नोट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे एग्जाम के पहले। ये और इसी में मैंने थोड़ा सा डेटा था, कुल मिला के ये 40 पेज हो गए थे। आई लिव, अभी मैं प्रेजेंटली बरेली में रह रहा हूँ, तो जब 2019-20 का मेंस देने में आया था तो जीएस 3 दिन पहले आ गया था, मैं 4 बैग लेके आया था और साथ में एक बंदा भी था। क्यों? क्योंकि मुझे रिवाइज करने के लिए इतने सारे नोट्स लेके चला था मैं कि उठ ही नहीं रहे थे मेरे से, कि किताबें भी ला रहा है, कॉपियां भी ला रहा है। होटल वाला भी बोल रहा है ये अकेला 2 दिन के लिए आया है, क्या लेकर आया है इसमें? उसने एक बार पूछा मेरे से, भैया इसमें क्या है बताना ज़रा। इस बार जब मैं आया, मैं सिर्फ एक बैकपैक लेके आया था, उसमें सिर्फ ये कॉपी थी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे एग्जांपल्स थे, इसमें मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स थे, इसमें मुझे वो नोट्स थे जो मुझे पता थे मुझे कहाँ यूज़ करने हैं, और मैं सिर्फ एक बैकपैक के साथ आया था, 2-3 चीज़ें डेटा वगैरह ये सब चीज़ें लेके, और स्टैटिक घर से रिवाइज करके आया था।
तो ये चीज़ें आपको अभी से प्लान करनी है कि क्या हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम आने के बाद पता चलती हैं आपको। अभी ये चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, पर जैसे जैसे मेंस करीब आता जाता है और ये चीज़ अक्रॉस द पेपर्स, अक्रॉस द सब्जेक्ट्स करनी होती हैं, इतना पहाड़ बन जाता है वहाँ पर कि आप पहले एग्ज़ाम के पहले ही कई बच्चों को गिव अप करते देखा है मैंने। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड नॉट डू। रीड इन अ प्रैग्मेटिक मैनर, अप्लाई इट इन अ मोर प्रैग्मेटिक मैनर, जो मैंने बताया कि आपको एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग जगह पर यूज़ करना है। तो इस पॉइंट से यहाँ से हम GS2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो GS2 का पहला पार्ट क्या था? पॉलिटी। क्या आता है पॉलिटी में? तो जैसे मैंने हिस्ट्री में बोला कि मैंने स्पेक्ट्रम को ही आगे पढ़ा, जो कि बाकी लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, तो पॉलिटी में भी मैं यही कहूंगा कि मैंने लक्ष्मीकांत को ही आगे पढ़ा, क्योंकि वो मेरे लिए सूटेबल था। क्यों? क्योंकि नए सोर्स पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर सकता था। मैं कोई भी ऐसा सोर्स लास्ट, पहले मैं बहुत सारे सोर्स रिफर करता था, कई सारे ऐसे, जैसे एक किताब है AL बाशम करके, किसी ने देखी है? AL बाशम देखी किसी ने? कितनी मोटी है वो? इतनी मोटी है वो, उसमें 6-7 चैप्टर हैं। और वो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, तो उस वहाँ था कि स्थाविरवादिन और स्थानकवासी ये सब उसमें दे रखे थे। मैंने बोला ये पढ़ लिया तो हिस्ट्री तो हो गया, तो ऐसे केस में वो बिल्कुल बैकफायर कर गया, क्योंकि वो बुक पढ़ी किसी काम नहीं आई मेरे। तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में वाइड कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में जो डेप्थ इंपॉर्टेंट है, डेप्थ कहाँ से आएगी? डेप्थ आएगी रिविजन से। और रिवाइज कब कर पाओगे? जब लिमिटेड मटेरियल होगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी और उसके मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशंस बता दो। नाउ दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इससे इजी क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, मगर ये क्वेश्चन लिखना होता है 6 मिनट में। टाइम मिसमैनेज हो गया तो 5 मिनट में। वहाँ पर अगर सोचने बैठ जाओगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो 5 मिनट भी बहुत कम पड़ जाते हैं। ऐसे केस में आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करते हो उन कुछ पॉइंट्स को, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स को, उसको बार बार रिवाइज करते हो, तब जाके वो 5 मिनट में एक बहुत इफेक्टिव आंसर निकल के आता है। आंसर राइटिंग की बात करूंगा, वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि दैट इज़ हाउ आई रीच फ्रॉम -120 टू +120। 240 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड ड्रीम्स होता है कई बार, मेरे केस में मैं बताऊंगा वो क्या था। बट इस केस में GS2 में मैंने पॉलिटी का एक्सटेंशन लक्ष्मीकांत से ही किया था। लक्ष्मीकांत में कई बार आपने पढ़ा होगा, अभी तक थोड़ी बहुत लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली होगी ना, तो उसमें कई बार आते हैं ना कि केसी वीरे ने कुछ ये कहा, इन्होंने पार्लियामेंट्री डिबेट्स में कुछ ऐसा कहा होगा, वो चीज़ किसी सब लोग इग्नोर कर देते हैं ना कि कोई पढ़ता है उसको। सेक्युलरिज्म इसको, इंडिया इज़ अ क्वासाई क्वासाई फेडरल, ठीक है, किसने कहा था ये? ऐसे ही किसी ने कहा था। तो मैं लक्ष्मीकांत में क्या करता था, जहाँ पर भी ऐसे कोट्स या स्टेटमेंट्स मिल जाते थे, वहाँ पर लाल पेन से M लिख लेता था। अच्छा ये मानेगा नहीं मतलब, अरे यार, मेंस का मतलब है कि जब मैं दोबारा मेंस के लिए इसको पढ़ूंगा तो यहाँ से मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, फिर मैं वो पीछे वाले चैप्टर नहीं देखता रहूँगा कि इसकी 65+5 रिटायरमेंट एज है, इसकी नेशनल कमीशन, इसका वुमेन का ये है, चाइल्ड का ये है, कुछ स्टैटिक तैयार करना पड़ेगा। पर मेंस को उसको डिफरेंट तरीके से अलाइन करना पड़ता है। प्रीलिम्स में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मेंस के केस में हो सकता है उसकी कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग पूछे, इज इट अफेक्टिव और नॉट, इज इट गुड और नॉट। तो ये चीज़ें आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहाँ पे M लिख लेता था कि ये स्टेटमेंट, ये चीज़ें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं बहुत ट्रिकी पार्ट है, गवर्नेंस। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट, येट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर कैंडिडेट्स टू कवर, क्योंकि इसका फिक्स्ड मैंडेट किसी को दिखाई नहीं देता कि कुछ भी, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नेंस पे कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। और ट्रस्ट में जब पहली बार पेपर देखा था, मुझे भी ये लगा था कि ये तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, थोड़ी सी सैनिटी है। इसमें कुछ एक्सप्लिसिट टॉपिक्स हैं, बताओगे?
सिलेबस नहीं पढ़ा ना अभी तक? सिलेबस इसलिए पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिटीजन चार्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस, प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे करके कुछ एक्सप्लिसिट टॉपिक हैं. कुछ नहीं करना, एक पेज बनाना है, एक पेज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन का और एक पेज खाली छोड़ देना है. खाली क्यों छोड़ना है? जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ से वैल्यू ऐड कर लेंगे. बच्चों के पास ये तक बना हुआ नहीं होता. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डू यू थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन सॉल्व एनी पर्पस और नॉट, लिख देगा वेल प्रिपेयर्ड बच्चा, लिख देगा जिसने एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ी है, सही में लिख देगा. हो सकता है 6 की जगह 8 मिनट ले जाए. तो वो 2 मिनट जब तुम पहले एक पेपर बनाकर कर सकते हो. यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टैटिक नोट मेकिंग कैसे होती है. जो जो टॉपिक एक्सप्लिसिट हैं तुम्हारे सिलेबस में, जैसे यहाँ पर मैंने सिटीजन चार्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओस का एग्जाम्पल दिया. जब GS3 आएगा उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे हैं, ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. साइंस एंड टेक में कंटेम्प्रेरी थिंग्स, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये वो कई सारे टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें. सब पे अगर एक एक राइटअप बना लें, पर उसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं. ऐसे करके साइंस एंड टेक एक्सप्लिसिट टॉपिक्स जो हैं उस पे सब पे एक एक पेज होना चाहिए. आदित्य भाई, आई थिंक आदित्य भैया पिछले बार 92 रैंक थी, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि एक पेज में सारी चीज़ें कन्फाइन कर लो, इसको 4 बार रिवाइज कर लोगे, जिस दिन एग्जाम आएगी यही निकलेगा और यही निकलना चाहिए. दैट इज़ वॉट प्रिपरेशन इज कॉल्ड. अभी देखना तुम लोग जब नोट्स बनाओगे, इतने मोटे मोटे नोट्स बनेंगे, फिर उसको दोबारा रिफाइन करोगे. अभी क्या है, वो सारी चीज़ें तुम याद करने में लगोगे, टाइम लगेगा, बट जब नोट्स एक बार रिफाइन होने शुरू हो जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला ना कि इस बार सिर्फ एक बैकपैक के साथ आया था, उसमें लैपटॉप था और कुछ पेजेस और कुछ एक दो कॉपीज और थी. ये सिचुएशन लानी बहुत ज़रूरी है कि एट द आपके अभी हो सकता है नोट्स इतने हों, जब प्रिलिम से मेंस के बीच में दोबारा शुरू करोगे थोड़े से और कॉम्पैक्ट होंगे, वो फिर और कॉम्पैक्ट होंगे. तो लास्ट में कुछ 150 से 200 के बीच में पेजेस बनते हैं जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो. वैसे होने चाहिए आपके नोट्स, कॉन्स्टेंटली रिफाइन होने चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स आपको कॉम्प्लीमेंट करने हैं, इस तरीके से आप ये वाले करेंगे. तो पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत कंटिन्यू करी थी, गवर्नेंस मैंने एक्सप्लिसिट टॉपिक जितने भी गिवन थे. और सही बताऊं, गवर्नेंस जब आप एक्सप्लिसिट टॉपिक करने जाओगे तब पता चलेगा कितना डाइवर्स है, कितने सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. यहीं से रिलेटेड फिर सोशल जस्टिस आ जाता है. तो ये जो स्मृति मैम के लेक्चर्स थे मैंने वहीं से कंटिन्यू किया था, और जो करंट अफेयर मैगजीन थी PT 365, मैंने मेन 365 भी नहीं पढ़ी थी, PT 3, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ. वो इतनी मोटी थी और वो तो शायद ज़्यादा नहीं 45 पन्नों की थी. तो वहीं से डेटा निकाल के आप अपने लिए देखिए कि आप अपना वर्कलोड कैसे कम कर सकते हैं. बाहर बहुत मिथ है कि 16-16 घंटे पढ़ते हैं. मैंने सही बताऊं, टॉपर से इंटरेक्ट किया, अभी टॉप 20 से इंटरेक्ट करके आ रहा हूं, 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता. आई कैन वाउच फॉर दिस. 5 साल के प्रिपरेशन में एक दिन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करी हो. ऑन एन एवरेज मेरा 6 से 7 घंटे लगता था, कई बार 2-3 घंटे भी हो जाता था. पॉइंट इस, मैं कोशिश करता था कि मेरे उस दिन के टारगेट पूरे हो जाएं. तो बाहर जो बोलते हैं ना कि इतना पढ़ना पड़ता है, आई कैन रिमेंबर एन इंसिडेंट. जब मैं कॉलेज से निकल रहा था तो एक बहुत क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड था, उसको मैंने बोला था कि UPSC की तैयारी करके जा रहा था, बाकियों को नहीं बताता हूँ क्योंकि शायद आप लोग भी बता के नहीं आए होंगे. तो उसने बोला, एक बात बता भाई, सोच कैसे लिया तूने इसके बारे में? कॉलेज में तो हम 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, वो भी एग्ज़ाम के पहले पढ़ते थे, इसमें तो 16-16 घंटा पढ़ने पड़ता है. मैंने बोला ठीक है यार, वहाँ जा के बताऊँगा मैं. तो जब यहाँ पर आया, देखे हैं मैंने कुछ बच्चे 14-15 आवर्स का आउटपुट देते हो, मगर आउटपुट क्या निकलता है ये एंटायरली डिफरेंट थिंग है. तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कई सारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, दे आर वेरी स्मार्ट कैंडिडेट्स. कैसे लोड कम करना है अपना. अब एक बच्चा था, मैंने देखा वो लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहा था. तो मेरे हिसाब से उसके लिए अगर वो बेटर है तो चल जाएगा, बट लक्ष्मीकांत अपने आप में नोट्स है, उससे बेटर आप, मुझे नहीं लगा कि लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की मुझे ज़रूरत है. तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, कहाँ पे नोट्स रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है. इसका ब्लूप्रिंट कहाँ से मिलेगा? सिलेबस से मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ ही लेंगे. और यहाँ से जैसे पॉलिटी मैंने बोला, लक्ष्मीकांत मैं डायरेक्ट पढ़ ले रहा था, गवर्नेंस में क्योंकि वहाँ पर चीज़ें नहीं थी. कई लोग बोलेंगे कि गवर्नेंस की किताब पढ़ डालो,
कि लक्ष्मीकांत ने गवर्नेंस की भी किताब निकाली है, वो भी कुछ बहुत ही अच्छी होगी। वो इतनी मोटी थी तो मैंने वही जो तकिया थी ना, तकिया के नीचे रख दिया उसको मैंने। तो एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, ऐसे करके 5-6 पेज के स्टैटिक नोट्स, और एक साइड उसका खाली छोड़ दी न्यूज़पेपर से कम उसको सप्लीमेंट करने के लिए। वो भी खाली छूट गया था क्योंकि लास्ट से मैंने एक ही कॉपी में सब लिख डाला था, लेकिन वहाँ पे भी लिखा था ना कि मेरे को कहाँ यूज़ करना है। कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर से पता चलेगा, सिलेबस से पता चलेगा। ये पार्ट था गवर्नेंस का। सोशल जस्टिस के लिए मैंने मैम के लेक्चर करे थे, और करंट अफेयर्स जो मैंने बताया था कि एक कॉपी में सारी चीज़ें लिख लेता था मैं, वहीं से सप्लीमेंट किया था। IR मैंने टोटली करंट अफेयर से ही किया था, क्योंकि IR एक ऐसा सेक्शन है जहाँ न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मज़ा आता है। मतलब जितने बिगिनर्स होंगे वो ये कह सकते हैं कि IR में थोड़ा मज़ा आता है, बाकी अच्छा नहीं लगता हो, पर एटलीस्ट ये मज़ा आया कि रशिया ने यूक्रेन पे किया, कौन कहाँ तक पहुँच गया, इस चीज़ में लोगों को मज़ा आता है कि कहाँ पर लड़ाई चल रही है, क्या चल रही है। आई कैन शेयर दिस इंसिडेंट कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मेरे से नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट पूछा था। मैंने बहुत अच्छे से बताया सर ये था, और ये मैं इस बार के इंटरव्यू की बात कर रहा था, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया सर ये था, ये 3 डिस्प्यूटेड साइड थी बहुत है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आए थे, तो अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है? मैंने बोला सर सर अच्छा तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल नहीं पता? मैंने बोला सर स्ट्राइक नहीं कर रहा, वो तो अच्छा उन्होंने इंटरव्यू नहीं डाला वो वाला, नहीं तो बहुत बेइज्जती होने वाली थी मेरी। पता था उस समय स्ट्राइक नहीं किया, क्यों? इसका रीज़न था उस समय मैं न्यूज़पेपर स्किप कर रहा था। न्यूज़पेपर जब आप स्किप करते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो वो कंसिस्टेंट, आपको पता नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड आपके क्या क्या चीज़ें न्यूज़पेपर डेली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप जब आज की डेट में न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ोगे ना, 15 दिन बाद मैं पूछूंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, अभी शायद इलेक्शन कमिश्नर भी चेंज हुए थे, ये सब आपके टिप्स पर होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर वो चीज़ बार बार रिपीट करता है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो कल ही पढ़ा था, परसों पढ़ा था, नरसों पढ़ा था, ऐसे करके चल रहा है ये, बट जब वो रोज़ आपके दिमाग में बॉम्बार्ड होता है ना, वो एक आपका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से बहुत अच्छी हो जाती है। दैट्स वाई न्यूज़पेपर प्रिपरेशन को मैं इस प्रिपरेशन में सबसे ऊपर रखता हूँ, और वहाँ से नोट्स बनाना और उसको इफेक्टिवली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। IR के केस में अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर से आ जाती है। थोड़ा सा मैंने मेंस 365 यहाँ पे हेल्प ली थी, ताकि मैं हर कम जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि पहले US के साथ कैसे रिलेशन थे, न्यूक्लियर डील कब हुई थी, इस तरीके की चीज़ें कर सकूं। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से 10-15 पेजेस में आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है IR में। जैसे एक एग्जाम्पल लेके ही ट्राई करते हैं। अगर मैं इंडो US की बात करूं, देखो अभी हमारे पास कोई किताब नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कल पढ़ के आया हूं, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट के बाद मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया है। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़े पिछले 4-5, बट लेट्स ब्रेनस्टॉर्म फॉर दिस। ठीक है, इंडो US है, पहले तो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता होनी चाहिए तुम्हें कि कितना दूर है, कहाँ कहाँ से ट्रैवल रूट्स हो सकते हैं, तो बीच में कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो अगर इन दोनों के रिलेशंस बीच में है तो बीच वाली कंट्रीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके इंटरेस्ट कहाँ हैं, चाइना में इंटरेस्ट है, अलग अलग जगह पर इंटरेस्ट है। खुद ही यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म करो, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं इनके, यहाँ से अच्छे खासे FDI आते हैं, इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस यहीं से है। ये याद करके नहीं आया हूँ, ये जो पिछले काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बार बार बॉम्बार्ड हो रही है मेरे दिमाग में, ये वहाँ से आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस इंडिया का US के साथ है, यहाँ से इकोनॉमिक्स आ गई। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म और करो, पॉलिटी थोड़ा सा यहाँ से आ जाएगी। अरे 2+2 हमेशा न्यूज़ में रहता है, कुछ नहीं तो 2+2 जैसा दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि 2+2 हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा डिफेंस रिलेशन की बात आ जाती है, हर बार चिल्लाते रहते हैं कि कैट्सा लगा देगा ये, S-400 हम नहीं खरीद पाएंगे, इस टाइप से। तो ये देखो, ये सारी न्यूज़ आपके दिमाग में है, जब आप इसको प्रिपेयर करके स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ सकता है, व्हाट आर सम इश्यूज इन इंडो US रिलेशनशिप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब UPSC थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, बट बेसिक प्रिमाइस यही होने वाला है कि रिलेशंस कैसे हैं। आप भी देखिए, हमें
चार आईआर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से दो हमेशा बायलेटरल रिलेशन पे पूछ लेता है, दो किसी इंस्टीट्यूट बेस पे पूछ लेता है, जैसे इस बार ऑकस काफी न्यूज में था, ऑकस पूछ लिया था। तो इंडो यूएस पे आप मल्टीपल डायमेंशंस एक्सप्लोर कर लीजिए, इसको करंट अफेयर मैगजीन से कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए कि अच्छा अब मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं। डिफेंस एग्रीमेंट कौन कौन से थे, कॉमकासा था, जीएसओ एमआईए था, लेमोआ था और एक और था, तो देखा मेरे को भी याद नहीं बट मोटा मोटा दिमाग में है कि ये है, ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर से आएगी। करंट अफेयर मैगजीन सिर्फ अगर करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, और मेमोरी के बेसिस पे मत जाओ क्योंकि भूल जाओगे प्रेशर में। प्रेशर में कई लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ याद नहीं आता, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर जब आपके बैक ऑफ द माइंड से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा तब आपको लगेगा यार न्यूज़पेपर वॉज वंडर्स। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, चार अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, न्यूज़पेपर इज द की, लेकिन न्यूज़पेपर को भी कैसे प्रैग्मेटिक वे में पढ़ना है वो बताया मैंने। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल एरियाज को एक्सप्लोर कर लें और उसको करंट अफेयर मैगजीन से कॉम्प्लीमेंट कर लें तो आईआर की प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। ये काफ़ी स्कोरिंग एरिया है क्योंकि ये अच्छा भी लगता है और आप अच्छे से स्कोर भी कर पाते हैं यहाँ पे। GS3 पे आ जाते हैं, इससे मेरा साइंस एंड टेक सबसे अच्छा पार्ट था। और टाइम गिवन फॉर साइंस एंड टेक वॉज वन डे। अब वन डे कैसे था मेंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है प्रिपरेशन का। मैंने 2-3 साल के पेपर्स उठाए, उसमें देखा कि वो क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसके किसी एक फील्ड में एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। एग्रीकल्चर का बायोटेक्नोलॉजी के उसमें बता दो, नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिकल फील्ड में बता दो। तो ये कुछ साइंस एंड टेक की जो चीज़ें हैं ये फिक्स जा रही थी। तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी छोड़ो, सिर्फ ये देखना है कि साइंस का अलग अलग फील्ड में क्या होता है। एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा हो सकता है, यील्ड बढ़ जाएगी, पेस्ट कम हो जाएंगे। मेडिकल में क्या हो सकता है, ड्रग्स इम्प्रूव हो जाएंगी, जो ऑपरेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एजुकेशन में क्या हो जाएगा, बेटर रीच पहुंच जाएगी। तो ऐसे करके मैंने 15-20 थीम्स पे एक सेट ऑफ पॉइंट्स सिर्फ एक पेज में, इतने एप्लीकेशन तो लिख सकते हैं ना, तो 15-20 पॉइंट मैंने एक ही पेज में लिख डाले। अब देखो, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। अब क्वेश्चन आया, नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बता दो मेडिकल फील्ड में। कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी का ही है सीधा, जो यही वाला नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है यहाँ से उठा लो, रोबोटिक्स का यहाँ से उठा लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ लिखा। वो मेरे से कोई भी टेक्नोलॉजी पूछ ले, पॉइंट्स मेरे सेम रहेंगे। तो एक बात बताओ, ये सारी चीज़ छोड़ के क्या 15 पॉइंट्स याद नहीं कर सकते? 15 पॉइंट्स याद कर लो, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा दो, टेक्नोलॉजी का नाम चेंज करेंगे वही मार दो पॉइंट। रोबोटिक्स क्या कर सकता है, सर एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ा सकता है। ब्लॉकचेन क्या कर सकता है, सर एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ा सकता है क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स बेटर आ जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, सर पेस्टिसाइड्स इफेक्टिव कर सकते हैं जिससे उसकी रिड्यूस हो जाएगी, एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ जाएगी। देख रहे हो, एक ही पॉइंट को मैंने अलग अलग टेक्नोलॉजी में मारा है। आप क्या कर सकते थे कि इन टेक्नोलॉजी का अलग अलग नोट्स बना के एक एक पेज बना सकते थे, वो भी बहुत इफेक्टिव होता, बट मैंने क्या बताया, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, तो मैंने क्या करा, टेक्नोलॉजी साइड कर दी, पॉइंट्स फिक्स कर दिए और अलग अलग टेक्नोलॉजी को वहाँ पे मार दिया। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर यही सेम पॉइंट मारूंगा लेकिन बायोटेक्नोलॉजी लिख दूंगा। बट अंधा काम नहीं करना है यहाँ पे, थोड़ा सा स्मार्टनेस खुद को दिखानी है। अब जब इतना काम कम कर लिया है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना ज़रूरी है। ये चीज़ कहाँ पर आएगी, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आंसर राइटिंग इसके बाद आऊँगा मैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए कि क्या मैं ऐसे इफेक्टिव वे में काम हो सकता है। अब सेम चीज़ जो केस स्टडीज़ मैंने पहले एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करे होंगे उसको यहीं पर आके डंप करना शुरू कर देता हूँ मैं। इकोनॉमिक्स में, अगेन इकोनॉमिक्स में मैंने एनालाइज किया कि
कि करीब 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 हमेशा स्टैटिक एरिया से आते हैं कि जीडीपी का, जैसे पिछली बार शायद आया था जीडीपी के पैरामीटर्स कैसे चेंजेस आए थे 2016 के बाद, ये स्टैटिक पोर्शन है। तो ये जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ से जैसे एग्रीकल्चर की थी, ये डायनेमिक चीज़ें आ गई, पर एग्रीकल्चर भी आपका बिल्कुल एक्सप्लिसिट दे रखा है कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में इश्यूज़ क्या हैं, ये एक एक्सप्लिसिट टॉपिक है। तो नोट्स बनाने का सबसे पहला काम कि सारे जो एक्सप्लिसिट टॉपिक्स हैं उन पे एक एक पेज तैयार कर लो, ज़्यादा नहीं एक पेज, क्योंकि इससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर पे पिछले 15-20 पेज बना लिए उन्होंने, उनके लिए काम कर सकता है, मैं आलसी आदमी, मेरे लिए काम नहीं करता, सिर्फ एक पेज पढ़ के जाऊँगा एक टॉपिक पे। तो बाय द एंड ऑफ द डे, उस दिन मेरा एक्सीडेंट होते बच गया था जब मैं 4 बैग हो गया था, तो उसी समय डिसाइड कर लिया था मैंने कि अगले अटेम्प्ट में कुछ करूँ ना करूँ ये बैग तो कम होंगे मेरे, तो इसलिए मैं नोट्स बहुत अच्छे से इस बार मैंने रैशनलाइज करे अपने, कंटेंट ज़्यादा नया ऐड नहीं करा, सिर्फ एक एक पेज पर टॉपिक, खाली स्पेस छोड़ दी न्यूज़पेपर से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सेम काम जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपने कर लिया, करंट अफेयर का पार्ट न्यूज़पेपर से कवर होगा, थोड़े से जो चीज़ें जो न्यूज़पेपर में नहीं कवर हो पाती अच्छे से वो आप करंट अफेयर मैगजीन से कर लिए। मेंस के पहले जैसे एक मेरा फ्रेंड था वो मेंस 365 को कवर बाय कवर पढ़ रहा था, तो मेंस 365 इज़ गुड मटेरियल क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर्ड होती हैं चीज़ें, कवर टू कवर पढ़ रहा था। तो जब उसकी ख़त्म हुई मैंने उससे पूछा अच्छा पूरा हो गया, बोला हाँ हो गया। तो मैंने बोला कैसे यूज़ करना है इसको, बोला बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और यहीं से इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, वही यूज़ कर लूँगा। फिर जब एग्ज़ाम दे के आया बोला यार पढ़ा तो पूरा था लेकिन कुछ निकला ही नहीं वहाँ पे। मैंने क्या किया था, जो मेरी न्यूज़पेपर वाली कॉपी, प्लीज़ मेक श्योर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, जब मैं इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो इस कॉपी को मैं अपलोड कर दूँगा। न्यूज़पेपर वाली कॉपी में जब मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स बाय जब मेंस आ गया था तब खबर हो गए थे, तो मैंने इसमें मेंस 365 के एक नहीं, 7 मेंस 365 के जो सबसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी 10 पेज के अंदर कवर कर दी थी। सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब एक ही कॉपी में सब कवर कर दिया था। बस वो कॉपी खोनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने मेंस 365 की जो थी ये इस न्यूज़पेपर कॉपी में हो गई। तो बाय द एंड ऑफ दिस टाइम मेरे न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स कवर्ड थे, मेरा डेटा कवर था, और जो केस स्टडीज़ वगैरह यहाँ से मिल सकती थी ये सारे कर लिया एक कॉपी में। वो इकोनॉमी के लिए भी काम आएगी, वो पॉलिटी के लिए भी काम आएगी, वो हर जगह काम आएगी। अभी ऐसे में कैसे काम आएगी बताऊँगा। तो इकोनॉमिक्स ऐसे किया था, साइंस एंड टेक हो गया था, एनवायरमेंट जितना डिफिकल्ट प्रीलिम्स के लिए लगता है उतना ही आसान ये मेंस के लिए है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है EIA। EIA से आ जाता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो या तो आप कर सकते हो कि एक एनवायरमेंट की प्रॉब्लम उठाओ, उस पर एक पेज बनाओ, उसके सॉल्यूशंस बना लो, वेल एंड गुड। बट मैंने क्या बोला, मैं आलसी आदमी हूँ तो मैं इसका उल्टा काम करता हूँ, मैं पॉइंट्स बना लेता हूँ और उसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स में चिपका देता हूँ कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, पोल्यूशन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं वहीं से उठा लूँगा। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन कंजेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, सर पोल्यूशन हो रहा है लेकिन उसकी वजह से एग्रीकल्चर यील्ड कम आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो चीज़ें, जब आपके पास कोई चेस खेलता है, कोई नहीं चेस खेलता, चलो मेरी हॉबी है चेस खेलना तो मैं उसमें एक रेफरेंस देता हूँ। जब चेस बोर्ड पर बहुत सारे पीसेस होते हैं तो स्ट्रैटेजीज काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, तो क्या करते हैं हम धीरे धीरे प्रेशर बना के धीरे धीरे चीज़ें कम करनी शुरू करते हैं। तो जब आपके एक चेस बोर्ड पे सिर्फ 2 या 3 पॉन्स बचते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी काम करना आसान हो जाती है। तो यहाँ आपने क्या किया, अपने पॉन्स का चीज़ें कम कर लें ताकि आपका दिमाग बहुत अच्छे वे में काम कर सके। शेरलॉक होम्स देखा है किसी ने, ये तो मतलब अभी कॉलेज से पास आउट होके आए तो शेरलॉक होम्स तो देखा होगा। तो एक बंदा शेरलॉक होम्स से पूछता है कि तुम इतनी सारी चीज़ें एनालाइज कैसे कर लेते हो अपने माइंड में, तो वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में भी उतनी जगह है, मेरे दिमाग में भी उतनी जगह है, तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं है, तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन सामने है उनको मैं अच्छे से रिलेट कर लेता हूँ। तुम्हारे पास नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास नोट्स बहुत कम है, ठीक है। जितने नोट्स कम, जितने नोट्स प्रिसाइज, दिमाग उतना काम करेगा। तो इन चीज़ों को फिर कैसे यूज़ करना है,
अब मैंने पॉइंट एक ही पेज पढ़ के जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे तो दिमाग लगा सकता हूँ ना मैं कि कौन सा पेज कितने अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आएगी जो अगले कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आंसर राइटिंग। एनवायरमेंट के केस में सिंपल टॉपिक है, जैसे मैंने साइंस एंड टेक में बताया कि आप रिलेट कर सकते हैं दो टॉपिक्स को, वैसे ही एनवायरमेंट में भी कर सकते हैं। सेम काम सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में करना है। इसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। इस पे चार क्वेश्चंस आते हैं, दिज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, मगर क्योंकि एक्सप्लिसिट टॉपिक्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गई, टेररिज्म हो गया, साइबर सिक्योरिटी इस बार बड़ा न्यूज़ में था, अच्छे से पढ़ के गया था, दो क्वेश्चन आ गए, एक पेज से दो क्वेश्चन निकल गए, और क्या लोगे, ठीक है। तो नोट्स को रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम पढ़ाई करी थी इस बार मैंने, मगर जो पहले पढ़ाई करी थी जब मैंने इतने मोटे मोटे नोट्स तैयार करे थे उसको रैशनलाइज करके बहुत कॉम्पैक्ट बनाया था, उसको मैंने 4 से 5 बार रिवाइज करा था। उससे तुम मेरे से कुछ भी पूछ लो, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और एक बार जब सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं तो आप फिर उसको बेटर यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ एग्ज़ाम की इंटरनल सिक्योरिटी में भी, जो एक्सप्लिसिट टॉपिक्स हैं उनके आप नोट्स बना लिए, कोई भी बुक रेफर कर लीजिए, कोई भी मटेरियल रेफर कर लीजिए, नहीं करना है इंटरनेट से देख लीजिए। मैं कोई मटेरियल यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, ना मैंने साइंस एंड टेक के लिए किया, ना मैंने एनवायरनमेंट के लिए किया, ना मैंने इसके लिए किया, क्योंकि अगर मैं इसमें बुक बता दूंगा तो दैट वुड बी अनफेयर ऑन यू, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पढ़ी। बट अगर मैंने खुद नहीं पढ़ी एंड इट वर्कड फॉर मी, देन देयर माइट बी समथिंग ना कि काम कर जाता है। तो मैंने क्या बोला, जो एक्सप्लिसिट टॉपिक है सिलेबस से, पहला मैंने सबसे मूल मंत्र क्या बोला, यू विल नेवर स्किप द न्यूज़पेपर। और सेकंड मंत्र क्या है, सिलेबस से स्टिक रहोगे। क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी आस्क एवरीथिंग अंडर द सन, बट ऐसा नहीं है, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू सिलेबस। अब बच्चे सिलेबस ही नहीं पढ़ के जाएंगे तो उनको यही लगेगा कि कुछ कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया। बट ट्रस्ट मी, अगर मेरी बात नहीं माननी तो एक एक्सरसाइज करना, GS2 का पेपर उठाना और GS2 का सिलेबस उठाना, GS2 के एक्सप्लिसिट टॉपिक्स जो हैं वो देखना कि कौन कौन क्या इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये एक्सरसाइज तुम हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। पेपर उठाना, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये अच्छा ये इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछा गया है, ये साइंस एंड टेक से पूछा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एम विश्वेश्वरिया और आई थिंक MS स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशंस बताएं, ये 2019 का क्वेश्चन है। बच्चे रोने लग गए, यार अब हमें इनका कंट्रीब्यूशंस कैसे पता होगा, क्या पता होगा। साइंस एंड टेक के सिलेबस में एक्सप्लिसिट टॉपिक थी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन वेरियस फील्ड्स। अगर 15-16 भी आपने करे होंगे तो एम विश्वेश्वरिया और MS स्वामीनाथन का नाम आना बनता है, कुछ तो पता होगा। तो यहाँ पर यू हैव नॉट स्टडीड एवरीथिंग अंडर द सन, बट जो सिलेबस में दिया है वो तो पढ़ा ना आपने। तो आई थिंक दिस इज़ अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच, क्योंकि ये मेरी है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था ये मेरी स्ट्रैटेजी है, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बाकी लोगों से क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ, सीधी सी बात है। तो इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लिसिट टॉपिक्स जो उठाए थे वो करी थी। GS4 और एथिक्स आने से पहले मैं आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहूँगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि एक चीज़ ऐसी बता दो जिसने तुम्हें -120 से +120 पे पहुंचा दिया, दैट इज़ आंसर राइटिंग। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विच आई हैव विटनेस फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। आंसर राइटिंग के मैं समझता हूँ दो कंपोनेंट हैं, पहला है डेली आंसर राइटिंग और दूसरा है जो आप 7 डेज या 15 डेज में एक बार कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट 20 क्वेश्चंस करना चाहिए। इसको मैं कहता हूं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटी एस्पेक्ट। एक बार सचिन अरोरा सर है मेरे मेंटर, उन्होंने मेरे से बोला कि ऐश्वर्य तुम्हारे आंसर्स क्वाइट एवरेज हैं, मतलब जो तुमने पूछा है, जो मैंने पूछा है तुमने बस वही लिखा है। तो मैंने बोला सर वही तो लिखना था। तो बोला नहीं,
तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया इसमें? मैंने बोला सर इतना टाइम कहाँ मिलता है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि एक मंत्र तुम लिख लो अगर तुम्हें टॉपर्स बनना है तो। आफ्टर राइटिंग एवरी आंसर एक बार उस आंसर को देखना और बस दिमाग में एक मिनट के लिए ये सोचना कि इसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ कि एग्जामिनर मुझे आधा नंबर और देते। दैट्स इट। आप सब लोग आंसर लिखोगे, अच्छे लिखोगे, बट हमेशा एक आंसर को एक बार देखना और उसमें डिसाइड करना कि इसमें क्या मैं बना सकता था ऐसा कि एग्जामिनर मुझे आधा नंबर एक्स्ट्रा देता। जैसे एक बार इंदस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन था कि कई सारी साइट्स के बारे में पूछा हुआ था, तो कई लोगों ने लिस्ट बना के लिखा, कई लोगों ने टेबल बना के लिखा। तो मैंने क्या किया, मैप बनाया और मैप पे अलग अलग साइट्स को जो जो मुझे याद थी मैंने अलग अलग जगह प्लॉट कर दिया। अब आप बताओ तीनों में से एग्जामिनर अगर सामने देखेगा तो उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा अपीलिंग लगेगी? सीधी सी बात है, दैट वॉज हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। एंड माई मेक श्योर दिस एग्जाम इज अ रिलेटिव एग्जाम। वो एक जोक है ना कि मैं अपने लेसेस बांध लेता हूँ क्योंकि मेरे पीछे शेर आ रहा है, तो दूसरा पूछता है नहीं है कि मैं शेर तुम्हें पकड़ नहीं लेगा, तो बोला मुझे शेर से तेज थोड़ा ना भागना है, मुझे तो तेरे से तेज भागना है। ये बहुत फेमस जोक है बट ये UPSC में अप्लाई होता है। मुझे 100 में से 100 थोड़े ना लाने हैं, मुझे तो बस तुमसे ज़्यादा लाने हैं। और तुमसे ज़्यादा मैं कैसे लाऊंगा? मैं हर क्वेश्चन में आधा नंबर एक्स्ट्रा लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एक बार उस क्वेश्चन की तरफ देखूंगा कि इस क्वेश्चन में मैं आधा नंबर कैसे ला सकता हूँ। अपने आप दिमाग काम करेगा। कैसे करेगा? तुम वहाँ पर कोशिश करोगे तुम फ्लो चार्ट बना लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाते रहना, तुम यहाँ पर एग्जाम्पल डालो। सीधी सी बात है, चलो इसका और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेट से आपको मैं ABCD लिखने के लिए बोलूँ, तो आई थिंक इस क्लास में सब लोग ABCD लिख देंगे, A से लेकर Z तक। किसी को कोई डाउट है कि नहीं लिख पाएगा कोई ABCD? ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन कि A से लेकर Z तक लिख दो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस समय क्लास में जितने बैठे हैं मैं सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट करूंगा ABCD पे, अब बताओ क्या करोगे? नहीं, अगर मैं ये बोलूं कि ABCD लिखना है, A से लेकर Z तक हर कोई लिख देगा ना, बट ट्रस्ट में अगर मैं ये बोलूं कि 10 सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट करूंगा मैं, अब क्या करोगे? हैंडराइटिंग चेंज करोगे, कुछ कोशिश करेंगे कैलीग्राफी लिखें, उसमें भी काम नहीं बनेगा क्योंकि कई सारे लोग कैलीग्राफी जानते होंगे। फिर कुछ बोलेंगे मैं 3D बनाऊंगा, ठीक है, क्या कर रहे हो? ABCD सबको आती है ना, बट अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि उस ABCD में भी मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकूँ। तो जो ये काम कर रहे हो क्या तुम ये आंसर राइटिंग के लिए नहीं कर सकते? एक बार आंसर खुद देख लो और अपने दोस्त से भी लिखवा लो और बस दोनों को कंपेयर कर लो कि मुझे इससे ज़्यादा लाने हैं, पर दिक्कत क्या है, इसने भी सेम चीज़ पढ़ी है, मैंने भी सेम चीज़ पढ़ी है, तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे आधा नंबर ज़्यादा मिल जाए? वहाँ पर तुम दिमाग अप्लाई करोगे अपना। मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, मैं मैप बना सकता हूँ, ट्रस्ट मी उसके बाद भी तुम कईयों से अच्छा नहीं कर पाओगे। तो अब अगला टॉपिक आता है कि कहाँ से सीखा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक सम ऑफ द पीपल। फर्स्ट इज शुभम कुमार सर, सेकेंड इज विशाखा यादव मैम, आयुषी जैन मैम रैंक 85 लास्ट ईयर, आदित्य भैया। वाई एम आई थैंकिंग दिस पर्सन? इनकी टॉपर कॉपीज देखी मैंने, मैंने इनकी कॉपीज से सीखा कि क्या मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। वो जो आधा नंबर एक्स्ट्रा था वो कहाँ से आ सकता है? अच्छा, आधा मार्क एक्स्ट्रा तो एक पेपर में कितने? 10। 4 पेपर में? 7 पेपर में? 70 IAS और लिस्ट से बाहर, 70 मार्क्स में IAS और लिस्ट से बाहर, सेम कंटेंट। लेकिन एक थॉट दे लिया कि आधा नंबर एक्स्ट्रा कैसे निकाल सकूं। सवाल आता है क्या ये मैं एग्ज़ाम में कर सकता हूं? आंसर इज नहीं। एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है आप पे, उस समय कुछ इनोवेटिव निकल के नहीं आता, उस समय सिर्फ वही चीज़ दिमाग में आती है जो पहले से प्रैक्टिस करी हो। उस पॉइंट पे आते हैं डेली आंसर राइटिंग। आपको कुछ नहीं करना है, 2 आंसर डेली लिखना है। अब जब आप 2 आंसर्स डेली लिखेंगे कितना टाइम ले लोगे? आधा घंटा, 1 घंटा?
अगर आधे घंटे में लिख दिया तो नेक्स्ट आधा घंटा आप सिर्फ इस बात पे करना है कि मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता था। जो डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करतोगे यहाँ पर आ जाती है क्वालिटी। फिर जब आप तेज लिखना शुरू करोगे तो ये चीज़ ऑलरेडी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो ये आती है क्वालिटी, इस पर आ जाते हैं। अब जब आप हर 7 days में कोशिश करते हो कि किसी तरह मैं 20 questions पूरे कर लूँ, यहां से आती है क्वांटिटी। फर्स्ट मेंस जब मैं लिख रहा था तो मुझे किसी ने बोला था कि बेटा हर पेपर में 20 questions होते हैं, 20 के 20 करके आ जाना और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। मैंने बोला गुड, मेरी तो हैंडराइटिंग भी अच्छी है, ऐसा कहते थे लोग। तो मैंने बोला अच्छी हैंडराइटिंग, 20 questions सारे कर दूंगा मैं तो पहले मेंस में ही निकाल दूंगा आईएएस। तो 130 मार्क्स से कट ऑफ रह गई मेरी और उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था मैंने, किसी भी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। ज्योग्राफी दैट इज़ माय ऑप्शनल, उसमें पेपर टू में मेरे 61 मार्क्स थे। अब मैं ये सोच रहा था एग्जामिनर ने 3 नंबर पर मार्क्स भी नहीं दिया, वो भी 20 नंबर वाले क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन में जो लिखा है पूछा है वो तो लिखो। यहाँ पर पहली चीज़ आ जाती है क्वालिटी। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पहली चीज क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करनी पड़ती है। फिर आप क्वालिटी एनहैंसमेंट पे वर्क करते हो। फिर आप वो आधे नंबर के लिए फाइट करते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू करना, यहाँ पे लाना और हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा अपने आप से पूछना कि मैं आधा नंबर एक्स्ट्रा कैसे ला सकता हूँ इसमें, ठीक है। दिस इज़ वो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं ना, दिस इज़ द फाइट ऑफ योर लाइफ्स। तो यस, दिस इज़ द फाइट ऑफ योर लाइफ्स और आधे आधे मार्क्स के लिए लड़ना पड़ेगा, बिकॉज ट्रस्ट मी यू हैव नो आइडिया तुम किससे कम्पीट कर रहे हो। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने क्लास में बैठे लोगों से कम्पीट कर रहे हो, यू हैवंट सीन द पीपल हु हैव गिवन 3-4 attempts। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी जितने जल्दी पता चल जाए लोगों को उतना बेटर होता है। मैं हम्बली बोल सकता हूँ कि आई एम AIR 4 this year, बट आई हैव सीन पीपल हु आर लॉट बेटर देन मी, एफर्ट्स, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस दैट आई एम अबव देम राइट नाउ, बट आई कैन हम्बली से दे आर वेरी गुड पीपल आउट देयर। वो तुम्हें आधा नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं लाने देंगे अपने से, लड़ जाएंगे उसके लिए। मैप्स, करंट अफेयर्स, किसी एरिना में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कई बार बोलते हैं ना कि सर मैं ये छोड़ के चले जाऊँ, अरे बिल्कुल छोड़ के चले जाओ यार, तुम्हारी प्रिपरेशन है, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना आए नहीं आए, बट मैं बता रहा हूँ वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ छोड़ के नहीं आए होंगे, प्रैक्टिस करी होगी, आंसर राइटिंग करी होगी, उसके बाद भी लक फैक्टर साथ में नहीं दे रहा। तो पहले अपना काम पूरा करो कि आई विल डू द प्रिपरेशन टू अ पॉइंट। इम्प्रूव करेंगे, स्लोली इम्प्रूव करेंगे। मैं वो हूँ जिसने गलतियाँ कर करके सीखी हैं, बट अभी भी मैंने कुछ बंदे ऐसे देखे हैं, दे आर ब्रूटल। काफ़ी देर पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ते हैं, लेकिन ये आधे नंबर की फाइट तुम्हें करनी है। ये आ जाता है पहला कंपोनेंट जिसको मैं कहता हूँ क्वालिटी इन्हेंसमेंट, डेली आंसर राइटिंग। अब कहाँ से करोगे, क्वेश्चंस कहीं से भी उठाओ, गेट इट इवैल्यूएटेड। अब ये मत बोलना कि इवैल्यूएशन के लिए कोई नहीं है मेरे पास, बगल वाले को दिखा दो, वो कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये बोल देगा नहीं अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। भाई क्यों अच्छा नहीं लग रहा, बस नहीं लग रहा। ये मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, मैं मेरी बहन मेरे से 4 साल छोटी है, तो ऐसे लिखा मैंने, बहुत अच्छा ऐसे लिखा मेरे हिसाब से। तो मैं उसको पढ़ाने ले गया कि एक बार ये ऐसे पढ़ लेना, तो उसने पढ़ा, मज़ा नहीं आया। मैंने बोला कुछ सजेशंस इसके लिए, बस मज़ा नहीं आया। अरे मैंने कुछ तो बताओ इसके लिए, बस अच्छा नहीं लगा। मैं UPSC की तैयारी नहीं कर रही लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। तुम्हें पता चल गया ना कि कुछ तो कमी है, कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, उसने नहीं बताया। लेकिन मैंने ये एफर्ट लगाया कि मैं उसको कहीं इवेल्यूएट कराऊँ, मुझे ये पता चल गया कि उसमें लिमिटेशंस हैं। आंसर्स लिखो, किसी से भी इवेल्यूएट कराओ, सारे टॉपर्स को टैग करके भेज दो, फेसबुक पे अपलोड कर दो, सारे टॉपर्स को नीचे टैग कर देना, सर चेक करो। एक चेक नहीं करेगा, दो चेक नहीं करेगा, मैं चेक नहीं करूँगा, मैं आलसी आदमी हूँ, कोई तो चेक करेगा, कोई नहीं तो मैम बैठी है, मैम पीछे चेक करेंगी, ठीक है। पॉइंट इज तुम्हें करवाना है चेक,
ठीक है, किसी ना किसी से पर्सपेक्टिव लेना है, उसके बाद भी अगर कोई चेक ना करे सीधा जाओ टॉपर्स कॉपी पे, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, टॉपर्स कॉपी पे जो क्वेश्चंस है ना उसको प्रैक्टिस कर लो, उन्होंने तो ठीक लिखा होगा, कुछ नहीं तो उनके आंसर से एक बार मैच कर लेना। पहले उनका आंसर मत देखो, क्वेश्चन देखो, अपना आंसर लिखा, ब्रेनस्टॉर्म करो कि आधा नंबर एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं, उसके बाद उनका आंसर देख लेना। ट्रस्ट मी, ऐसी चीज़ मिलेगी तुम्हें जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, अरे ये भी हो सकता था इसमें, ठीक है। एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, जब एक महीने तक कंसिस्टेंटली कर लोगे तुम्हारे पास इतने वेपन्स आ चुके होंगे तुम्हारी आर्टिलरी में कि यू कैन डू वंडर्स। 30 दिन आंसर राइटिंग करके तो देखो, ठीक है। ये आ जाता है पहला पार्ट। तो मैं अपने फर्स्ट मीन्स जो मैंने लिखा था मैं यहाँ पे फेल हो गया था, डेली आंसर राइटिंग नहीं करी थी, जिसके कारण मुझे यही नहीं पता था कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, जो आंसर लिखना है वो सही लिखना है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। फिर जब मेरे को ये पता चला कि अच्छा मैंने आंसर अच्छे नहीं लिखे हैं, अच्छा अगर तुम्हें ये देखना हो ना, आई वुड रिक्वेस्ट विजन टू अपलोड माई 2019 कॉपीज एज वेल, इतना मज़ा आएगा उसको पढ़ने में कि लिखा कुछ है, लिख कुछ रहा है। एग्जाम्पल, एक मैं अभी खुद ही की कॉपी पढ़ के हंस रहा था, क्वेश्चन था व्हाट आर द इश्यूज इन साइबर स्पेस, ऐसा करके कुछ बड़ा सा मोनोलॉग था और फिर क्वेश्चन था मेंशन सम ऑफ द इश्यूज इन साइबर स्पेस। मैंने लिखना शुरू किया, स्पेस इज गेटिंग वेरी कंजेस्टेड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ सैटेलाइट्स एंड देयर इज वेरी लॉट ऑफ डेब्रिज इन द स्पेस, कंट्रीज आर कंपीटिंग विद ईच अदर, देयर इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। कोई मार्क्स देगा मेरे को इसमें? क्वेश्चन किस पे था? साइबर स्पेस पे। मैं किस पे लिख रहा हूँ? स्पेस पे। ऐसे ही विजन की एक और कॉपी है GS3 की 2019 की, उसमें उन्होंने पूछा टेल अस अबाउट द यूरिया पॉलिसी ऑफ 2015 और इश्यूज रिलेटेड विद द यूरिया, ऐसा करके कुछ था। मैंने लिख दिया अर्बन एरियाज आर गेटिंग वेरी मच कंजेस्टेड, उधर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, स्लम प्लोरीफ्लेशन ज़्यादा हो रही है। क्या किया मैंने यहाँ पे? अर्बनाइजेशन पे लिख दिया। क्यों लिखा? मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने यूरिया को क्या पढ़ लिया? अर्बन। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में मैं अर्बनाइजेशन ही पढ़ रहा था, तो जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रहा था वो नहीं लिखा मैंने, जो मुझे आता था वो लिखा मैंने। तो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है मैं लिख कुछ और रहा हूँ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, कैसे देगा कोई नंबर, ठीक है। तो पहला काम तो ये करो कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसका आंसर कर दो, आधे नंबर की फाइट कर लो उस क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं दूसरी फाइट पे, ये होती है क्वांटिटी। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्वालिटी बहुत बढ़िया से एनहेंस करी, आराम से क्वेश्चन पढ़ता था, आराम से फ्रेम करता था, आराम से लिखता था। तो GS3 की बात करते हैं, पेपर देखा मैंने, मैं बहुत खुश, सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं, सारे कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं, सब बढ़िया। 15 जो नॉर्म होते हैं ना कि 15 मार्कर से शुरू करते हैं हम, अभी पेपर अटेम्प्टिंग पर भी आ जाएंगे, तो 15 मार्कर से शुरू करते हैं। तो बाय द टाइम आई कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्कर्स, ढाई घंटे निकल चुके थे। अब मेरे पास थे 10 क्वेश्चन 10 मार्कर के, जिसको मेरे को आधे घंटे में लिखना था। कितना मिनट मिलेगा? 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। उसमें भी एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड बता दो। अब जिसको कुछ भी नहीं आता वो इस पर कुछ तो लिख ही सकता है, मेरा बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था, मैं सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और एक आधे पेज में 2 पॉइंट्स लिख पाया, क्योंकि 3 मिनट में मैं उतना ही लिख पाया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। हो सकता है इस 15 मार्कर के जो 10 क्वेश्चंस मैंने अच्छे लिखे हों, अगर एग्जामिनर 15 नंबर का क्वेश्चन है, एवरेज 6 दे रहा है, मुझे हो सकता है 6.5 दे देता। लेकिन जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है जहां एवरेज 4 के आसपास बैठना चाहिए था, अब वो मुझे 1 नंबर भी नहीं देगा। पॉइंट इज, आपको सारे क्वेश्चंस एवरेज लिख के आने, अबो एवरेज लिख के आने। आप 100% किसी क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ब्रूटल फैक्ट।
आप 70% एफिशिएंसी के साथ एक आंसर लिख सकते हैं, बट अगर उस 70% के साथ आपने अक्रॉस द पेपर अक्रॉस द क्वेश्चंस कर दिए, यू आर द टॉपर। श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, क्यों, सामने खड़ा हूं तुम्हारे सारे, कोई भी क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग नहीं था मेरा। अभ्यास की कॉपीज देख लेना मेरी, दैट आर द मोस्ट रेलेवेंट कॉपीज। मार्केट में अभी 2019 की कॉपी भी घूम रही होंगी, प्लीज एक बार डेट देख के रेफर करना, वो देख के समझ में आ जाएगा आपको। इस बार की जो अभ्यास की कॉपी है वो शायद 15 डेज पहले की ही है, आई थिंक दोज आर द मोस्ट रेलेवेंट कॉपीज। कोइंसिडेंट ये है कि अभ्यास में भी मेरे को 450 आए थे और जो फाइनल टेस्ट था मेरा उसमें भी मुझे 450 आए, तो दे आर क्वाइट क्लोज कॉपीज, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। पॉइंट इज कि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, क्यों, इस पर तो फोकस किया पर ये जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन खत्म करना है यहाँ पे फोकस नहीं कर पाया। तो मेरे हर पेपर में जो 10 मार्कर्स थे वो बहुत बैडली कॉम्प्रोमाइज हो गए। इस अटेम्प्ट में मैंने 630 से आई थिंक 670 पे जंप लिया, बट जब इसमें मेरे जीएस में ज्यादा नंबर थे कंपेयर टू दिस, तो आप समझ सकते हो कि क्वालिटी मैंने इंप्रूव कर भी ली तब भी क्योंकि मेरी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई मैं पिछले बार से भी कम नंबर ले आया। तो आपको क्या करना है, हर 7 से 15 डेज में एक बार 20 क्वेश्चन लिख के तो देखो खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये पता चल जाएगा कि कितना लिख सकते हो। 3000 वर्ड लिख सकते हो, डेढ़ पेज लिख सकते हो, दो, अगर मैं तुमसे अभी 15 मार्कर लिखने के लिए बोलूं, 15 मार्कर के लिए 3 पेज दिए जाते हैं, आप लोग 3 पेज भर दोगे, एग्जाम में नहीं भर पाओगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में एक नहीं लिखना, वैसे 20 लिखने हैं, तो वो 20 लिखने यहां से आएंगे। क्वालिटी यहां से इंप्रूव होगी, क्वांटिटी यहां से इंप्रूव होगी। किसी भी टीचर को पकड़ो, चेक करवाओ, बेशरम बन जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फिश होना पड़ता है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को पकड़ो, चेक करो भाई, मेरे फ्रेंड्स नहीं चेक करते थे, मैं ज़बरदस्ती चेक करवाता था, जब तक चेक नहीं करेगा दरवाज़ा नहीं खोलूँगा मैं, इस टाइप से लग जाओ, ठीक है। यू हैव टू गेट इट इवेल्यूएटेड बाय सम जेन्युइन पर्संस, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के केस में मैं यही कहूँगा कि डेली आंसर राइटिंग के थ्रू आपको क्वालिटी इन्हेंसमेंट करना है, एंड जो आपके क्वान्टिटी इन्हेंसमेंट है ये इन क्वेश्चन के साथ करना है। जैसे जैसे एग्जाम आती रहेगी आप इम्प्रूव करते जाएंगे। सचिन सर मेरे को एक बार बोले थे कि मैं उनकी जो स्टूडेंट थी वो 5 मिनट पहले पेपर खत के हेड डाउन करके रुक जाती थी, और ये तब था जब मेरे ये 10 क्वेश्चन आखिरी आधे घंटे में होते थे, तो मैंने बोला सर मजाक मत करो, क्या है ये। इस बार ज्योग्राफी का जब पेपर 2 लिख के मैं ख़त्म कर रहा था, 5 मिनट्स पहले मैंने अपना पेपर कर दिया, ये पेन था उसको ऐसे रखा और मैंने बोला बस दैट वॉज द बेस्ट आई कुड हैव डन दिस ईयर, क्योंकि मैंने क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी, मैंने क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी। मेरे पापा ने मुझसे रिजल्ट के 2 दिन पहले पूछा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्यों नर्वस हो, मैंने बोला रिजल्ट 2 दिन में कभी भी आ सकता है। बोला हैव यू गिवन योर बेस्ट, मैंने बोला दिस टाइम आई हैव गिवन माई बेस्ट, अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ये सिनेरियो था मेरे यहाँ रिजल्ट के 2 दिन पहले, एंड ही वॉज मोर सेटिस्फाइड देन मी आफ्टर हियरिंग दिस, क्योंकि पिछली 2 बार से भी वो मुझसे यही पूछने आए थे कि हैव यू गिवन योर बेस्ट। पहले मेंस में मैंने ये बोल दिया नो आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट, क्योंकि मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। अगली बार भी वो मेरे से पूछने आए हैव यू गिवन योर बेस्ट, नहीं मेरी क्वान्टिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। इस बार वो पूछने आए हैव यू गिवन योर बेस्ट, यस आई हैव गिवन माई बेस्ट, क्यों, क्योंकि जितना मैं कर सकता था मैंने क्वालिटी इंप्रूव करी, मैंने क्वांटिटी इंप्रूव करी, यस आई हैव गिवन माय बेस्ट। वो बोले अब मेरे को रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। दैट वाज अ रिलीफ फॉर हिम, दैट वाज अ रिलीफ फॉर मी। इस एग्जाम के बीच में कभी भी डीमोटिवेट हो, कभी भी ऐसा पॉइंट आए कि तुम्हें लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आस्क योरसेल्फ दिस, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हैव आई गिवन माय बेस्ट। अगर अंदर से आवाज आ जाए यस आई हैव गिवन माय बेस्ट, छोड़ दो, लेकिन मैं बोलूंगा जब तक आपकी प्रिपरेशन खत्म नहीं होगी ये आवाज नहीं आएगी। अगर आपकी आवाज आ गई हैव यू गिवन योर बेस्ट, मैं बता रहा हूं आपको रिग्रेट फील नहीं होगा उसके बाद। तो दी ये भी मैं बात के लिए रखने वाला था बट आई थिंक फ्लो में निकल गया ये। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन हैव यू गिवन योर बेस्ट,
जितना भी डीमोटिवेटेड हो गए, अगर तुम्हारा आंसर अंदर से निकल गया नो आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट आई कैन डू मोर, इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम कितना कर सकते हो, सामने वाले को नहीं पता। तीन अटेम्प्ट के बाद पूरी दुनिया बोलने लगेगी कि भाई कुछ और कर लो, अब और कितना आगे बढ़ोगे, क्या करोगे, ऐसा नहीं। तो मैंने बोला उस समय दोबारा मैंने पूछा कि क्या मेरे अंदर कुछ और है जो मैं कर सकता था, हाँ मैं पहले मैं क्वालिटी इंप्रूव कर सकता था, मैं दूसरे में क्वांटिटी इंप्रूव कर सकता था, अब कुछ ऐसा है जो कर सकता था, नहीं आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड आई लकीली गॉट द रिजल्ट दिस ईयर। तो आंसर राइटिंग के लिए यही है कि पहला कंपोनेंट आपको क्वालिटी का, दूसरे आपको क्वांटिटी का, इन दो चीज़ों को कंबाइन कर लो एंड आई थिंक आंसर राइटिंग इज डन। गेट इट इवेल्युएटेड फ्रीक्वेंटली। GS1, GS2, GS3 के अगर कोई भी इश्यूज हैं तो पूछ सकते हो, या अभी तक किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो वो पूछ सकते हैं। एनीवन? चलो ले लो टाइम, एक मिनट, अभी आएंगे। अच्छा, डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा और ट्रस्ट मी ये एग्जांपल ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। नेवर ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। सो दिस स्टोरी इज अबाउट फ्रॉम 2017, ठीक है। हम फाउंडेशन कोर्स में साथ में बैठे हुए थे। अ पर्सन वॉज 3 सीट्स अहेड ऑफ मी इन द B15 बैच इन द वाचीराम फाउंडेशन कोर्स। उसने एक क्वेश्चन पूछा टीचर से, मैं नीचे देख रहा था, मैंने देखा भी नहीं पंदा कौन है। मैंने बोला यार ये तो मेरे को आता है, क्या पूछ रहा है ये। तो दूसरा बोला कि नहीं आता होगा उसको, पूछने दे। ही आस्क्ड गुड क्वेश्चन, उसके हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा, वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछता था एंड ही स्टार्टिंग में थोड़े से अंडरस्टैंडिंग था, बाद में उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी इंप्रूव होती गई, ही केप्ट ऑन इम्प्रूविंग दैट ईयर। तो 2017 में जब पहला, उसके बाद 18 में मैंने पहला प्रिलिम्स दिया तो मेरा प्रिलिम्स नहीं हुआ। 2019 में क्या एंड तक रिजल्ट आ गया था इसका, शायद मेंस जब हुआ था तो 2019 के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ गया था। दैट पर्सन वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 कनिष्क कटारिया। तो मैं, मेरा रूममेट बोला कि यार ये तो बस 2-3 सीट्स आगे बैठता था, एंड उसके अगर मेंस के मार्क्स देख लोगे ना, मतलब यू विल गेट गूज़बम्स। फर्स्ट और सेकंड में 50 मार्क्स का डिफरेंस है उसकी और सेकंड जो रैंकर थी, हालांकि इस बार भी है, बट उस समय दैट वाज अ वेरी बिग डील क्योंकि उस समय मार्किंग ऑन द हायर साइड हल्की सी होती थी। सो कैन यू इमेजिन अ पर्सन दैट इम्प्रूव किया उसने, ही हैज़ द ब्रिलियंट प्रोफाइल, नो डाउट अबाउट इट, बट ही डिस्पाइट दैट लुक एट हिज मॉडेस्टी, लुक एट हिज ह्यूमिलिटी, वो कभी भी क्वेश्चन पूछने में डरा नहीं, ही ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चन। तो आप लोग भी, मैं एक सजेशन है, फर्स्ट अटेम्प्टर से तो, सेकेंड अटेम्प्टर से तो लर्न कर रहे हो ना, एक सेइंग है कि अ जीनियस बिकम्स अ फूल व्हेन ही रियलाइजेज दैट ही इज अ जीनियस, एंड अ फूल्स बिकम अ जीनियस व्हेन ही रियलाइजेज दैट ही इज अ फूल। क्योंकि अगर एक बंदे को पता चल गया कि वो फूल है, ही विल लर्न एंड ही विल बिकम अ जीनियस। और एक जीनियस को जिस दिन पता चल गया कि वो जीनियस है, ही विल थिंक आई एम बेटर देन दी अदर्स, वो सीखना छोड़ देगा, ही विल केप्ट ऑन डिटीरियोरेटिंग एंड ही विल बिकम अ फूल वन डे। तो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हैं, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चंस, इसके बाद आगे शुरू करेंगे। बताइए, पार्डन, what should be the topic for answer writing, whatever you study? आप एक बात बताइए, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें एक साथ पढ़ देंगे सर? इट मींस सर द क्वेश्चन रिलेटेड टू PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सर द करंटली इन न्यूज़, सर ऑन व्हिच टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग, एक बात बताइए, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कोई कुछ टाइम बाद ऐसा कोई टॉपिक होगा जो आपके ग्रिप पे आ जाएगा? अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके आ सकते हैं, yes, sir. बढ़िया से ग्रिप बनेगी, yes, PYQs उठा लीजिए, क्या उस पर कोई क्वेश्चन पूछा है उस पर आंसर लिख सकते हैं। कई बार डेली आंसर राइटिंग ग्रुप भी चलते हैं अलग अलग जगह पे, घुस जाओ आंसर लिखो, किसी को फ़ोन करके परेशान कर दो, भाई चेक करो मेरे आंसर, मुझे नहीं पता,
मैं बता रहा हूँ, एक आंसर राइटिंग ग्रुप पे 4 दिन आप आंसर लिख लोगे, 5वें दिन कोई ना कोई चेक कर देगा कि यार एक दिन तो चेक कर दो, रोज लिख रहा है वो. परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी टॉपिक पे लिखो, नो मैटर व्हाट. सर, इट शुड बी गवर्नमेंट स्कीम्स. यू कैन गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर आज कुछ लॉन्च हुई है तो अपने मन से ही क्वेश्चन बना लो ना कि व्हाट इज दिस गवर्नमेंट स्कीम, डू यू थिंक इट कैन हेल्प इन व्हाट एवर इट्स टारगेट इज, एमिलियोरेटिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर. इट कैन बी दैट लाइक दैट. लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम लिखोगे, तुम याद करोगे, बहुत बार रिविजन होगा, उसके बाद क्या करोगे, आधे मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा फाइट करना है. ठीक है, ये कभी मत भूलना. ठीक है, दिस इज फाइट. ये कोई ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं है कि 90% लेकर निकल जाओगे. दिस इज अ फाइट. आप प्री में फेल हो, मेंस में फेल हो, इंटरव्यू में फेल हो, अगला प्रीलिम्स लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो पहली फाइट ही आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए. तो कीप ऑन थिंकिंग क्वेश्चंस, इसके बाद हम ऐसे. यस, हाय सर, कांग्रेचुलेशंस. सो माय क्वेश्चन वाज, हाउ डू यू डिवाइड योर डे व्हेन यू प्रिपेयर, लाइक व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, हाउ डू यू डिवाइड योर डे, एंड हाउ डू यू डिवाइड योर डे व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. ओके, यस. इसके लिए मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द सिलेबस, जो मैंने बिल्कुल प्राइम बोला कि न्यूज़पेपर एंड सिलेबस. नाउ आफ्टर डिवाइडिंग द सिलेबस यू विल डिवाइड योर टाइम. तो आप क्या करेंगे, पहले एक लंबा प्रोग्राम बनाएंगे कि अच्छा, एक साल का मेरे पास टाइम है, आई विल कीप 3 मंथ्स फॉर रिविजन, 9 मंथ्स है, आई विल कीप. अब इसमें 1 महीना मेरा हिस्ट्री, 1 महीना पॉलिटी. आप सब्जेक्ट्स के हिसाब से या तो GS1 GS2 के हिसाब से बांट लीजिए, या हिस्ट्री पॉलिटी के हिसाब से बांट लीजिए. जब आप एक बार प्लान्स बांट लेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए. उसके बाद आप मीडियम टर्म प्लान्स पे आ जाइए कि अच्छा, इसको हिस्ट्री के अंदर एंशेंट हिस्ट्री ये है मेरा, मॉडर्न हिस्ट्री ये है, इनको मैं इतने इतने दिन देंगे. उसके बाद आप डेली लेवल प्लान्स पे आ जाइए. डेली लेवल के प्लान्स हो गए, आपका उस दिन का टारगेट होना चाहिए कि वो ख़त्म करना है मुझे. डेली लेवल का प्लान जिस दिन आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, रात को सोने से पहले बहुत अच्छी नींद आती है, बता रहा हूँ मैं. आपने अभी प्लान ऐसा अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि 20 घंटे पढ़ के भी प्लान ख़त्म नहीं हो रहा. इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर बंदे की स्ट्रैटेजी यूनिक होती है, उसको खुद एनालाइज करना है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ज्योग्राफी जीएस पढ़ना हो, मैं 3-4 दिन भी नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल है ज्योग्राफी, आई हैव टू स्टडी इट देयर. मगर अगर मुझे हिस्ट्री देना हो, मुझे पता है मैं हिस्ट्री में वीक हूँ, मैं ज़्यादा दिन दूंगा उसको. आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ हो सकती है, तो आप प्लानिंग कौन करेगा? आप करोगे. माई मेंटर ऑल्सो टोल्ड मी कि नेवर गिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन टू अदर्स. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि दूसरों पे छोड़ दे कि ये करवा देंगे. नहीं होता है ऐसा. यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रिपरेशन. कोई दूसरा आके नहीं आएगा. बाहर से सब मोटिवेट कर देंगे, सब कर देंगे, पर तुम्हारे लिए पढ़ने कोई नहीं आएगा. तो जब पढ़ना तुमने, तो कैसे पढ़ना है ये भी तो तुम ही डिसाइड करोगे ना. दैट्स इट. तो प्लान्स कैसे बनेंगे? प्लान्स सिलेबस के हिसाब से बनेंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म प्लान्स डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगे. उसमें आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल सकते हो. जैसे पहला मैंने क्या बोला था, न्यूज़पेपर 45 मिनट्स, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लान्स, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मूवी देख के सो जाऊंगा मैं. क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन का प्लान कंप्लीट कर लिया. मगर ऐसा भी प्लान नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे में हो गया, बाकी पूरे दिन मजे कर रहे हो. अगर रियलिस्टिक हो गए तो प्लान 8-9 घंटे के हिसाब से बनाओगे. किसी दिन पूरा हो जाएगा, किसी दिन पूरा नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप प्रोग्रेस करते चलोगे. ऐसा नहीं हो सकता कि 5 दिन पढ़ाई नहीं करके अगले दिन 16-16 घंटे की पढ़ाई करोगे. कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस एग्जामिनेशन. तो प्लानिंग आपके हाथ में, कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी आपके हाथ में. एवरी पर्सन इज यूनिक, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एंड दैट इज द की फॉर प्लानिंग. Yes? I have one more question. How did you decide on your optional to be geography? अभी आ रहा हूँ उस पर. That is a very good story and I want to discuss it elaborately. अभी आते हैं उस पर. सर, हाँ जी सर, एज वी हम डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं और डेली कुछ ना कुछ एड ऑन होता चला जाता है हम लोगों के स्टडी में. तो सर, वो सारी चीज़ें कैसे मतलब रिवाइज करें कि वो एकदम इनकलकेट हो जाए हमारे माइंड में, कि प्रोड्यूस करने में हमको ज़्यादा थिंक ना करना पड़े. ऐसे डेली हम कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नया चीज़ आता है, डेट, फैक्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, तो उस चीज़ को कैसे मतलब एक साल की जर्नी में कैसे रिवीजन के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू इनकलकेट कर पाए अपने अंदर. आप बताओ कहाँ से पढ़ते हो, रोज़ नया कहाँ से पढ़ते हो? जस्ट लाइक बुक. अगर पॉलिटी हो गया, हमने एम लक्ष्मीकांत शुरू करी, मैं एकदम बेसिक से हूँ, मतलब जस्ट स्टार्टेड,
तो मैं डेली कुछ ना कुछ उसमें नया पढ़ता जाऊंगा, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3। अब ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं, फिर ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा, तो इतना सारा स्टैटिक पोर्शन हो जाता है कि उसको पूरी तरीके से अपने अंदर रखना बहुत, मतलब बहुत बड़ा काम लगता है। तो वो उस चीज़ को कैसे करें? अच्छा, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर देखा है आपने? यस। उसके टैगलाइन क्या है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। वाओ, सबको आती है? कैसे, व्हाई? अच्छा, समझे क्या बोला? बार बार उस चीज़ को रिवाइज, वो बार बार हैमर होती गई है आपके टीवी पे आई वो चीज़, बार बार हैमर होते जा रही है, तो भूले नहीं, आपको याद भी नहीं आखिरी बार आपने ऐड कब देखा था, मगर कितनी बार रिपीट हो गया वो दिमाग में आ गया। जब भी आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना, दिस इज फॉर बिगिनर्स, स्पेशली फॉर यू ऑल, बिकॉज यू हैव नाउ स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, कीप संडे फॉर रिविजन, या फिर कीप 1 आवर इन द डे फॉर रिविजन। सर कैन यू एलैबोरेट? एलैबोरेट, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़िए आज? यस सर। ज्योग्राफी पढ़िए आज? यस सर। दिन में सोने से पहले रात को 1 घंटे बस ये सोच लो कि क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज कर लो। अगले दिन सुबह उठे, एक दिन एक न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले 1 दिन पहले क्या पढ़ा था रिवाइज कर लो। संडे को ये काम पूरे 7 जो 6 डेज था मेरा उसके लिए करेंगे। अभी मैंने क्या किया, 1 दिन का पहला रिविजन रात को किया, उसका रिविजन मैंने अगले दिन सुबह कर लिया, उस दिन का काम खत्म। 7 डेज का काम मैं संडे को कर लूँगा। तुम कोई भी दिन पकड़ सकते हो, ठीक है। संडे के दिन मैं 7 दिन का रिविजन कर लूँगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आएगी, मंथ एंड में मैं खुद अपने आप को इवेल्युएट करूँगा कि मैंने कितना किया, कितना मेरे दिमाग में बैठा, कितना नहीं है। कैसे करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, एवरी पर्सन इज यूनिक। मैंने बता दिया अपना कि रिविजन इज द की, और जितना कम चीज़ें होंगी उतना बेटर रहेगा। अभी आप सब उस स्टेज पे हो वेर यू आर एट अ फाउंडेशन स्टेज, आपको चीज़ें पढ़नी है, तो आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे तो लगेगा ये कैसे याद रहेगा, रिविजन से याद रहेगा। हिस्ट्री भी पढ़ोगे, सही बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। जब सेक्शनल टेस्ट लगाने जाते हैं ना, तो 1 दिन पहले लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, 150 आ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, ठीक है। सेम टेस्ट आप 2 महीने बाद लगवा दो, मैं बता रहा हूँ टॉपर भी 100 क्रॉस नहीं कर पाते हैं उसमें, रिविजन नहीं करते, ठीक है। रिविजन इज द की। लक्ष्मीकांत आप पहली बार पढ़ोगे टाइम लगेगा, पहली बार रिवाइज करोगे टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स जो अदर टॉपर्स हैं 3 दिन में लक्ष्मीकांत पूरी ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑन आवर 15th, 16th, आई डोंट नो कौन से रिविजन पर हैं हम, बट अब हमारे दिमाग में लक्ष्मीकांत छपी हुई है, अच्छा इस पेज में ये था, पेज देख के याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि रेपिटिशन हुआ है। आपके लिए भी यही होगा कि जितना रेपिटिशन होगा जितना रिविजन होगा। रिविजन इज द की, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, रिविजन इज द की इन दिस एग्जाम। ये मैथ्स नहीं है कि सॉल्व कर दोगे, दिस इज कुछ याद कर रहे हो तो वो रिवाइज करना पड़ेगा, दैट इज द की। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर, आपने एथिक्स कहाँ से कवर किया था? बता रहा हूँ अभी। डन, चलिए अब आ जाते हैं। एथिक्स,
चलिए, एथिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो पेपर भी आता है वो भी अलग तरीके का आता है और ये बहुत लंबा पेपर आता है। एथिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ख़त्म कैसे किया जाए इस पेपर को। पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस में कुछ एक्सप्लिसिट टॉपिक्स दे रखे हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। आपको भी इसमें भी वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, इनके ऊपर नोट्स तैयार करने हैं। कई बार क्या है, लोग आपको बहुत कुछ पढ़ा देंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग नोट्स से भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएंगे। फॉर दिस आई रिफर्ड लेक्सिकन, थोड़ी सी लेक्सिकन देखे थे और थोड़े से विजन आई एस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो देखा था। इसके बेसिस पे सिर्फ एक कॉपी बनाई थी मैंने जिसमें पहले एक्सप्लिसिट टॉपिक्स के ऊपर सब कुछ था। फिर आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी एक्सप्लिसिट टॉपिक से नहीं आते हैं, वो किसी भी तरीके से बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आया था कि साइबर स्पेस में, साइबर सिक्योर स्पेस में एथिक्स का क्या लेना देना है। नाउ दिस इज अ प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ी थिंकिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक काम जो आप कर सकते हैं एथिक्स में एक्स्ट्रा, पेपर शुरू हुआ है एथिक्स का, कई सारी वैल्यूज पूछी गई हैं, कुछ नोलन कम्युनिटी की भी वैल्यूज हैं। 2013 से लेकर अभी तक सारे पेपर देख डालो और उसमें कई सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, कई सारी वैल्यूज मिलेंगी, कई सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, कई सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे। कुछ नहीं करना, हर कंसेप्ट पे एक डेफिनेशन, चार एग्जाम्पल्स, एक डेफिनेशन चार एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। एग्जाम्पल कहाँ से तैयार करोगे, समझदार हो रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो चलो कहाँ से शुरू करोगे, न्यूज़पेपर से, आई डोंट लाइक दैट जूस इसलिए हो रहा। चलिए एक्सप्लिसिट टॉपिक्स, अरे सर लाइएगा मत नया जूस। तो एक्सप्लिसिट टॉपिक्स जो थे इमोशनल इंटेलिजेंस एटीट्यूड, आप इसका क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट एक एक पेज पे बनाएंगे, चार एग्जांपल्स निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, न्यूज़पेपर से निकालेंगे। कुछ सेलिब्रिटीज़ जैसे विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री पे भी आपको एथिक्स पे कई सारे केस स्टडीज एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आई प्रिपेयर्ड अराउंड 150 to 200 एग्जाम्पल्स। अब बताओ ये कहाँ पर होंगे मेरे, वो जो न्यूज़पेपर वाली कॉपी थी ना जिसमें मेन से 65 भी थे, उसके पीछे एथिक्स के एग्जांपल्स आ गए थे। ये स्ट्रांग हो गए ना एग्जांपल्स, इसके बगल में आप, इसके बगल में आप ये लिख सकते हैं कि मैं कौन सी वैल्यू में यूज होगा वो कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप उठा लो उसको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के बारे में था कि जो आपके स्टीव जॉब्स थे वो अपने एक बार उन आईपॉड, उनके कैंडिडेट्स ने जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने आईपॉड ला कर दिखाया, तो ही सेड कि इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट करना है, तो बोला सर इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो नहीं सकता, तो उन्होंने आईपॉड लिया और पानी में फेंक दिया और उसमें बबल्स आने शुरू हो गए। तो ही सेड देखो बबल्स आ रहे हैं, मतलब स्पेस है इसमें, एयर थी, ठीक है। ये कहानी है, सिंपल सी कहानी है। इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं, लीडरशिप में यूज़ कर सकता हूँ कि ही मोटिवेटेड हिज एम्प्लॉयज, एफिशिएंसी में यूज़ कर सकता हूँ, इनोवेटिवनेस में यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो एक ही एग्जांपल को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे एग्जांपल्स उठाने, कहाँ से उठाने, न्यूज़पेपर से उठाने। न्यूज़पेपर में जब भी कोई आप स्टोरीज देखेंगे आपका दिमाग खुद काम करना चाहिए कि मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। एथिक्स के केस में ये थोड़ा सा देरी से आता है, क्यों, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है। एथिक्स का सिलेबस आप लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, तो सिलेबस मैं बता रहा हूँ अभी भी कोई जाके पढ़ेगा नहीं एथिक्स का सिलेबस, GS3 तक सब थक जाएंगे, GS4 बोला बाद में पढ़ लेंगे, यही होगा। तो एथिक्स के केस में आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अच्छे से करने हैं ताकि आप जब इसको बार बार सप्लीमेंट कर सकें चीज़ों से तो इम्प्रूव होता चले जाए। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स। एक्सप्लिसिट टॉपिक्स के क्या करोगे, आप सिंगल पेज नोट्स बनाओगे। कहाँ से बना सकते हो, लेक्सिकन बुक से बना लो, नोट्स विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से बना दो। मैंने क्या बोला, उसके बाद जो 2013 के क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से सारे कीवर्ड्स उठा लो, कई बार आपको कोई नई वैल्यूज़ पता चलेंगी। जैसे इसी बार था कि 10 वैल्यूज़ पूछ रही थी,
तो हमारी क्योंकि वैल्यूज तैयार है, वैल्यूज उठाई, बगल में एक एग्जाम्पल खेला, बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, आते हैं. फॉर दिस आई थिंक यू शुड सी विशाखा यादव मैम कॉपी ऑफ एथिक्स, शी हैड स्कोर्ड अराउंड 160 इन एथिक्स. देखना बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स यूज कर रखे हैं. और भी जिनके एथिक्स में आप देखोगे, दिव्या मिश्रा मैम के भी एथिक्स में बहुत अच्छे थे. यू विल सी कि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से यूज किए जाते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन मटेरियल बढ़िया से बढ़िया होता जाता है. तो एक्सप्लिसिट टॉपिक फॉर सिंगल पेज नोट्स, वैल्यूज जितने भी कीवर्ड्स हैं वहां से उठाओगे, एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल्स पर वैल्यू. ठीक है, मैंने यहां पर 0 आईएएस के जो नोट्स थे उनकी एक पीडीएफ आई थी, इनकी एक पीडीएफ थी जिसमें हर एक वैल्यूज के बाद 4 एग्जाम्पल्स दिए थे. एक कलाम आईएएस की भी पीडीएफ काफी सर्कुलेट हो रही थी, एग्जाम्पल्स थे. तो उस एग्जाम्पल्स को मैंने अपने तरीके से अपनी कॉपी में लिख लिया था कि अगर ये यहां पर ऐसे पूछा जाएगा तो मैं ये करूंगा. दैट इज इट. 7 डेज एथिक्स प्रिपरेशन इज खत्म कंटेंट वाइज. ठीक है, अब जब आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो वहां पर एक और कंपोनेंट आता है जिसको कहते हैं केस स्टडीज. केस स्टडी में कई बार क्या होता है, एक बड़ी सी केस स्टडी होती है, उसमें लास्ट में पूछा जाता है कि डू यू थिंक इट इज एथिकल टू डू सच सच थिंग्स. आंसर आप लिखोगे नो. मिलेंगे नंबर? नहीं मिलेंगे. एक दो पॉइंट लिखोगे? नहीं मिलेंगे. 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो 4 पेज भरने होते हैं उसमें, कई बार 5 भी हो जाते हैं अगर मिस वो प्रिंट इधर की तरफ आ गया तो. वो कैसे आप कर सकते हो, ये सॉरी, टॉपर्स कॉपी आप उठाना और देखो वो केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करते हैं. मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप क्विकली इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट करके इस एग्जाम को निकाल सकें. तो टॉपर्स कॉपी में आप ये तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे यूज कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली फोकस ऑन केस स्टडीज, कि केस स्टडीज कैसे अप्रोच की जाती है. थोड़ा सा एक मैकेनिस्टिक व्यू होता है केस स्टडीज का, कि आपको थोड़े स्टेक होल्डर्स बताने होते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो बताना होता है, कई बार मेरिट्स डीमेरिट्स बताने होते हैं. ये आप जब अलग अलग कॉपीज देखेंगे वहां से पता चलेगा. और अब यहां से जो चीजें पढ़ी हैं आपने एक्सप्लिसिट टॉपिक से, ट्राई टू इंप्लीमेंट देम, ट्राई टू पुट कोट्स. ठीक है, यहां से आप जब आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, एथिक्स आपकी इंप्रूव होती जाएगी. सेकेंड एस्पेक्ट, आंसर राइटिंग. एथिक्स का पेपर लंबा आता है, नो डाउट. अगर आप ऑन एन एवरेज 170 मिनट उस पर ले रहे हैं तो एथिक्स 175 मिनट में ख़त्म होगा. तो एथिक्स का ही एक ऐसा पेपर था जिसको मैंने बिल्कुल एंड तक लिखता रहा था. प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी एथिक्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरलिंकेजेस ज़्यादा हैं इसमें, बट ये शॉर्टेस्ट वे है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं केस स्टडीज़ के लिए, रिफर्ड टॉपर कॉपीज. ठीक है, अब यहीं पर मैं उस पर आ जाता हूँ, ऐसे, क्योंकि जीएस की तैयारी आपकी खत्म हो गई, ट्रस्ट में ऐसे का कंटेंट हो गया है. कंटेंट इज डन. एथिक्स से जो आप एग्जांपल्स उठाओगे, एक बार आप ये भी देखोगे कि यहां पे एग्जांपल्स कैसे डाले जा सकते हैं. इसलिए मैंने इन दोनों को लास्ट के लिए रखा था. जो एग्जांपल्स आप वहां पे प्रिपेयर करेंगे वही एग्जांपल्स आपके ऐसे में यूज होंगे. ऐसे में 2-3 चीजें और करनी है आपको, कोट से याद करने हैं, एनेक्डोट से याद करने हैं. आप जब एनेक्डोट्स बनाते हैं तो 10-15 एनेक्डोट्स अगर बन गए आपके, एनेक्डोट समझ में आता है आप लोगों को क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी से शुरू करते हैं. चलो बताता हूँ. एक था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. ऐसे का पेपर देखा तो था, तो ये पहला टॉपिक था. दिस वॉज समथिंग दैट आई अटेम्प्टेड देयर. ठीक है, अब मेरी स्टोरी कैसे शुरू होती है, कि अ यंग गर्ल 10-year-old अपलोड्स अ पिक ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड नाउ शी इज़ ईगरली वेटिंग फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स. तो नाउ द कमेंट्स स्टार्ट कमिंग. 1% कमेंट्स पॉजिटिवली, 2% कमेंट्स पॉजिटिवली, 3rd person ऑल्सो कमेंट्स पॉजिटिव. नाउ शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी दैट पॉजिटिव कमेंट्स आर नाउ कमिंग. नाउ सडनली अ बैड कमेंट केम and she started crying. She went to her mother to ask her the same thing. Uski mother ko samajh mein nahi aaya ki what is the scenario, but this scenario reflects that the process of the self discovery
जो उसको बाहर से सीखनी चाहिए थी वो एक टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स प्लेटफॉर्म से सीखना शुरू कर दिया उसने. व्हाट वाज दिस? मैंने एक स्टोरी शुरू करी, उस स्टोरी को मैंने अपने एसे से लिंक करा, अब मैं आगे शुरू करूंगा. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एस एनेक्डोट. जब ऐसे की आप तैयारी करोगे तो ऐसे कई सारी टॉपर कॉपीज देखोगे आप जिसमें उन लोगों ने एनेक्डोट से शुरू कर रखा होगा. स्टार्ट कलेक्टिंग देम. ठीक है, मैम भी आपको कई, स्मृति मैम भी बताएंगे, उनके भी लेक्चर्स आप देखेंगे, एनेक्डोट्स कई सारे मिलेंगे, न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं. दिमाग थोड़ा सा ओपन रखना है कि क्या मैं इसको अलग अलग जगह यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल्स, कोट्स, एनेक्डोट्स, टॉपर्स कॉपी आपको इनसाइट दे देगी कि ऐसे कैसे लिखना होता है. जब आप मेंस की तैयारी बिल्कुल फुल मोड में शुरू करो, ट्राई कि संडे टू संडे एक ऐसे लिख लो. ज़्यादातर बच्चे ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, बट ऐसे में भी मेरे हिसाब से स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट काफ़ी होता है. एक ऐसे लिखो संडे टू संडे एंड गेट इट इवेल्यूएटेड. जैसे मैंने बताया ना, मेरे को कोई नहीं मिला तो मैंने छोटी बहन को ही पकड़ लिया, उसको मज़ा नहीं आया, बट एटलीस्ट मुझे समझ में आ गया कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, कुछ अच्छा कर सकता हूँ. मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए, उसने बोला हाँ अब ठीक लग रहा है. मैंने बोला क्या ठीक लग रहा है? बोला वो मुझे नहीं पता पर ठीक लग रहा है. ठीक है, तो मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया कि सिर्फ मुझे इतना पता चल गया था कि कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे, और वो उसने थोड़ा सा वर्क किया. आप टॉपर कॉपीज को एनालाइज करिए कि यार इन्होंने ये कैसे लिखा. और सही बताऊं, शॉर्टेस्ट वे, कहाँ ढूंढने जाओगे कोट्स? इन्हीं से उठा लो. ठीक है, मैंने क्या बोला था? मेरे से नहीं होता था ज़्यादा काम, तो ऐसे की तैयारी ऐसे ही करी थी, 100-150 कॉपियाँ निकाल ली थी अलग अलग प्लेटफॉर्म से. उसी में से जो, ट्रस्ट मी, इस बार एनेक्डोट डाला था, कोट्स डाले थे, स्टोरी डाली थी, सब चुराया हुआ था, कुछ भी अपना नहीं था, बस ऐसे दिल से लिखा था, बाकी सब कंटेंट सारा चुराया हुआ था. ट्राई टू राइट एन ऐसे वीकली, संडे टू संडे एक ऐसे लिखिए, गेट इट इवेल्यूएटेड. थोड़ा सा राइटिंग इनर्शिया ब्रेक होगा आपका, इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली. चार ऐसे लिखे बाय द एंड ऑफ द मंथ, थोड़ा ऐसे में आपका इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट फॉर ऐसे. मैं ये नहीं बोला कि दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रैटेजी, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी. अगर समय कम मिले, किसी को 2-3 महीने पढ़ने का मन करे, तो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं. शॉर्टकट ही बता रहा हूँ सारे, कि बुक्स ज़्यादा नहीं, एक्सप्लिसिट सिलेबस से आप स्टिक रहोगे, बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत रैशनल वे में आप पढ़ना शुरू कर दोगे. तो एथिक्स एंड एसे के लिए तो बस ये सिंपल चीज़ें, इग्नोर मत करना, दिस आर रैंक मेकिंग सब्जेक्ट्स. GS 1, 2, 3 तो आपको लिस्ट में डालेंगे, ये रैंक बना देंगे आपकी. इस बार एक बंदे को जानता हूँ जो शायद AIR 2 होता अगर उसके एसे में मेरे बराबर ही आ गए होते 130. ठीक है, ऐसे नहीं, इतना भी इतना मार्जिन आ जाता है. और एथिक्स में भी श्रुति शर्मा इज 50 मार्क्स अबव द सेकंड रैंक. एथिक्स में शी गॉट 139, जबकि मैंने 126 तक भी किसी को नहीं देखा, तो मेरे तो 114 थे. बहुत सिग्निफिकेंट जंप. तो अगर ऐसे केस में कोई दूसरी जगह पे आप कंपनसेट नहीं, कहीं वीक पड़ गए, तो ये सब्जेक्ट्स कंपनसेट भी तो कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको सर्च सब चीज़ अच्छे से करनी है, बट जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे सिक्सर भी मारना है. दीज टू आर सच दैट सब्जेक्ट्स. जितने अच्छे एग्जाम्पल्स, एक ही लाइन बोलूँगा एथिक्स के लिए, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स उतना बढ़िया स्कोर, पर्सनल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, माइट नॉट वर्क फॉर सम, बट मैंने देखा जितने अच्छे एग्जाम्पल, जितने जेन्युइन एग्जाम्पल्स होते हैं. अब वही बात आ जाती है कि एक ही डॉक्यूमेंट सब पढ़ रहे हैं, जैसे जो मैंने अभी वो बताया कि कोई एक डॉक्यूमेंट से आप एग्जाम्पल्स उठा लो, सब वही लिख के आ जाएंगे. और होता है जब आप मेंस के वेल प्रिपेयर्ड बंदों के साथ कंपीट करते हैं ना, तो एक कॉपी आई उसमें एक एग्जाम्पल दिख गया, अरे बढ़िया एग्जाम्पल था, एग्जामिनर ने नंबर दे दिए. अगली कॉपी, यार इसमें भी सेम एग्जाम्पल आ गया. तीसरी कॉपी, ये भी सेम एग्जाम्पल है. आप समझ रहे हो, उस एग्जाम्पल की वैल्यू कम हो गई. अब अगर वो एग्जाम्पल आपने खुद न्यूज़पेपर से उठाया होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किसी दूसरे बच्चे ने भी सेम एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से उठाया होगा? लेस प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ना. तो वो क्या हो गया, आपका यूनिक कंटेंट हो गया. यूनिक कंटेंट हमेशा मार्क्स दे जाता है अगर सही है तो. ये नहीं कि कुछ ये पूछ रहा है लिखा कुछ और है, वो यूनिक कंटेंट नहीं होता. यूनिक कंटेंट वो कि जो आपकी मेहनत है, न्यूज़पेपर आपकी मेहनत है. मैंने हमेशा न्यूज़पेपर
ऊपर ही रखा है सबसे, इसलिए रखा है कि अभी आप सब फाउंडेशन पार्ट पे हो, जब आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के अपना बेस बना रहे हो, एक टाइम के बाद आपके ऐसा आएगा जब आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र नहीं आएगा, फैक्ट बता रहा हूँ। एक पॉइंट के बाद लगेगा, जैसे एक होता है ना कि जब आप वेट लूज़ करना शुरू करते हो स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से वेट लूज़ होता है, एक टाइम के बाद प्लेटू आ जाता है कि अब नहीं हो रहा है इससे कम। यूपीएससी में भी एक पॉइंट आएगा जब इससे ज़्यादा आप सोचोगे कि इम्प्रूव नहीं हो पा रहा और सामने वाला बेटर मार्क्स ला रहा है आपसे। यूनिक कंटेंट अगर आपका होगा आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते जाओगे। यूनिक कंटेंट कहाँ से आएगा? न्यूज़पेपर से आएगा। बस यही बहुत सिंपल टैक्टिक्स है मेरी कि न्यूज़पेपर शुड नॉट बी निगलेक्टेड एट एनी कॉस्ट। यूपीएससी सिलेबस को अपने पास रखोगे तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। आंसर राइटिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी एस्पेक्ट अगर आप कर लोगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन मेंस। फ्रॉम -120 टू +120 आपके सामने खड़ा हूँ। सिर्फ यही स्ट्रैटेजी अपनाई है, कंटेंट कम कर लिया, प्रिसाइज कर लिया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द मेंस स्ट्रैटेजी। ऑप्शनल पे भी आऊँगा। मेंस स्ट्रैटेजी पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बताइए। यही तो प्लानिंग है स्टार्टिंग में, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लंबे प्लान्स नहीं बना सकते तो मंथली प्लान्स बनाइए। आपको पता है कि अभी हिस्ट्री में यही पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया जा रहा है, अपने प्लान्स उस हिसाब से बनाइए। समझी, मैं ज्योग्राफी चल रहा है अभी क्लास में, तो ज्योग्राफी तो वो सर करा लेंगे, तो मैं पॉलिटी चालू करूँगा, तो नेक्स्ट मंथ तो सर भी पॉलिटी चालू कर देंगे। तो यहीं पर तो मैं बोल रहा हूँ प्लानिंग, अगर सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप अभी इस समय ज्योग्राफी अच्छा तैयार कर लें, ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा आपका। प्लानिंग ना, हाँ प्लानिंग, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सही से प्लान करिए, एग्जीक्यूशन आएगा। मगर प्लानिंग, प्लान्स भी आपके बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान में, जैसे आप बोल रहे हैं कि सर तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी मैं पढ़ लूँगा, इस समय हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ रहा होगा, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। अरे कोलैप्स कर जाओगे एक दिन में, सुबह का हिस्ट्री शाम का पॉलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं, प्लानिंग शुड बी रैशनल। जैसे मैंने क्या बोला, बहुत लेजी आदमी हूँ मैं, ठीक है, एक दिन में एक ही चीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है, 5-6 घंटे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, 14 घंटे तो आज तक कभी पढ़े नहीं। तो दिस इज़ फॉर द मेंस, एनीवन एल्स फॉर द मेंस? यस, जो आप बता रहे हो ना मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं एक लाइन में इसका आंसर दे रहा हूँ, सिलेबस। ठीक है, कई बार क्या है, बुक इतनी मोटी होगी लेकिन उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे पता चलेंगी आपको? सिलेबस से आपको लग रहा, और अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पर किस एक्सटेंट तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, GS2 का एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। GS2 का एक एक्सप्लिसिट सिलेबस का टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, सबको पता है, सबने देखा होगा। इस पे ज्यादा नहीं है, एक एक्ट 50 वाला है, एक 51 वाला है। इसमें कुछ एडिशनल चीजें, इस पे कुछ चीजें हैं। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसमें कुछ लिमिटेशंस है। बुक से पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, मगर ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। अब क्या करोगे, 5 साल के, साल को लिख रहा हूँ मैं, ईयर्स लिखना चाहिए ना मुझे, 5 ईयर्स के जो PYQs हैं वो खोल लो। RPA में ही बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से एक्सटेंट पता चल जाएगा कि RPA में कितना डीप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सटेंट पता चल गया, सिलेबस एंट्री है, ये पता चल गया कितने डीप में पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन, बस हो गया आपका काम। ठीक है, बुक पढ़नी नहीं है, पढ़ी भी जाती नहीं है मेरे से। ठीक है, कम चीज़ें कम रखो, दिमाग बहुत क्लियर हो जाएगा, और दिमाग जितना क्लियर होगा उतना खुश रहोगे, बस खुश रहो,
कंटेंट कम हो जाएगा, यूपीएससी के प्रिपरेशन में अपने आप खुशी निकलना शुरू हो जाएगी, सामने वाला भर भर के कंटेंट पढ़ रहा होगा, मैं तो एक कॉपी पढ़ूंगा बस। ठीक, वो होता था ना कि कई बार हम, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, फिर लास्ट में उसने पढ़ा दिया हमें एक दिन और उससे ज़्यादा नंबर आ गए तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती थी। यहाँ पर भी ये अप्लाई कर लो, देखना खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। चलो तो अब मैं आ जाता हूँ ऑप्शनल पे जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करेंगे अब। ऑप्शनल, माई फर्स्ट ब्लंडर इन दिस प्रिपरेशन इज सिलेक्टिंग द ऑप्शनल लेट। आप लोग ने अभी शुरू किया होगा आई थिंक, लेकिन बाय द टाइम आप ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया ना, आप लोगों ने कर लोगे 10-15 दिन में, नहीं करोगे? अच्छा, ये सोचोगे कि कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। आई सजेस्ट कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको ऑप्शनल को सिलेक्ट करिए। ठीक है, ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जून में शुरू करी थी, जून 2017 में, अक्टूबर तक मेरा ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं था। द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, और क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे से बोला था कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए वो कर लेना, मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आया तो मैंने नहीं किया। कई बार सब में इंटरेस्ट आ जाता था, कई बार किसी में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मेरे लिए ये चीज़ काम नहीं करी। वॉट यू कैन डू इज, दो पहले ये देखो कि क्या मैं अपने बैकग्राउंड का सिलेबस कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को ऑप्शनल ले सकता हूँ। अभी इंजीनियर बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सही में नहीं पढ़ा यार वहाँ पे। ठीक है, तो पर कुछ बच्चे बैकग्राउंड को अपना ऑप्शनल ले सकते हैं क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट। आप में से कई सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा होगा, तो PSIR को आप अपना ऑप्शनल ले लेते हैं, कईयों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि क्या आपका बैकग्राउंड आपका बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर कैन बी क्या आपके पास इसके सोर्सेस हैं, क्या आपके पास इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे लिए तो काम नहीं करा था ये। सोर्सेस जो जिसको मटेरियल कहते हैं, क्या ये स्कोरिंग है। ठीक है, चार चीजें दिमाग में आ गई, क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्या मेरे पास सोर्सेस हैं, क्या मुझे इंटरेस्ट है, क्या ये स्कोरिंग है। ठीक है, अब जैसे किसी एक चीज को ध्यान में रख के करोगे हो सकता है मैसअप हो जाए। चलो सबसे स्कोरिंग ऑप्शनल कौन सा है बताना, सोशियोलॉजी? कौन बोला ज्योग्राफी? अच्छा ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स इज वेरी स्कोरिंग। कैसे? सर कनिष्क कटारिया सर 361 लाए थे, पेपर वन में 170, पेपर टू में 192, पर उससे पहले वो ये बताना भूल जाते हैं कि ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया रैंक 44 इन JEE एडवांस। ठीक है, उसका बैकग्राउंड वो था। ठीक है, स्कोरिंग देख के नहीं लिया था उन्होंने। ठीक है, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट, ही वॉज अ वेरी गुड इंजीनियर, ही हैड अ गुड बैकग्राउंड ऑन दैट। ठीक है, तो एक पैरामीटर पे अगर चूज कर लेते तो हो जाता है यहाँ पे काम। मैं बता रहा हूँ कई बच्चे 200 भी क्रॉस नहीं कर पाते मैथ्स लेने के बाद, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तुम्हें इसके लिए आपको क्या करना है सोचिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, जो 3-4 ऑप्शनल अच्छे लगे उसके सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस देख के देखिए कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ नहीं कर सकता। PSIR को उठा लीजिए, सोशियोलॉजी को उठा लीजिए, ज्योग्राफी, इन सबका उठा लीजिए। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, किसी एक वेटरन से बात करिए, एक टीचर से बात करिए कि सर ये ऑप्शनल क्या है, इसकी डिमांड्स क्या हैं, कैसे कैसे इम्प्रूव कर, मतलब किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। वेल रिसर्च करके ही आप अपना ऑप्शनल लेंगे। ऑप्शनल कैन बी मेक एंड ब्रेक, बिल्कुल टॉप पे पहुंचा सकता है, बिल्कुल बॉटम पे गिरा सकता है ऑप्शनल। पेपर जब पहला मेंस था मैं 176 लाया था टोटल, एक पेपर में नहीं टोटल,
तो पेपर वन में शायद कुछ थे, पेपर टू में 61 थे मेरे ऐसे। सेकंड में इसको इम्प्रूव करके 242 पे लाया, थर्ड में इम्प्रूव करके 280 लाया। मुझे तो अभी भी नहीं पता 280 मेरे को कैसे मिले, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। बट अगर आप अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से चूज करें, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, इन सबको ऑप्टिमम वे में आप करिए कि मेरा, चलो बैकग्राउंड तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, कुछ का हो सकता है कुछ का नहीं हो सकता, सोर्सेस हैं, इंटरेस्ट है, स्कोरिंग है। ज्योग्राफी मैंने क्यों लिया अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं। आई गॉट 118 इन पेपर GS1, ठीक है। GS1 में हाईएस्ट है 120, ऑल इंडिया रैंक 12 4। ये सर आ चुके हैं ऑलरेडी, ऑल इंडिया 12 वाले है ना, यशार्थ शेखर, दोनों को ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ही गॉट 306 इन ज्योग्राफी, ही इज द ज्योग्राफी टॉपर दिस ईयर। तो करीब 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट ओवरलैप, जैसे तुम मेरे से पूछते ना सर ज्योग्राफी बहुत वाइड हो जाता है, मैंने ज्योग्राफी क्यों चीज़ किया, सिग्निफिकेंट ओवरलैप। GS3 पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चर पे ओवरलैप था, एनवायरनमेंट पे ओवरलैप था, डिजास्टर मैनेजमेंट पे ओवरलैप था, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी, मैं मैप बनाना बहुत ज़रूरी समझता था, जो मुझे स्ट्रेंथ मिली ज्योग्राफी से। हिस्ट्री में मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से ही मैप बना दिया, वहाँ पे दिखा दिया। सोशल इश्यूज में दिखाया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम से मैप बनाई दिखा दिया, ज्योग्राफी में तो दिखाई ही। गवर्नेंस रिलेटेड जो स्कीम्स थी दिखा दिया कि स्लम्स यहाँ पर हैं, मैप बना के दिखा दिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडो पैसिफिक दिखाया, इंडो पैसिफिक का वर्ल्ड मैप बनाया, वहाँ पर दिखा दिया इंडो पैसिफिक क्या है। वोल्केनिक इरप्शंस पूछे, वहाँ बना के दिखा दिया। तो कुछ टूल्स मुझे ज्योग्राफी में मिले, तो ये सिग्निफिकेंट ओवरलैप जो मुझे मिला, मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों बताओ, बताओ क्यों मेरे लिए अच्छा क्यों हो सकता है ये सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। अच्छा ठीक है, मेरे से नहीं होती ज़्यादा पढ़ाई, तो मैंने बोला कि जैसे जैसे शेयर होता जाएगा ये कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया, और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा था, ऑनेस्टली बताऊँगा। तो ज्योग्राफी मैंने टाइम लिया, लेकिन मैंने अपने लिए एक सूटेबल ऑप्शनल चूज़ किया। आप लोग भी वो जो 3-4 पैरामीटर दिमाग में हैं उनको चूज़ करिए, देखिए आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। अगर आपको लगे कि एक महीने बाद आपको ऑप्शनल बदलना है, नहीं बन रहा, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड, यू आर ऑल जस्ट बिगिनर्स, बट ऑप्शनल जल्दी चूज करिए, अक्टूबर का वेट मत करिए। रीज़न मैं बता रहा हूँ, मैंने अक्टूबर में जब इसको फाइनलाइज किया अपना, मैंने कई सारे ऑप्शनल दिमाग करे, उनका सिलेबस पढ़ा, 2-3 दिन तक वो देखा, PSIR देखा, सोशोलॉजी देखा, ज्योग्राफी देखा, पक्का था इलेक्ट्रिकल तो नहीं लूँगा मैं, मैथ्स भी देखा मैंने, क्योंकि मैथ्स मैं कर लेता था। तो अक्टूबर में जब किया, तो मैंने नवंबर में पढ़ना शुरू किया, ये ख़त्म होते होते मई पहुँच गया। मैंने बताया ना मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे थे प्रीलिम्स के लिए, इसी रीज़न से बचे थे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शनल लेट चूज़ किया था, ठीक है। अगर आपने ये किया, आपका प्रीलिम्स का टाइम सेक्रीफाइस हो जाएगा। सिंस यू आर बिगिनर्स और पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हो, प्रीलिम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपसे पहले वाले हैं वो ऑलरेडी मॉक्स प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी स्किल सेट है। आपको नॉलेज भी एक्वायर करनी है, आपको स्किल सेट भी एक्वायर करना है, ये सब एक ही अटैम्प्ट में करना है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव लेस टाइम टू प्रीलिम्स। जैसे ही फेब्रवरी आए, सब काम छोड़ के प्रीलिम्स में लग जाना, मेंस तब तक पढ़ लो, अक्टूबर तक अपना ऑप्शनल ख़त्म कर लेना एक बार। जैसे ही प्रीलिम्स का, जैसे आप प्रीलिम्स हुआ, अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया ना, कई लोगों को पता है उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, इस समय वो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। जो ऑप्शनल जहाँ पे छोड़ा था, अब ये इतने टाइम में, जो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, दे विल स्टडी द ऑप्शनल। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो मैक्सिमम वेटरन्स फॉलो करते हैं, एंड दिस वर्क्स। मैंने भी यही किया था, जैसे ही मुझे प्रीलिम्स दिया था, मुझे पता था प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा मेरा, तो उसी समय मैंने ज्योग्राफी उठाया, प्रीलिम्स के रिजल्ट तक ज्योग्राफी रख दिया एक बार पढ़ के, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बाद में पढ़ा। तो ये ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी हो सकती है, सिलेक्ट ऑप्शनल जल्दी पढ़ो, 3-4 महीने तक रख देना, जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो दोबारा उठाना,
टेस्ट सीरीज चाहो तो बीच में लगा लो, जो भी आपके सूटेबल टीचर्स हों उनसे गाइडेंस लीजिए आप, एंड ऑप्शनल के लिए यही है। ऑप्शनल के लिए कुछ और पूछना है तो बताइए। बिल्कुल कर रहे थे, मेरी मर्जी। ठीक है, जस्ट टेक इट इन ऑन लाइटर नोट। वही बोलता है ना, आपके PSIR अगर ओवरलैप कर रहा है, आपके लिए सूटेबल हो सकता है, आप ले सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगा, तो मैंने भी काफ़ी एक्सटेंसिव करी थी, मुझे जो सूटेबल लगा मैंने किया, आपको जो सूटेबल लगा आपको करना है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन हिमसेल्फ। ठीक है, हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, मैंने उसके वो जो थिंकर्स देखे प्लेटो वगैरह, यार मैंने बोला इनकी कहाँ तक याद करते फिरूंगा, पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी में वो दोबारा आ गए। ठीक है, तो ये भी होता है कई बार। ठीक है, लेकिन एक बार 2-3 महीने अगर पढ़ लिए तो फिर वापस नहीं आ सकते, वो फिर अगले अटेम्प्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो सोच समझ के ऑप्शनल लेना, बहुत टाइम खा सकता है आपका और इट कैन मेक एंड ब्रेक। ठीक है, जिसको जैसे मैथ्स वालों को भरोसा होता है कि वो मैथ्स में अच्छा ले आएंगे लेकिन GS भी पढ़ लेंगे साथ में, उनके लिए मैथ्स बेटर है। कुछ लोग इंजीनियरिंग से ही इतना अच्छा करके आते हैं, गेट और ES, जैसे आई मेट अ पर्सन, ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 8 इन ESC, इलेक्ट्रिकल से ही था, तो उसने इलेक्ट्रिकल लेके दिया एंड ही इज़ द टॉपर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिस ईयर। तो आई थिंक ऑप्शनल सिलेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम से ऑप्शनल ख़त्म करना और टाइम से उस चीज़ को रिवाइज करना। तो ये थी मेंस की पूरी स्ट्रैटेजी। और कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर इंटरव्यू पे आ रहा हूँ जल्दी से। बताइए। मुझे भी नहीं है। तो सर मुझे ये पूछना था कि मींस कि अगर मैं ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं लेती हूँ, कुछ और चेंज करना चाहती हूँ, बट ना चाहते हुए भी मैंने लगभग ऑप्शनल का सारा 1-8 बार पढ़ ही लिया है। अच्छा, तो क्या मुझे चेंज करना चाहिए? आपने ऑप्शनल खत्म कर लिया एक बार? मतलब सर मैंने पढ़ा नहीं है, बट ग्रेजुएशन में टीचर्स मतलब सारे वही नोट्स ही लगभग देते हैं जो UPSC का सिलेबस होता है। तो एक बार वही तो बात करूं, जैसे देखा जाए तो नोट्स में भी अगर मैंने पढ़ लिया है तो फिर मुझे जैसे मैंने भी ना चाहते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी ली थी एक बार, किसी तरह BTEC कर ही लिया था, बट आई एनालाइज्ड। देखो इसमें ईगो पे लेने की कोई बात नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा बैकग्राउंड वो है। दिस इज एन एग्जामिनेशन एंड यू नीड टू टेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर मुझे उर्दू लिटरेचर देकर भी आ रहे हैं नंबर, मैं वो भी लूँगा, तमिल लिटरेचर में भी लूँगा, तेलुगू भी ले लूँगा, मैं मार्क्स आने चाहिए ना। ठीक है, जो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है बट अगर मैंने पढ़ लिया है तो फिर मतलब आपको ये देखना है कि आप अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर, आप उसके आंसर्स देखिए, अपनी फैकल्टी से आप इवेल्युएट करवाइए। डू यू थिंक, ये भी कई बार होता है, कई बार क्या है इंटरेस्ट स्टार्टिंग में आता है, मगर कई बार ऑप्शनल में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर लगता है भागो यहाँ से। सर स्टार्टिंग में तो सारे सिलेबस अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो अच्छा लगता है, बट अगर ऑप्शनल हो तो हिस्ट्री हो या फिर जो अब समझे मेरे तीन महीने क्यों लग गए मुझे, अब समझे मुझे 3 महीने क्यों लग गए ऑप्शन सेलेक्ट करने में। थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के मैं देख रहा था कि इंटरेस्ट सब में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन बाद में जाके समझ में आता है कि ये तो कुछ और ही है। जाने पे फिर वही होता है सारा बकवास। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू रिसर्च। और जो वेटरन है उसमें, जो ऑलरेडी वो सिलेबस से ऑप्शनल दे चुका है, उसकी एडवाइस लीजिए आप। ठीक है, आप जैसे आप, देर इज नो हार्म, आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड है, कुछ और लेने में कोई हार्म नहीं है। देर आर मैनी कैंडिडेट्स जिनके पास उनका ऑप्शनल मतलब लिस्ट में होता है पर किसी और चीज़ से दे, एंथ्रो से कितने लोग देते हैं, चेंज कर करके देते हैं। ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे लिए क्या है। दैट इज़ वाई सेल्फ इवेल्युएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी शुड नॉट बी टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी शुड लाई विद इन योर सेल्फ। तुम्हें खुद सेल्फ इवेल्युएट करना है कि तुम किस पॉइंट पर लाई करते हो, क्या परफॉर्म कर सकते हो नहीं कर सकते, खुद की प्लानिंग है। किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे अपनी। ठीक है, आई वॉन्ट एवरी वन टू प्रोमिस दिस थिंग टू मी, अपनी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में नहीं दोगे। तुम्हारी एग्जाम, तुम्हारा रैंक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और किसी को कुछ मेंस के लिए? हाँ जी बताइए। रिसोर्सेस, यार आई थिंक दिस सेशन बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें मैं बोल देता हूँ
कि देर आर मैनी मिस गाइडेंस गोइंग ऑन इन वेरियस अकाउंट्स के नाम पे, तो मैं थोड़े बहुत अकाउंट शेयर कर देता हूँ. इसमें मैं सारे रिसोर्सेज जो मैंने अपनी न्यूज़पेपर की जो कॉपीज़ बोली थी ये फ्री ऑफ वो अपलोड करते चलूँगा, ठीक है. ज्योग्राफी का सारा रिसोर्स, ज्योग्राफी की सारी कॉपीज़, जो अभ्यास के टेस्ट आंसर्स मैंने लिखे हैं वो रेफरेंस के लिए 2019 की कॉपीज़ भी दे दूँगा मैं. जस्ट अ मिनट. दोनों पे अभी अभी इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे सिलेक्शन के बाद मुझे ही नहीं पता था मेरे कितने अकाउंट थे मार्केट में. तो प्लीज़ मेक श्योर मैं, इफ़ यू रिसीव एनी पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम अदर फेक अकाउंट्स, प्लीज़ डू नॉट हीट पे अटेंशन टू दैट. मैं कभी पर्सनल मैसेज नहीं करूँगा किसी को, ठीक है. और मैं जहाँ तक जितने भी चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ही शेयर करूँगा. तो अगर कोई आपको मिसगाइड करता है पर्सनल मैसेजेस के थ्रू तो प्लीज़ डोंट पे अटेंशन टू दिस. मैं सारी स्ट्रेटेजी रिटर्न फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा अनबायस्ड मैनर में, जो भी यहाँ पर भी मैंने बोला है, जो रिसोर्सेस मैंने यूज़ करे हैं. और एक साल के बाद जब आपके पूरे एक साइकिल ख़त्म हो जाएगी आई विल डिलीट द ग्रुप, ठीक है. इट इज़ जस्ट कि जितना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कई बच्चों ने मेरे से रिसोर्सेज मांगे कि आप रिसोर्सेज दे दीजिए अपने, तो सब आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर को देने से अच्छा सबको मिल जाए तो बेटर है, जो जितने बेटर तरीके. जैसे शुभम कुमार सर ने अपने सारी चीज़ें पब्लिक कर दी थी, उनकी कॉपीज से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो. और अगर किसी भी तरीके से कोई आपको मिसगाइड करता है प्लीज़ पिंग मी, इन्फॉर्म मी और उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है. बिकॉज आई बिलीव रिमूविंग मिसगाइडेंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है बट मिसगाइडेंस रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस गाइडेंस अगर दूर नहीं करोगे तो चार अटेम्प्ट लग जाएंगे, ठीक है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्लियर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है. वो ये तो एक होता है ना कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ और दूसरा होता है अपनी वीकनेस कम करो. तो गाइडेंस लो, अच्छी जगह से गाइडेंस लो, बट एट द सेम टाइम मिस गाइडेंस अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कि आपको कोई मिस गाइड कर रहा है तो रिमूव हिम, ठीक है. सो फॉलोअर्स बढ़ाने की टेक्निक नहीं है, ठीक है ना. चलो, ज़्यादातर चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उसी में रहेगा, बाकी फॉलो मत करना, कोई दिक्कत नहीं. बट वही कि प्लीज़ डोंट पे अटेंशन टू द फेक अकाउंट्स बिकॉज दैट कैन रियली डैमेज यू. हैपेंड विथ अस ऑल्सो कि कहीं जगह मिस गाइडेंस मिला जिसके कारण हमने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करे, तो दैट हैज़ रियली अफेक्टेड अवर जर्नी. तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़े, एंड यू शुड एक्सेल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर जल्दी जल्दी इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे करी, जैसे ही मेंस की कॉल आई मैं गया एक इंस्टीट्यूट में, जाके बैठ गया कोट पहन के, सर पूछिए. और उन्होंने पूछा, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल भी नहीं आया, तो अच्छा है उन्होंने इंटरव्यू नहीं डाला. ऐसे दो तीन इंस्टीट्यूट और थे जहाँ पर मैं गया स्टार्टिंग में, और देखा वहाँ पर जो बोलना था बोला, वो आजकल YouTube पे डल रखे हैं. तो दैट इज़ अनप्रिपेयर्ड वे में मैं पहुंच गया था. क्यों गया था, अपनी वीकनेस पता करने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरा इंटरव्यू 2 महीने बाद है. तो मैंने क्या किया, शुरू के 5-10 दिन में अब कई जगह इंटरव्यू दे लिए, उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरी वीकनेस कहाँ पर है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. फिर मैं आपका होता है डैफ, होता है एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है. आप इवन जब मेंस के लिए फॉर्म भरोगे ना उसमें भी कई सारी डिटेल्स आएंगी,
मेक श्योर यू फिल देम वेरी एक्यूरेटली, क्योंकि वो आपके डेफ टू जब इंटरव्यू की कॉल आएगी तब मैटर करेगा, ठीक है। डेफ वन भरता है मेंस के बाद, तो ये भरता है मेंस के बाद, और जो आपका डेफ टू भरता है ये जब आपके इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। दोनों समय आपको अपने होम टाउन, अपने होम स्टेट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैंने डेफ वन बहुत वैसे भर दिया था, ज़्यादा बिना सोचे समझे, आपको डेफ वन से ही बहुत अच्छे से करना है। जब आपके मेंस की कॉल आएगी तभी भरवा लिया जाएगा। मेक श्योर कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे भरें कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जैसे मेरी एक हॉबी थी प्लेइंग चेस, दैट्स इट। कुछ लोगों ने ऐसा लगता है कि अपने ज़िंदगी भर की हॉबीज डाल रखी है, प्लेइंग पकड़म पकड़ाई, प्लेइंग दिस दैट दिस दैट दिस दैट। अब क्या हुआ, वो वहाँ पे 5-6 हॉबी हो गई, अब उनकी हालत ख़राब हो गई एक एक हॉबी को तैयार करने में। कई बार एक हॉबी तैयार करने में बहुत दिक्कत आती है। तो बी वेरी रैशनल, अगर कोई हॉबी नहीं है तो एक हॉबी पकड़ लो अभी से, एक साल में हॉबी बन जाएगी, वो जेन्युइन हॉबी बन जाएगी, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो उसको, जैसे कई लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स फॉलो करते होंगे पर अब न्यूज़पेपर में बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए इतनी हो गई कि अब स्पोर्ट्स पेज पढ़ा नहीं जाता। डोंट डू दिस, ठीक है। वो आपका पार्ट है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, अभी से उसको लेके चलिए, ठीक है। जब आप डैफ भरेंगे और जब हॉबीज लिखनी होगी, एक ब्लू आप अभी जाके देख सकते हैं, अभी आपको ज़रूरत है नहीं लेकिन देख सकते हैं कि डैफ में क्या क्या भरा जाता है, उसको थोड़ा सा बैक ऑफ माइंड रखिए। और जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना पहले से, तो उन पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनते जाएंगे इंटरव्यू के। तो सोच सोच के मज़ा आता है ना कि इंटरव्यू कॉल आएगी, मैं ये बोल दूंगा, मैं वो बोल दूंगा। तो जब वो डे ड्रीमिंग कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी रियल प्रिपरेशन पे भी कर लेना। मुझे पता है क्योंकि मैं भी करता था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर आया था, मैं सोचा था एक साल तैयारी करेंगे, एक साल दोबारा देंगे और AIR 1 ले आएंगे, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। जब सेकंड अटेम्प्ट में पहुँचे तो मैंने बोला इस बार तो मेंस लिखने की बात आई है, चलिए करते हैं। ऐसे शुरू किया, मैंने बोला थोड़ा सा बिगड़ गया है, AIR 1 नहीं, चलो AIR 50 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। GS 1 में वो स्को रैंक 100 तक पहुँच गई थी। GS 2 GS 3 ऑप्शनल जब तक आया था तब तक मेरे को लग गया था कि मेरा मेंस भी क्वालिफाई नहीं होगा, उसी समय पता था कि नहीं क्वालिफाई होगा। तो दिस इज़ डे ड्रीमिंग, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, काम करिए। जैसे जैसे आप काम करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा। थर्ड अटेम्प्ट में बस सोच रहा था किसी तरह इंटरव्यू कॉल, वो सॉरी किसी तरह लिस्ट में आ जाऊँ मैं। तो उसमें भी मैंने वर्क किया, थोड़ा सा हम्बल वे में वर्क किया, इम्प्रूव किया, मेंस क्वालिफाई फिर नहीं हुआ। लेकिन मार्जिन जो पहले 120 मार्क्स का था वो कम हो गया था, तो मुझे लगा मैंने इम्प्रूव किया। इस बार सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि किसी तरह इंटरव्यू कॉल आ जाए, और जब इंटरव्यू कॉल आई मैं ये सोच रहा था किसी तरह लिस्ट में नाम आ जाए। बट ऐसे केस में यू वर्क वेरी हार्ड, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, इम्प्रूव करोगे आप। मैंने अभी बोला ना, जीनियस बिकम्स अ फूल व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही इज़ अ जीनियस, ठीक है। यू हैव टू लर्न एट एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बी वेरी हम्बल, क्योंकि सामने जो कॉम्पिटिशन है दैट इज़ नॉट अ केक वॉक, देर आर मैनी गुड पीपल आउट देयर एंड आई हैव सीन इट, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। बट कीप फेथ इन योर सेल्फ, जितने आप अपने में कॉन्फिडेंट रहेंगे, इस क्लास में बैठा हर बच्चा अच्छी रैंक ला सकता है, गारंटी दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ लास्ट में बताऊँगा। तो डैफ वन डैफ टू, अभी से एक हॉबी रख लीजिए और अभी एक पर्सनालिटी ग्रूम करना शुरू कर दीजिए। मैंने करीब 10 इंटरव्यू दिए थे मॉक, जिसमें से आधे इंटरव्यू मैंने अनप्रिपेयर्ड वे में दिए थे और आधे फिर धीरे धीरे इंप्रूव करके दिए थे, नेगेटिव प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कॉल आने वाली है। जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैं पूरे इंटरव्यू की तैयारी करके बैठा था, फिर मेंस की कॉल नहीं आई। तो जब सेकंड में नहीं आती, थर्ड में नहीं आती, तो आप फाइनल में करते ही नहीं हो, पर आपको पहले से करनी है। जिस दिन से मेंस लिख के आओ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना, न्यूज़पेपर का एम्बिट बढ़ा लेना अपना, हॉबीज तैयार अभी से कर लो, डैफ वन डैफ टू अच्छे से भरना है। कैसे भरना है अभी जाके देखोगे, ठीक है। एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा पता होना चाहिए कि डैफ वन डैफ टू में मेरे से क्या पूछा जा सकता है, जिसको मैं अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँ, ठीक है। हॉबीज एक दिन में डेवलप नहीं होती। हॉबीज अगर आपकी जेन्युइन हॉबी है तो वो आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता दोगे, लेकिन अगर फेक हॉबीज हैं तो आप सोच रहे हो कि अगर एक दो महीने में तैयार करके सामने वाले को बेवकूफ़ बना दोगे, तो ट्रस्ट मी, जो तुम्हारे सामने बैठा होगा ना वहाँ पे, वो उस हॉबी को 60 साल से देख रहा होगा, और तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों का वो पिछले 50 साल, पता नहीं 15-20 सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं,
दे नो वॉट इज जेन्युइन हॉबी. देन कई लोग क्या एक दूसरे की हॉबी कॉपी करके लाइन से सेम हॉबी पे चले जाते हैं, तो क्वेश्चंस भी फिर वैसे आते हैं. जस्ट इमेजिन अगर आपकी जेन्युइन हॉबी होगी तो आपसे कुछ भी पूछ लो, और वो कितना अच्छा रिफ्लेक्ट करता है कि वो आपसे कुछ भी पूछ लें तो आप कर सकते हो. ठीक है, जैसे मेरे केस में चेस में उन्होंने पूछा था कि मिनिमम कितने चांसेस में आप चेकमेट दे सकते हो सामने वाले को. कोई चेस खेलता है तो बताएगा? फूल्स मेट की बात कर रहे हो? तो मैंने बोला टू सर, टू एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर टू चांसेस में आप मेट दे सकते हो. तो सर वॉज अ बिट सरप्राइज्ड कि कैसे. तो उन्होंने मेरे से मूव्स पूछे, मैंने उनको वो स्पेसिफिक सिनेरियो वहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि टू मूव्स में कैसे पॉसिबल है. तो दैट वॉज माई जेन्युइन हॉबी, इसलिए मुझे पता था एंड इट रियली रिफ्लेक्टेड वेल ऑन मी. उसके बाद मैंने उनका सिनेरियो भी बताया कि वो क्या सोच रहे थे फूल्स मेट के बारे में. ये ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पर आपकी हॉबीज आपके ऊपर अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ है. लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी कोई हॉबी है, उन्होंने कोई बहुत बेसिक सा सवाल पूछ दिया और आपको वही नहीं आया. ठीक है, जैसे आपने डाला कि क्रिकेट हॉबी है, तो ये बताओ कि LBW का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको वही नहीं पता. बस हो गया भाई, वो समझ गया कि आपकी जेन्युइन हॉबी है ही नहीं हो. ठीक है, तो ये हॉबी धीरे धीरे डेवलप होती है. कैसे डेवलप होगी? अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स हॉबी है, न्यूज़पेपर के थ्रू डेवलप होगी. इन दिस प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे. आपकी हॉबीज आपका एक ऐसा एरिना है जो वो स्ट्रेस थोड़ा रिलीव कर सकता है. ठीक है, तो अभी से एक हॉबी पकड़िए, उसके साथ फॉलो करिए. खेल कुछ खेलते हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू उसको करिए, क्योंकि हॉबी सही बता रहा हूँ एक दो दिन में नहीं होती. तो फिर उसके बाद एक बार आपका डैफ तैयार हो गया तो उस समय आपको न्यूज़पेपर का एम्बिट बढ़ाना होता है. ये वाला कंपोनेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ये मैंने अभी बोल दिया कि अभी से आप इनकलकेट करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, इसके बाद एक चीज़ मैं और बोलूँगा जो शायद ज़्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों ने बोला भी नहीं होगा. इसके अगले दिन ही मेडिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू, ये पता है आपको? ये बताएं आपको कि अगले दिन मेडिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू के. आपको एक हॉस्पिटल डेजिग्नेट कर दिया जाता है जहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है एंड यू आर डिक्लेयर्ड फिट फॉर वेरियस रीजंस. ठीक है, अब क्या होता है, मेंस के प्रिपरेशन में बैठे हुए हैं और वेट बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा. अब इंटरव्यू की कॉल आ गई, पता चला 15 दिन बाद इंटरव्यू है और 10 किलो कम करना है. होगा? नहीं होगा ना. फिर आप क्या करोगे, हैवी डाइटिंग पे जाओगे. तो जब आप हैवी डाइटिंग पे जाओगे तो वहाँ पर आपका मुंह लटका हुआ मिलेगा, दिमाग काम नहीं करेगा. व्हाई नॉट कम्प्लीटली इवेट दैट सिनेरियो? ठीक है, पॉइंट इज अभी से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है एंड दैट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. आई रिसेंटली हर्ड एन इंसिडेंट कि समवन कमिटेड सुसाइड इन ओल्ड राजेंद्र नगर. ठीक है, अगर ऐसे किसी दौर से आप गुजर रहे हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एल्डर्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन थ्रू आउट माई UPSC जर्नी, बट द पिलर्स वर माई फ्रेंड्स. मेरे कई सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, ऐसे केस में आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे लाइफ में भी कुछ 2-3 फ्रेंड्स ऐसे थे, जैसे मैं डेफिनेटली नाम लेना चाहूँगा, अमित कम्बोज वॉज देयर, ललित वॉज देयर, कृष्णा, सौरभ, अंकुर, आकांक्षा, माधवी. वी यूज टू टॉक टू ईच अदर अबाउट, ये भी रिपीटेड अटेम्प्ट वाले ही हैं, वी यूज टू टॉक ईच अदर अबाउट अवर कंडीशंस. कई भी हमें लगता था कि सामने वाला डीमोटिवेट हो रहा है, हम उनको मोरलाइज कर, उनका मोराल हाई करते थे. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में अभी आपको नहीं लगेगा, जब थोड़ा आप इस प्रिपरेशन के जाओगे, प्रेशर फील करोगे. फिजिकल हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू के लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से आप अपना वेट कंट्रोल में रखिए ताकि वो सिचुएशन आपके साथ न आए. ये चीज़ें ज़्यादातर जनरली शेयर नहीं करते, दैट्स वाई आई थॉट कि आई ब्रिंग दिस टॉपिक. तो जो अगले दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यहाँ पे आपका वेट चेक होगा, आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें चेक होंगी, आपकी इंजरीज वगैरह चेक होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ध्यान में रख सकते हैं. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो अभी उसका सब ढूंढ सकते हैं आप सोल्यूशन. वेट ज़्यादा है तो अभी से आप अपनी डाइट सही कर सकते हैं, आप अपना वेट कंट्रोल में ला सकते हैं. क्योंकि अगर आपने इसको इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ किया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. जस्ट इमेजिन कि अब यह 3 न्यूज़पेपर पढ़ना है और सुबह उठ के एक न्यूज़पेपर पढ़ना भारी पड़ रहा है. इमेजिन 3 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं तुम्हें और अब पता चल रहा है कि नाश्ता भी नहीं मिलेगा. तो एक न्यूज़पेपर का पहला फ्रंट पेज नहीं पढ़ा जाता खाली पेट,
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो सिचुएशन आपके साथ ना आए तो अभी से आप अपने फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पर ध्यान दीजिए ताकि इंटरव्यू के टाइम पर दिक्कत ना हो और जितना फिट रहेंगे उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतना इंटरव्यू में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना, आप इंटरव्यू में जितना फिट दिखेंगे आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर नॉलेज एंड हाउ यू एग्जीक्यूट देम। तो कहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी मेंस के रिजल्ट के बाद करेंगे, पर नहीं, कुछ कंपोनेंट्स का ध्यान अभी से रखना पड़ता है जो मैंने डाल दिए हैं। हॉबीज़ का अभी से देखेंगे आप, मेडिकल टेस्ट अभी से देखेंगे आप, और डैफ वन और डैफ टू के कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी से देंगे। बाकी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स जो उस टाइम पर चल रहा होगा वो तो आप कवर कर लेंगे अगर मेंस क्वालिफाई होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ उस समय आपका नॉलेज लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगा, तो दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। जो मेरे लिए मैंने इंपॉर्टेंट था बता दिया, मेडिकल टेस्ट, हॉबी एंड डैफ वन एंड डैफ टू। इंटरव्यू रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? मज़ा आता है काफ़ी इंटरव्यू में वैसे। हाँ, यस एग्जैक्टली, दैट्स वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। देर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसका IPS में जाने का बहुत सपना था, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मेन्स। तो पहली चॉइस थी IPS, दूसरी चॉइस थी AS, रेयर केस IPS को ऊपर रखा है, बट उसका बचपन से सपना था कि उसको IPS करना, उसी लिए सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में आया। मेडिकल टेस्ट में पता चला ही वॉज कलर ब्लाइंड। ठीक है, आफ्टर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स उसको मेडिकल टेस्ट में पता चला वो कलर ब्लाइंड है। वंस यू आर कलर ब्लाइंड आपका IPS आप के लिए अनफिट डिक्लेयर हो जाते हो। आई डोंट नो द पैरामीटर्स, यू शुड चेक, वो उनके नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा पहले ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, कि कलर ब्लाइंड हो तो आप जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इस टाइप से डैनिप्स हैं, इनके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो फिर उसको IAS मिला, बहुत रोया। तो नहीं, मैं एक से सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रैटेजी के लिए तो यही था। आई थिंक थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ों पे बात कर लेते हैं आपसे। लास्ट में Q&A जल्दी जल्दी लेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है अभी तक इंटरव्यू में? हाँ बताइए, ऑप्शनल। हाँ बताइए। सर, मेरा BCom से मेरा ग्रेजुएशन है और उसमें अकाउंटेंसी और कॉमर्स एक सब्जेक्ट है और एक है इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो जो पहला पार्ट है दोनों में टेक्निकल है, उसमें दोनों में मुझे थोड़ा वीकनेस है। तो मैं कैसे बताऊँ इसमें? तो हाँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये टेक्निकल है तो इसमें थोड़ा वीकनेस है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ऑप्शनल ऐसा तो है नहीं, बहुत हैवी वेटेज है उसका, तो उसमें वीकनेस लग रहा है। तो फिर मतलब डू यू थिंक योर स्ट्रेंथ कैन ओवरकम योर वीकनेस? सॉरी, डू यू थिंक योर स्ट्रेंथ कैन ओवरकम योर वीकनेस? जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है क्या वो आपके वीकनेस को ओवरकम कर पाएगी? मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ज्योग्राफी में 20 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें से 2-3 चैप्टर्स काफ़ी डिफिकल्ट हैं, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आते, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे कई बार। ठीक है, बट आई वॉज हेल बैंड की जो 17 चैप्टर्स बाद में हैं, देवर माई स्ट्रॉन्ग सूट, वहाँ पर मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँगा कि वो 3 मैटर नहीं करेंगे। दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग यू कि डू यू थिंक योर स्ट्रेंथ्स कैन ओवरकम योर वीकनेस? और हो सकता है जिस एरिया से आप बात कर रहे हो वो क्वेश्चन ही ना आए वहाँ से। जैसे ज्योग्राफी में एक एरिया है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, थोड़ा सा वैसा है, थिंकर्स वगैरह आते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं जनरली अवॉइड कर जाता था वहाँ के क्वेश्चंस। मगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता था मेरे को, मुझे पता था मेरा दूसरा पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनीवन एल्स? चलिए, जितने लोग सो रहे थे अब थोड़ा उठ जाओ। किसी को और पूछना है? स्ट्रैटेजी यहीं तक थी, अब जो आएगा वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बताइए, स्ट्रैटेजी रिलेटेड एवरीथिंग डन? तो रिटर्न, जितनी आज मैंने चीज़ें बोली मैं रिटर्न फॉर्म में अपने टेलीग्राम में करे, ताकि अगर आप अभी कोई सो भी रहा हो वो बाद में जाके देख ले वहाँ से। सारे रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा मैं जितने मेरे पास थे, और जितना भी सब था रिटर्न फॉर्म में कर दूंगा।
अब सुनो, इन दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन आप तो बहुत सेक्रीफाइसेस करके आए हो, नो डाउट, बट आपके पीछे भी कई लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं. दैट इंक्लूड सम ऑफ योर पेरेंट्स एंड सम ऑफ योर फ्रेंड्स. कई लोग, कई बार बाहर के लोग सोच भी नहीं सकते कि आपके पेरेंट्स और आप किस एरिया से गुजर रहे हो. लेट मी टेल यू फॉर एग्जाम्पल, एट द स्टार्ट ऑफ द मे आई वॉज इन डेली. 23 मई को मेरा इंटरव्यू था. माई मदर वॉज बेड रिटन एट दैट टाइम फॉर अराउंड 20 डेज. 23 को मेरा इंटरव्यू था, 22 को वो बरेली से मुझे उस हालत में छोड़ने आई थी यूपीएससी भवन के बाहर, और वो 2 घंटे वहाँ बैठी रही थी जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो गया था. एंड देन शी वेंट. फिर मैं मेडिकल देके घर गया एंड आई न्यू द कंडीशन. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करा है. प्लीज़ रिस्पेक्ट देम. ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से ऑनेस्टी. जैसे मैंने बोला ना, मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि हैव यू गिवन योर बेस्ट. प्लीज़ कीप आस्किंग योर सेल्फ, हैव यू गिवन योर बेस्ट, क्या इम्प्रूव कर सकते थे. तो जब मैंने अपनी मदर को देखा तो बहुत, मतलब रोना सा आ गया था मुझे कि व्हाट सेक्रीफाइसेस योर पेरेंट्स गो थ्रू. उसके बाद 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया, तो रैंक आ गई, इंटरव्यूज होने लगे, मम्मी का इंटरव्यू हुआ. फिर अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, सुबह उठा, मम्मी ऑलरेडी उठ के बैठी हुई हैं बाहर, आराम से चेयर पे बैठ के मेरा इंटरव्यू लगा के देख रही हैं. मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं. अगले दिन गया, अगले दिन वो फिर इंटरव्यू लगा के देखे हैं. फिर नेक्स्ट डे गया, मम्मी फिर इंटरव्यू लगा के दे. मैंने बोला मम्मी कितनी बार देखोगे? बोला मेरी मर्जी, मैं जितनी बार भी देखूँ, मेरा बच्चा है. दैट प्राउड मोमेंट ऑन हर फेस. अगर मुझे ये एग्ज़ाम 100 बार पे लिखना पड़े ना, मैं लिखूँगा. ठीक है, योर पेरेंट्स हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट. योर कई बार क्या होता है कि आप अपने जो बाहर, आप तो यूपीएससी में आ गए, बट जो आपके फ्रेंड्स हैं दे आर इन टू कॉरपोरेट वर्ल्ड नाउ. कुछ PSUs में होंगे, कुछ बहुत अच्छी जगह पे होंगे. तो आफ्टर ए टाइम कम व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम, यार ये तो इतनी अच्छी जगह पे हो गया, क्या मेरे 3 or 4 attempts हो गए, मैं यहीं पर हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा. माई एडवाइस इज टू यू इज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स. ठीक है, दिस इज अ वेरी यूनिक एग्जाम. दिस द डिमांड इज वेरी यूनिक, द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी यूनिक, एंड यू आर अबाउट टू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच नो वन कैन इमेजिन. तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दैट. ग्राइंड योर सेल्फ, और हर अपने आप से क्या पूछना है, हैव आई गिवन माई बेस्ट. जिस पॉइंट पर भी डिप्रेस्ड हो, हैव आई गिवन माई बेस्ट. ठीक है, अगर उसके बाद भी लगे कि क्या मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूं, तो ये नाम याद रख लेना. अगर ये बंदा ऑल इंडिया रैंक 4 ला सकता है ना, तो इस एग्जाम को कोई भी निकाल सकता है, और कितनी भी अच्छी रैंक से निकाल सकता है. ठीक है, हैव आई गिवन माई बेस्ट? यस, आई हैव गिवन माई बेस्ट, एंड दैट इज वॉट मैटर टू मी मोस्ट इन दिस एग्जाम, इवन बिफोर द रिजल्ट केम. आपको भी अपने आप से यही पूछना है, उसके बाद भी लग जाए तो ये नाम देख लेना. अगर ये बंदा AIF 4 ला सकता है, तो इस एग्जामिनेशन में कोई भी रैंक ला सकता है. आप में से हर कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है. तो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस टॉपर्स टॉक टुडे.